क्या गो लाइव कर दिया है पंद्रह को तेरा संदेश आया सोलह को आऊंगा कहलाया पंद्रह न आया न सोलह सही तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार आजा जा पियाई बहा तेरा करो गिन, गिन गिन के नेट बहुत तेज है क्या नेट इतना तेज भग रहा है जी क्या किया आपने हो गए नमस्कार नमस्कार और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आप सभी को सायंकाल की राम राम मेरे ले लो राम राम मोहल्ले वाले आ गए हैं बहुत इच्छा थी लोगों के साथ जियो सी पढ़ाऊं जियो सी पढ़ाओ मेरे मंजिल का ये आखिरी टॉपिक फिर आऊंगा मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर उम्मीद करूंगा कि आ जाऊँ क्योंकि अलाउ कर दें चलिए पाए लागू ठीठा लागू सभी को साउंड लो बोल वॉइस लो बोल रहे हैं मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं आवाज कम आ रही है लगता है इसी में कुछ कीड़ा होगा तेज कर दो सर आवाज को क्या अभी आवाज बहुत तेज आ रही है क्या अब आपके कानों से खून के कानों से खून निकल रहा है क्या इस रंगारंग कार्यक्रम में आपके कानों से खून निकल रहा है क्या अब आवाज बहुत तेज आ रही है सर तो आपको भी चश्मा लग गया क्या तो बेटा लगा ही है तभी तो पहन रहा हूं ओके यस सर हम्म खून निकल रहा है सभी बोल रहे हैं खून निकल रहा है कह दो ना। <laughs> सर जी लो बोतल ले जाओ बोतल भर के लाना बस बोतल में पानी होना चाहिए वरना बच्चे फिर कुछ और समझते हैं प्लीज खाली गिलास और बोतल चलिए 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 स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यतीत किए बोलो ये क्या है व्यतीत क्या होता है सर ऐसा लगा जैसे कोई बहुत गंदा था कुछ बोला अरे हिंदी है तो? मातृभाषा है हमारी इसकी इज्जत करो जीओसी जीओसी हम ओ सी को भी जी लगाते हैं इतने इज्जतदार लोग हैं हम ये अलग बात है कि हम ब्रेकअप स्पेशलिस्ट है आज मोहल्ले में जियोसी आई है सर इस साल लक्ष्य में आप आओगे क्या मुझे क्या पता बे? मुझे क्या पता जो आएगा वो आएगा आएगा आएगा। देखते हैं यार मुश्किल है पर देखते हैं बहुत मुश्किल है हम बेचारे पुराने लोग नहीं हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और एसिड एंड बेस ये दो चीज़ें हम कवर करेंगे पहला पार्ट ये होगा फिर दूसरा पार्ट ये होगा क्या आप सभी लोग तैयार हैं मोहल्ले के देख लीजिए देखो वो आ गया प्रयास वन प्रयास टू मोहल्ले वाले अर्जुना वन अर्जुना टू फलाना ढीम का सभी लोग पधार चुके हैं सभी लोग क्लास में पधार चुके हैं ये एस ब्लॉक कहाँ से लग गया भाई ये एस ब्लॉक कहाँ से लग गया भैया भैया हमने तो एस ब्लॉक नहीं लगाया था भैया ये एस ब्लॉक कहाँ से आया है जियो <laughs> सी आना था ना आ गया, गया। चलिए हाँ सर जीओसी मतलब जीओसी का मतलब है बेटा और रेजोनेंस और रेजोनेंस का मतलब तो आप जानते ही हैं मैं नहीं बोलूंगा वरना अभी <laughs> चलिए आइए शुरू करते हैं जीओसी सारे मोहल्ले वाले आ चुके हैं इधर उधर 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 इधर सब आ चुके हैं सारे चलिए शुरू करें क्या बात उन दिनों की है बात उन दिनों की है जब चौदह फरवरी को लोग बॉन्ड बना के बड़े खुश हुआ करते थे ये बात उन दिनों की है जब लोग बॉन्ड बना के बड़ा खुश हुआ करते थे कि वाओ ओपी हमने बॉन्ड बना ली है हम बॉन्ड बना चुके हैं हम अब सिंगल नहीं रहे ये बात उन दिनों की है तब एंट्री होती है ओसी वालों की किसकी होती है ओसी वालों की ओसी वाले जो हैं बड़े सीधे साधे बोले लोग रहते हैं अरे गाली नहीं दे रहा हूं ऐसा नहीं गाली भी क्यों दूंगा भाई ए, ए, ए एक्स और वाई आर और एक्स, एक्स।, एक्स बॉन्ड बना के बहुत खुश थे आर और एक्स बॉन्ड बना के बहुत खुश थे कि हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाई है अब हमारा जीवन में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हम बने बैकग्राउंड में चल रहा है मैं नहीं गा रहा हूं ऐसा इनके बैकग्राउंड में चल रहा है है ना तो जैसे ही ये बॉन्ड बनी ये बॉन्ड बनाने का बहुत शौक था लेकिन हम ऑर्गेनिक वाले बहुत सीधे लोग हैं हमने कहा बॉन्ड बनी कैसे रह सकती है हम बॉन्ड को तोड़ेंगे हम बॉन्ड को तोड़ेंगे और बॉन्ड को तोड़ना लाएसिस। लाएसिस का मतलब तोड़ना आज के बाद तुम्हें कुछ भी तोड़ना हो बोले मैं लाइसिस कर दूंगा पानी का मग्गा लेके जा रहे हो तो हाइड्रोलिसिस कर दूंगा होली आने वाली है तोड़ना नहीं है मतलब हाइड्रोलिसिस तोड़ दूंगा अगर कोई बोल रहा है समझ रहे हो बात को हाँ बेटा बोला है बजरंग आर और एक्स हमको बॉन्ड तोड़नी है इस वाली बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है एक और एक दो दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं एक आर का है और एक एक्स एक का है, है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शेयरिंग हुई है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शेयरिंग हुई है।, है ना है ना बॉन्ड बनी है तो अपने अपने ख्याल एक दिल एक दिल है एक जान है समझ रहे बात को दोनों मिलके है ना बना है अब बोले यार, यार ये तो भैया भयानक चीज है बॉन्ड बनी है अब बॉन्ड बनी है तो टूटेगी भी कोई चीज बनी ही टूटने के लिए है समझ में आ बेटा कीर्ति माया बोले सब बेसिक से पढ़ाना बेटा बेसिक का गुज्जाओ अंदर है बेटा बेसिक में क्या करूं बेटा बेसिक में क्या करूं बेटा तेरे को एक्स के बारे में समझाऊं है बेटा बेसिक मतलब और कितना बेसिक बेटा बता दे मेरे को आज तू आज मुझे बता दे तू कि बेसिक का मतलब और कितना बेसिक पे जाऊं बेटा एक्स के बारे में बताऊं तेरे को है क्यों 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 भाई ऐसा नहीं है मेरी बात समझो आर जो है मेरी बात समझा करो नहीं आ, ये नहीं बेटा मेरी वाली अलग है ये सब बातें नहीं बोले सर मैं कह रहा हूँ दो इलेक्ट्रॉन है बोले एक बोल रहा है मेरी वारी वारी है मेरी वाली अलग हम दो नहीं हम दो मेरे अरे ऐसी बातें नहीं करनी हम ऑर्गेनिक वाले लोग हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम ऐसी बातें करते हैं हम आर और एक्स की तरह बातें करेंगे दो इलेक्ट्रॉन लेकर बैठे हैं अब बहुत 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 मशक्कत के बाद है? एक पूरा मस्त देखो अब बोल रहा है सब पूरा अंदर घुस जाओ हाँ बेटा अभी क्या मैं तो मुंह से क्यों निकलवाते हो माफ कर दो मुझे मुंह से निकल गए हैं हाँ तो अब पता है क्या है अब आई बात ब्रेकअप की मतलब बॉन्ड फ्यूजन बॉन्ड टूटने की बारी आई है हजरात 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 अब बॉन्ड टूटेगी बॉन्ड टूटेगी आर और एक्स की बॉन्ड टूटेगी अब आर और एक्स की बॉन्ड टूटेगी आर और एक्स की बॉन्ड जब टूटेगी तब तो दो तरीके हैं आर और एक्स दोनों का ही म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ है म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ है आर बोल रहा है कोई बात नहीं अगले जन्म तुम वापस आना ऐसे अगले जन्म समझ रहे बात को मेरी बात को अगले जन्म हम बराबर अभी अभी हम बराबर ब्रेकअप कर लेते हैं अगली हम म्यूचुअल uh, ब्रेक कर लेते हैं म्यूचुअल ब्रेक कर लेते हैं और म्यूचुअल ब्रेक कर लेते हैं और फिर बाद में देखा जाएगा आपका बन जाएगा आर डॉट प्लस एक्स डॉट आर डॉट प्लस एक्स डॉट ये म्यूचुअल हुआ तो आर और एक्स क्यों नहीं लिखा किसी गधे ने ऐसी बात बोली तो बहुत मारूंगा इस सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब रह गया फिर आर एक बॉन्डेड है मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं हम डॉट से क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है मैं आई का कहा नहीं तो इस डॉट को बोला जाता है मार्केट में इस डॉट को बोला गया है प्री रेडिकल क्या बोला गया है प्री रेडिकल यहां पर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इक्वल क्लीवेज हुआ है या अनइक्वल इक्वल शेयरिंग हुई है या अनइक्वल शेयरिंग अनइक्वल ब्रेकअप हुआ है या इक्वल ब्रेकअप जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में लिख बताइए इक्वल या मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप हुआ है तो इक्वल हुआ, हुआ है या अनइक्वल? इक्वल हुआ है इसीलिए इसको बोलते हैं होमोलाइसिस क्या बोलते हैं इसको होमोलाइसिस क्या बोलते हैं होमोलाइसिस होमो मतलब बराबर लाइसिस मतलब टूटना बराबर टूटना इक्वल अमाउंट ऑफ एक आता है एक आता है हेट्रोलाइसिस हेट्रोलाइसिस हेट्रो मतलब अनइक्वल अब बारी आ रहे लड़ने की आर बोल रहा है मैं तुमसे बड़ा वाला हूं

इले अह के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया गया है तुम्हारी तो चतुर्ता के मुताबिक कौन ज्यादा तेज है तो वही वाली बात है इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर आर की ज्यादा है मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन आर लेके जाएगा और एक्स हाथ में कुछ नहीं आएगा एक्स के हाथ में कुछ नहीं आएगा यहां उल्टा है एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है यहां बनेगा आर के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन और एक्स के ऊपर खालीपन खालीपन को दर्शाते हैं प्लस के साथ जैसा कि आज तुम महसूस करते हो घर बैठ कर, कर आज तुम जैसा अरे ये सब साले छपरी एक नंबर के इलेवंथ वाले देख सकते हैं क्या तो क्या बेटा ये क्या मैं ये क्या बेटा मैं नर्सरी क्लास वालों के लगवा रखा है बेटा नहीं बेटा ग्यारहवीं वाले मत देखना बेटा नर्सरी वाले देखेंगे नर्सरी वालों के लिए है ये तुम्हारे लिए नहीं है करे कई गया हम हां और r इसको r माइनस भी बोल दिया जाता है मतलब लोन पेयर माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर और यहां पे आ जाएगा r प्लस उल्टा अब इलेक्ट्रोनेगेटिव x ज्यादा है मतलब एक्स इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहां बन जाएगा एक्स पे आ जाएगा माइनस सर ये प्लस क्यों आया मेरे को ये प्लस समझ में नहीं आया इसका मतलब प्लस मतलब क्या होता है सर प्लस मतलब क्या होता है सर सर प्लस मतलब क्या होता है <laughs> इनके डाउट देख के लगता है मैं क्लास छोड़ दू अरे मेरे मेरे गधे है है सर एक बोला है सर सर एक एक बात बताओ सर। कि जब हो गया तो क्यों हुआ अरे मेरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो इस पात से हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो इस पात से हो सकते हैं ये अलग अलग चीज है आर मतलब कोई कार्बन का कंपाउंड मान लेता हूं तो मोहल्ले में प्यार से आर माइनस को बोला गया है कार्बन आयन क्या बोला गया है कार्बन आयन, अनायन से कार्बन का माइनस कार्बन आयन, और ये ये कार्बो केटायन, कार्बो केटायन, जैसा कि आप सभी लोग अखंड से मैंने शुरू से ही बच्चों का नाम रख दिया था अखंड केटायंस आप सभी अखंड कैटायन है वक्त आएगा जब आप भी कभी ना कभी समझ रहे हैं न क्या बोल रहा हूं हाँ मैं है ना समझ रहे हैं ना एक बोल रहा है सर सबका बहुत दुख के साथ बोल रहा है सर सबका म्यूचुअल नहीं करता सर अरे ठीक बात है बेटा आओ हाँ चलिए तो अब आपने इस पूरी लाइसिस के दौरान आपने इस पूरे बोन फिजन के दौरान आपने डॉट बनाया मतलब फ्री एडिकल बनाया कार्बन फ्री एडिकल बनाया कार्बन बनाया कार्बोकेटाइन बनाया ये सारे क्या हैं ये सारे इंटरमीडिएट्स हैं ये सारे क्या हैं इंटरमीडिएट्स हर्ष बोल रहा है सर लव फ्रॉम की नगरी उदयपुर उदयपुर से तो मैं बे चलिए ये सारे क्या है इंटरमीडिएट सर इंटरमीडिएट क्या होता है मान लीजिए मैंने बताया था ना जैसे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस्ते में है उसका घर मान लीजिए ये रहा होम ये रही कोचिंग मैंने यही एग्जाम्पल दिया था याद होगा होम कोचिंग एक घर है एक कोचिंग है घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस्ते में है कोचिंग है ना अब कोडिंग नहीं कोचिंग कोचिंग है वो हाँ, अब जैसे ही आप निकले घर से कोचिंग की तरह, कोई बहुत सात्विक बच्चा हुआ कोई बहुत सात्विक बच्चा हुआ उसने बोला मैं तो मेरे घर से निकल के सीधा कोचिंग जाऊंगा मैं इस तरीके के गलत चीजों में नहीं पढ़ता हूं अब एक आया तुम्हारी तरह घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस्ते में है उसका घर फिर हम चलेंगे कोचिंग फिर चलेंगे कोचिंग उसमें क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा है ना तो ये जो स्टॉपेज आपका आया ये जो स्टॉपेज आपका आया मान लेते हैं पी दिस पी स्टॉपेज पी इज नोन एज इंटरमीडिएट जब यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई ये था रिएक्टेंट क्या था ये रिएक्टेंट ये था आपका प्रोडक्ट ये था आपका प्रोडक्ट एक हो सकता है कि रिएक्शन स्टार्ट हुई सीधा प्रोडक्ट पे गई एक हो सकता है रिएक्शन सीधा स्टार्ट हुई और प्रोडक्ट पे गई स्टेट बनी एक हो सकता है कि यहां से रिएक्शन पहले किसी एक पार्ट में टूटा इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट देखो बेटा अपने अपने शौक है हो सकता है पी कोई दोस्त हो या पी कोई न, 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 समझ रहे बात को आपका मिलना हुआ तो पी पर जो आप मिले पी से झीझ का चाय की दुकान हो सकती है कोई दोस्त का घर हो सकता है कोई दोस्त का मतलब कुछ भी आप समझ रहे इंटरमीडिएट सो दिसल ये जो आपने पढ़ा बॉन्ड टूटी या तो डायरेक्ट एक आंसर आता एक बॉन्ड टूट के हो सकता है कुछ इस प्रकार हो ये बने ये बने ये बने कुछ भी इंटर इस प्रकार के इंटरमीडिएट्स का बनना यही है आपके इंटरमीडिएट ऑप्टेन ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन ऑप्टेन ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनने वाली स्पेसिस इज नॉन एज इज नॉन एज इंटरमीडिएट नॉन एज इंटरमीडिएट कुछ तो इतने बड़े

रिएक्टेंट से गया प्रोडक्ट की तरफ कुछ भी नहीं हुआ तो डायरेक्ट रिएक्शन हो गई ट्रांस की थ्रू सीधा ऐसा हुआ ऐसा हुआ जुड़ गया एक हो सकता है बीच में कहीं रुका इंटरमीडिएट बना बोला ऐसा सोनम गुप्ता बेवफा है ऐसे की बातें क्यों करते हो फिर एक जगह रुका वो इंटरमीडिएट मिला वो इंटरमीडिएट गया प्रोडक्ट की तरफ सो दिस इज द रिएक्शन जो इंटरमीडिएट मिला हो सकता है कि किसी रिएक्शन में दो इंटरमीडिएट मिले हो सकता है तीन इंटरमीडिएट मिले तो ये सारी चीजें जो है ना इंटरमीडिएट वाली अब सर जैसे मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करता हूं जैसे मान लीजिए पहले मैं आपको समझाता हूं सी एस थ्री प्लस को क्या मोहल्ले में दिखने वाला हर प्लस फॉर्मल होता है या मतलब क्या मोहल्ले में दिखने वाला हर प्लस वैकेंट होता है क्या बेटा जो बच्चा इस बात को समझ गया वो काफी चीजें अच्छे से समझ जाएगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भैया अगर क्या मोहल्ले में दिखने वाला हर प्लस वैकेंट होता है नहीं सर आपको ये देखना होगा उस एटम ने कितनी बोन्ड बना रखी है इस कार्बन ने तीन बोन्ड बना रखी है इस नाइट्रोजन ने चार बना रखी है आप सबको पता है कार्बन तीन नहीं चार बोन्ड बनाता है अगर कार्बन चार बोन्ड बनाता है और कम बनी है औकात से औकात से कम बोन्ड बनी है जैसे आपकी है देखो ऑफिशियली तो आपकी औकात एक बॉन्ड बनाने की है देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बहुत गुड़ रहस्य की बातें हैं समझ रहे हो बात समझ रहे हो तो आपकी औकात एक मोड़ बनाने की है अगर आप जैसे आज आप आज आप जीरो पे हैं आज आप जीरो पे हैं आज आप जीरो पे हैं कुछ लोग एक पे हैं बहुत बढ़िया बधाई उनको कुछ लोग दो पर हैं वो गलत बात है उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज मतलब अपने औका बनाता है नाइट्रोजन तीन बोन्ड बनाता है जनरली चार बनी है औकात से ज्यादा बोन्ड बन चुकी है इस प्लस को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज क्या बोलते हैं फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज क्या बोलते हैं फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज है, है ना समझ में आ रहा है क्या और ये प्लस कितनी पॉइंट बनाता है चार तीन बनी है ये है आपका वैकेंट ऑर्बिटल मैं आपको अभी से भी सिखा दूंगा दो मिनट लगेगा कोई दिक्कत नहीं है वैकेंट और्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल ऑर्बिटल अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं इसके बारे में क्या ख्याल है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ये, ये लीजिए जल्दी बताइए ये, ये वन नंबर ये टू नंबर प्लस वन और प्लस टू अगर वैकेंट वी वी वेकेंट वेकेंट फॉर्मल फॉर्मल वेकेंट फॉर्मल फॉर्मल वी 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 एफ एस आंसर बताइए अपना जल्दी सर आंसर बताइए जल्दी जल्दी सर यू आर गॉड ऑफ ओसी धन्यवाद लेकिन बेटा गॉड नाम की कोई चीज नहीं होती गॉड ऊपर एक है बाकी ओसी के सब भगवान ही है सर टीचर अपने आप में भगवान है मैं ये सब चीजें नहीं मानता गॉड वर्ड मैं थोड़ा सा इस मामले में नास्तिक हूं इस मामले में को बहुत मानता है आपका वैकेंट कार्बन पे फॉर्मल आता ही नहीं है वैकेंट और यह है आपका फॉर्मल यह है आपका फॉर्मल क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई यह है फॉर्मल एक दो तीन ऑक्सीजन की तीन मोड़ मोडमन के प्लस आया है ये एक आदमी एफ से पहले वी नहीं कुछ और लिख रहा है ऐसे मत करो प्लीज यार माना तुम मतलब सेंटी हो ठीक है ऐसे मत करो माना वो तुम्हें हर जगह वही दिखता है मैं क्या करूं वी एफ इज द करेक्ट आंसर वैकेंट फॉर्मल अच्छा मुझे जल्दी से इसका आंसर दे दो मुझे जल्दी से जल्दी जल्दी, जल्दी इसका आंसर दो किसका सर लिखो तो सही और लिख रहा हूं हूँ रुको तो सही रुको तो सही वेकेंट तो है नहीं कोई वेकेंट तो कोई भी नहीं है बताओ मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर या फॉर्मल माइनस में दो हो सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा प्रॉपर या फॉर्मल होगा जैसे यहां वेकेंट होता है ना वैसे यहां इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है फॉर्मल फॉर्मल है बताइए क्या होगा एफ ई एफ ई एफ ई एफ इज द करेक्ट आंसर कैसे सर कार्बन का माइनस है तो यहां पे ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर ये तो हुआ लोन पेयर क्या हुआ लोन पेयर बोरोन कितनी बोर्ड बनाता है बोरोन कितनी बोर्ड बनाता है बोरोन कितनी बोर्ड बनाता है बोरोन बनाता है तीन बोर्ड यहां कितनी बनी है चार चार मतलब ये है फॉर्मल अच्छा सर मतलब औकात से ज्यादा बनाए तो वो फिर माइनस भी फॉर्मल है हाँ दुनिया का कोई भी एटम कम बोन्ड बना के माइनस ला रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर है ज्यादा बना के माइनस ला रहा है मतलब वो एक फॉर्मलिटी है फॉर्मल चार्ज है कि भैया तुमने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं चुपचाप है ना समझ, रहा है, समझ रहा है क्या आपको समझ रहा है क्या एलोस के ये मेरा ही डायलॉग अच्छा मेरा ही लाल चेबरा बेचारा एल एलोस के सीतरी आज से तेरे को नया दिया जा आज से मैं तेरे को एक नया नाम देने जा रहा हूँ क्या सर एल गलेक्टोटोस के एल एल के आज से एक नया नाम दिया तुमको जो लोग एल एलोस के सीथरी एपीमर थे वो लोग आज से वो लोग आज से एल गलेक्टोस के सी फोर एपीमर भी हुए ये होता है ये होता है गलेक्टोस ये होता है डी गैलेक्टोस ये हुआ एल गलेक्टोस अब जाओ निकाल लेना <laughs> जितने भी हैं, उन सभी को एल गलेक्टो के सी फोर एपीमर एल गलेक्टो के सी फोर एपीमर जाओ निकाल लो हाँ ये रहा ये था फॉर्मल और वैकेंड आपको मैंने सारी बेसिक चीजें कंप्लीट करा दी आपको मैंने सारी बेसिक चीजें कंप्लीट करा दी भैया देखो बेसिक क्या होता है अब मैं आपको सिखाता हूँ सी एस थ्री प्लस का ना कार्बन का क्या होता है वन एस टू टू एस टू टू पी टू एक्साइड करोगे तो वन एस टू टू एस वन टू पी थ्री ये टू पी थ्री समझ आया समझ आया सबको है ना ये आ गया और अब सी एस थ्री प्लस तीन सिग्मा बोन बनी है, है एच के साथ तो एक दो तीन और प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन चुपचाप उठा के वो ले गया चुपचाप उठा के वो ले गया अब ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज सभी लोग क्लास में बैठे सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा तो मैं बोलने जा रहा हूँ ये ऑर्बिटल खाली ये हो गया आपका सी एस थ्री ये हो गया आपका सीएस थ्री अगर ये ऑर्बिटल खाली है इसका मतलब इस प्लस का वैकेंट पी ऑर्बिटल ये कौन सा है वैकेंट पी इट कैन बी पीएक्स इट कैन बी पीवाई इट कैन बी पी कोई भी पी खाली है इसी को बोलते हैं आपका सी थ्री प्लस और अगर सी थ्री डॉट होता सी थ्री डॉट होता तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता ऐसे और अगर सी थ्री माइनस होता मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया है तो ये होता इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आप लोगों को ये सी डॉट सी एस थ्री प्लस और सी एस थ्री माइनस क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया ईमानदारी से बताना क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं यहां तक सारी चीजें अब स्टार्ट करने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये तो था बेसिक ये तो था बेसिक जल्दी बोलो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बोलो जल्दी जल्दी बताओ समझ में आ गया वेरी गुड चलिए बहुत बढ़िया ये पता है आप लोग को पता है मैं ईमानदारी देखो अपार्ट फ्रॉम मजाक ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये सर ये होमोलाइसिस क्या है मान लीजिए दो लोग दो लोग गले मिल रहे हैं होमोलैसिस का सिंपल सा एग्जाम्पल ये है आपकी आम जीवन की आम जीवन जो होता है उसके अंदर दो लोग गले मिल रहे हैं आप गए दूर हो जाओ ये होता है होमोलैसिस ये होता है होमोलैसिस एक होता है आओ तुम एक को ले गए ये होता है हाइड्रोलिसिस मेरी बात समझ में आई जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को चलिए ये देखिए ये दो एटम वन एटम तो मिल रहे थे एक कोवलेंट बॉन्ड थे भाई ने अलग करा दिया ये है आपका ये है आपका हाइड्रोलिट होमोलिटिक बॉन्ड अब पता है ना होमोलिटिकली आपने सबने पढ़ा है होमोलिटिस के लिए आपने सबने पढ़ा सनलाइट सब ले लो हाई टेंपरेचर ले लो गैस फेज ले लो मेटल ले लो रेडिकल कोई और अनादर रेडिकल ले लो ये सारे लोग फ्री रेडिकल को जनरेट करने में काम आते हैं ये सभी लोग काम आते हैं रेडिकल को जनरेट करने में क्या आप अब अब अब, अब आप ध्यान से सुनिए अब आपने सब कुछ सीखा अब आते हैं सर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही अगर मैं इस इंटरमीडिएट की बात करूं बेटा बहुत ध्यान से सुनना अगर ये इंटरमीडिएट जो रिएक्शन में बन रहा है है तो ये अनस्टेबल क्योंकि है तो ये कोई ना कोई चार्ज है तो कोई ना कोई चार्ज या तो ये कटायन है या तो ये है या डॉट है कोई ना कोई चार्ज ही लेके बैठा है अगर ये चार्ज है इस चार्ज को आपको स्टेबल करना होगा अगर ये अनस्टेबल है यहां से यहां आने में अगर ये अनस्टेबल है तो आप बहुत धीरे धीरे -दिर आना चाहोगे अगर यहाँ आने में आपको मजा आ रहा है समझ में आ रहा है अगर आपको यहां आने में बहुत मजा आ रहा है यहां से यहां आने में आपको बहुत मजा आ रहा है यहां से यहां आने में आपको बहुत मजा आ रहा है तो कसम से आप यहाँ बहुत जल्दी जल्दी भाग के आएंगे कि चलो चलो आय हाई स्टेबिलिटी मिलेगी तो ये इसका स्टेबल होना बहुत जरूरी है एज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इंक्रीजेस क्योंकि पहले यही स्टेप सबसे स्लो थी अब अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई तो यहां से यहां आना स्लो हुआ या फास्ट हो जाएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि यहां से यहां आना स्लो होगा या फास्ट हो जाएगा अगर ये स्टेबल हो गया एज द स्टेबिलिटी ऑफ इंक्रीज पी या इंटरमीडिएट इंक्रीजेस रिएक्शन स्लो या फास्ट फास्ट इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम पढ़ते हैं इसीलिए यहां से यहां आना इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट आपसे करूं मैंने सी एस थ्री प्लस से पूछा मैंने सी एस थ्री प्लस से पूछा मैं तुमसे पूछा कैसा महसूस कर रहे हो उसने कहा गा, सर गाली मत दो बहुत बुरा लगता है आप बार बार यही बात पूछते हो हमसे कैसा महसूस कर रहे हो खुद तो बोन बना लिए हैं हमसे पूछ रहे हैं कैसा मैसेज कर रहे हो हाँ तो सॉरी फॉर देट लेकिन हम हाँ करूँ क्या मैंने कहा अब आप बताओ आपको क्या इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ चाहिए या इलेक्ट्रॉन आपको इलेक्ट्रॉन अपने से दूर चाहिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए केस वन या केस टू इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ चाहिए या इलेक्ट्रॉन अपने से दूर चाहिए वन या टू तरफ पास तुम्हारे मन की भावनाएं निकल निकल के कूद रही है बाहर तुम्हारे मन की भावनाएं निकल निकल के बाहर आ रही है <laughs> मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे भी बॉन्ड बनानी है मुझे पता है बेटा तुम्हारी भी मन की भावना है, ऐसी है तो ये वाला केस सही है ये गलत है इसका मतलब कार्बोकेटाइन बॉन्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूअर्ड द कैटायन इसका मतलब कार्बोकेटायन कैटायन जो है वो चाहता है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ डिस्प्लेस हो वो इलेक्ट्रॉन को खींच ले इलेक्ट्रॉन वो खींच ले इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा इसको मजा आ जाएगा कसम से क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई एक बोल रहा है मैं तो नोबल गैस हूँ बेटा ऐसे लोगों का अस्तित्व बहुत खतरे में है बेटा बहुत खतरे में है बेटा ठीक <laughs> है चलिए ये आया हाँ ये आया ठीक है वैसे ही नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव बोल रहा है मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं मुझसे इलेक्ट्रॉन ले, ले लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लो जो विड्रॉ कर ले इलेक्ट्रॉन खींच ले तो इसको मजा आ जाएगा मेरे से चार्ज थोड़ा कम आ जाएगा इसके बारे में क्या ख्याल है डॉट के बारे में क्या ख्याल है जल्दी बताओ डॉट के बारे में क्या ख्याल है इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भेजने हैं या इससे इलेक्ट्रॉन लेने हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भेजने हैं इससे लेने हैं क्या लगता है जल्दी बताइए मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन दे है भैया दोनों इसीलिए इसकी सबसे खास बात है इसको इलेक्ट्रॉन ये सबसे शानदार आदमी है ये बोल रहा है ये एक ही बात बोलता है मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा ये शानदार सी चीज है कि डॉट जो है वो एक ही कहानी बोल रहा है जो करना है करो बस मेरा पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म कर दो मेरा पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म कर दो मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हूं इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी स्टेबलाइज करते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी स्टेबलाइज करते हैं ये इसकी सबसे खास बात है इलेक्ट्रॉन देने वाला एक इलेक्ट्रॉन देगा पहली बात तो मैंने यही गलत बना दिया मैं आपको था। क्यों सर आपने तो नहीं सोचा होगा क्यों मैं था था आपको तो 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 ये बनाया तो इसको ऐसे करना था। ऐसे और ऐसे करना करना था और भी ऐसे करना ये डायमैग्नेटिक तो दे दे तो हो जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा ले 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 तब भी ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा बेसिक फंडा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ इंटरमीडिएट्स की तरफ किसी स्पेश की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेस होना ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है जैसे कि की लैंग्वेज है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑफ एन एटम और ग्रुप प्रेजेंट इन द परमानेंट पोलराइजेशन उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन या तो शिफ्ट हो जाएंगे इधर उधर ट्रांसफर हो जाएंगे दिस पोलराइजेशन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई बताइए क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई मनोज बोल रहा है सर रेडिकल इक्वल टू कार्बोट बहुत मारूंगा मनोज बहुत मारूंगा जीवन में ऐसी बातें की जैसा डॉट वैसा के ऐसी कोई बात की ना बहुत मारूंगा बेटा ऐसा कुछ नहीं होता भैया डॉट को स्टेबलाइज करते हैं और डोनेटिंग भी प्लीज ऐसा ऐसा स्पैम मत करो प्लीज वरना बुरा मांगे प्लीज यार बुरा मांगाऊंगा हाँ, चलिए आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट अब बात करते हैं टाइप्स की तो टाइप्स के अंदर दो होते हैं परमानेंट और टेम्प्री या तो किसी मोमेंट पे आपने जितना भी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा आप लोगों ने जितना भी मैकेनिज्म पढ़ा आप लोगों ने जितना भी मैकेनिज्म पढ़ा आर एक्स न्यूक्लियोफाइल का अटैक ये एसेंटू पढ़ी क्या है ये सिग्मा बॉन्ड इसमें प्लस और माइनस आ गया इन्फ्लुएंस में इसको बोलते हैं किसी के इन्फ्लुएंस के दूसरे कारण के के uh, होता है परमानेंट आप सब ने पढ़ा होगा परमानेंट तीन टाइप का होता है ये रहा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट परमानेंट और टेम्प्ररी परमानेंट तीन टाइप का होता है इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर कंजुकेशन इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सिग्मा सिग्मा का इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट सिग्मा क्यों समझाऊंगा ओनली इन पाए पाए इलेक्ट्रॉन की बातें होंगी पाए और हाइपर कंजुकेशन में सिग्मा और पाए दोनों होगा क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आती है सर कभी आप पार्शलते हैं कभी ओनली प्लस बेटा पार्शियल अच्छा कृष्ण तिवारी बोल रहा है सर आपने यहाँ तो आर एक्स में डेल लिखा फिर आपने कभी अरे बेटा यही तो खास बात है यहाँ से टूटने के बाद ये बना होगा ये है इंटरमीडिएट ये तो है रिएक्टेंट यहाँ तो पार्शियल चार्जेस है किसी फोर्स के द्वारा या किसी एक उसके द्वारा हमने इसको ये बनाया फिर हम प्रोडक्ट की तरफ लेके गए दिस इज दो ये है आपका इंटरमीडिएट इसी को तो स्टेबलाइज करना है चलिए ये टेंरी इंडक्टिव ये परमानेंट इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर कन्न समझ में आ गया सबको बिल्कुल समझ में आ गया सबको समझ में आ गया और temporary, temporary जो है वो दो टाइप का होता है इंडक्टिव इंडक्टोमेरिक रेजोनेंस वाला इलेक्ट्रोमेरिक इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स दिस इज योर इंडक्टिव एंड रेजोनेंस एंड हाइपर क्या आप लोगों को समझ में आया क्या आप लोगों को समझ में आया है ना चलिए आइए बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की क्या आप लोग तैयार हैं इंडक्टिव इफेक्ट समझने के लिए क्या आप सभी तैयार हैं जल्दी से बता दीजिए अब स्टार्ट करने जा रहा हूं तीनों इफेक्ट पहले इंडक्टिव समझाऊंगा फिर हाइपर समझाऊंगा फिर रेजो समझाऊंगा ये तीन चीजें पढ़ाऊंगा अभी क्या आप सभी तैयार हैं जी सर जी सर दत्ता तेरे बोल रहा है सर प्रयास में पूरी ऑर्गेनिक हाँ प्रयास में पूरी ऑर्गेनिक होगी भाई मेरे चलिए आइए आइए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट विद द इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट कुछ नहीं है मेरे भाई इंडक्टिव इफेक्ट कुछ नहीं है मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ जितने जोक मुझे प्रयास वालों ने भेजे हैं मैं सब लेके आया हूँ पूरे यूट्यूब के लिए कि भैया देखो ये सब प्रयास वालों के भेजे हुए हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कुछ नहीं है एक ऐसे आपके द्वारा किए गए कांड का लोगों को भड़काना यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट मतलब था समझ में नहीं आया ध्यान से सुनिएगा एक मोहल्ले का आदमी था कार्बन उसने किसी कार्बन से दोस्ती की दोनों बराबर के लोग थे कोई दिक्कत नहीं थी जब तक सब कुछ सही था जब तक इस पहले वाले कार्बन के जीवन में एक्स एक्स नहीं आया एक्स या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्स या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्स ने इस बॉन्ड के सारे दो इलेक्ट्रॉन थे दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ डिस्प्लेस करवा लिए डेल माइनस क्यों सर मतलब मैं एक बार और समझाता हूं जो इलेक्ट्रॉन यहां सेंटर में होने चाहिए थे वो इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर चले गए थोड़े से एक्स की तरफ चले गए जो इलेक्ट्रॉन सेंटर में होने चाहिए थे जो इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में होने चाहिए थे वो थोड़े से एक्स की तरफ चले गए दिस इज डेल माइनस और कार्बन से कार्बन को कैसा महसूस हो रहा है आप मुझे बताइए कार्बन को कैसा महसूस हो रहा है एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बन रही थी ऐसे आपने पढ़ा होगा इनोलिक केमिस्ट्री में ऐसे

बेंजो जो है बेंजो जो है वो एक्स की तरफ बेंजो जो है एक्स की तरफ अट्रैक्ट हुआ अब बेंजो ने कचरा जो हुआ बेंजो पे जो वैकेंसी आई इसने ये शेयर किया कि भैया मेरी एक्स के साथ बॉन्ड बनी है एक्स मुझे बहुत अच्छा ऐसे, ऐसी बात चल रही है तो ये सारी बातें ये कार्बन से कर रहा है बेंजाइल से कर रहा है इन दोनों में जहां पहले कोई डिफरेंस नहीं था जहां पहले कोई डिफरेंस नहीं था जहां पहले कोई डिफरेंस दोनों के अंदर नहीं था इसकी वैकेंसी के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से इसको शिफ्ट कर देगा कि भैया तू खाली पर महसूस कर रहा है यहां आएगा डेल डेल प्लस लेकिन आप मुझे बताइए कार्बन वन कार्बन टू कहां पे वैकेंसी ज्यादा है वन पर या टू पर कहा वैकेंसी जाता है बताइए कहा वैकेंसी ज्यादा है वन पर या टू पर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं वन पर या टू पर वन पर या टू पर वन इज द करेक्ट आंसर जो बोल रहे हैं टू वो एक नंबर के गधे हैं भैया टू पे कैसे ज्यादा हो सकती है वैकेंसी प्लस चार यहां ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से ये अटैच है भैया कार्बन और एक्स भैया असली बॉन्ड तो कार्बन की बनी ना एक्स के साथ ये तो बेचारे दोनों बस शेयरिंग कर रहे हैं कि भैया ऐसा हुआ ऐसा हुआ असली तो यहाँ हो रहा है ना बेटा जो खालीपन है वो तो यहाँ हो रहा है ये है असली में तो ये तो सब फर्जी है ये तो आप बिल्कुल ऐसा मैं आपको समझाता हूँ एक देसी एग्जाम्पल जो मुझे प्रयास वालों ने भेजा था मुझे याद आया मुझे याद आया मुझे, मुझे एकदम याद आया ये देखिए ये ये रहा बेटा ये देखिए बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये मेरा यहाँ देखिए ये भैया एक्स है सारे लोग इसको बर्थडे का केक खिला रहे हैं ये जो भैया है ये इनको डायरेक्टली ठूस रहे हैं ये भैया इनको डायरेक्टली ठूस रहे हैं ये है आपका रियल अब ये भैया हाथों में हाथ ऐसे आगे असली में तो यही इनको केक खिला रहे हैं क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है एक बच्चे ने मुझे और था। इसके बहुत क्रिएटिव एग्जाम्पल बच्चों ने भेजे मेरे को एक इसके बहुत एग्जाम्पल जैसे देखो ये भाई सब्जी बना रहा है भाई सब्जी ये बना रहा है सारा इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है गर्म लो आ रही तो इसके ऊपर आ रही है सारी फील इसको आ रही है ये भाई साहब लोगों ने हाथ लगा दिया है कि हम भी सब्जी बना रहे हैं ये आपका रियल है ये आपका रियल है ये डेल डेल प्लस है ये डेल 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 प्लस है ये डेल्टा फोर प्लस है और प्रैक्टिकली ये देखा गया प्रैक्टिकली ये देखा गया दिस इज जीरो डेल्टा फोर इज अज्यूम टू बी जीरो प्रैक्टिकली ये देखा गया ये जीरो है प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ये जीरो है मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है इंडक्टिव इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है सबसे ज्यादा ये होगा फिर इसको फील आएगी फिर इसको फिर इसको दैट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट ये तो कुछ नहीं है ये तो वो है बेटा हमारा सिंबल याद होगा सबको बहुत सारे बच्चों को याद होगा ये 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 देख रहे हैं यहाँ लाइन नहीं खींचनी है वन फाइव इपोक्सी पेंटेन वन फाइव इपोक्सी पेंटेन ये देखिए सुख शांति हवन जो होता है हवन हवन जो होता है या आ, आउती तो एक आदमी दे रहा होता है बाकी सब टिन 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 ये हो रहा होता है ये देखिए ये केक वाला केक एक जना काट रहा है ये भाई का हाथ देख रहे हैं आप ये भाई का हाथ देखिए आप ये है डल 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 प्लस सब कोई इफेक्ट नहीं है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट अब अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या है सबसे वाहियात इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट सबसे वाहियात इफेक्ट है ये मतलब सारी बातें हैं इंडक्टिव इफेक्ट केवल बातें हैं अगर आप सभी लोग मेरे को ध्यान से सुनना चाहे तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मतलब पता है क्या हुआ कि कार्बन के ऊपर खाली पन आया ठीक है कार्बन और एक्स की बॉन्ड बनने के बाद कार्बन और एक्स की बॉन्ड बनने के बाद कार्बन और एक्स की बॉन्ड बनने के बाद कार्बन के ऊपर खाली पन आया उस कार्बन के खालीपन को दूर करने के लिए दूसरा वाला कार्बन आया कोई बात नहीं मजा तो आ रहा होगा तुझे तो तेरे जीवन में आगे सब अच्छा होगा तो टेंशन मत ले इस तरीके की बातें करना सबसे बड़ी बात मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा इन इंडक्टिव इन फेट इलेक्ट्रॉन जस्ट गॉट डिस्प्ले शिफ्ट इलेक्ट्रॉन जस्ट शिफ्ट मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन केवल शिफ्ट होते हैं इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए शिफ्ट हुए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर नहीं चले गए ऐसा नहीं होता इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर नहीं होते हैं शिफ्ट होते हैं उसी बॉन्ड में दैट्स ये कि इंडक्टिव इफेक्ट वीकेस्ट है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन केवल शिफ्ट होते हैं और रेजोनेंस और हाइपर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं रेजोनेंस और हाइपर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं आप समझिए मेरी बात को आप आप ये समझिए चलो मैं आपको एक आपको पैसों की जरूरत है मान लीजिए आपको डीएनपी बीएनपी क्या ये क्या है डीएनपी रूल कौन सा डीएनपी रूल डीएनपी रूल क्या डीएनपी रूल क्या है क्या है डीएनपी रूल क्या पागल वागल हो क्या? ये सब... क्या है क्या है डीएनपी रूल बताओ ना डीएनपी रूल क्या है डिस्टेंस नंबर पावर क्या चश्मा बनाने गया क्या बेटा डिस्टेंस नंबर पावर बेटा तू चश्मा बनाने गया था बेटा लेंस कार्ड पे डिस्टेंस का नंबर का पावर वाला बनाओ चश्मा डीएनपी डिस्टेंस कौन डिस्टेंस डिस्टेंस नंबर पावर अच्छा चलो अपन आते हैं भाई मुझे नहीं पता सॉरी भाई मुझे ध्यान नहीं था मैं तो ऐसे ही बोल रहा है हाँ डिस्टेंस नंबर पावर अच्छा अच्छा भाई साहब ठीक है ठीक है भाई सॉरी सॉरी ओ आओ हे भगवान चलिए आइए अगर हम बात करें भाई मुझे ध्यान नहीं था डी एन पी हाँ क्या था अगर हम बात करें मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा मान लीजिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है आप पैसों की जरूरत फील कर रहे हैं आपका दोस्त आपके पास आया आपका दोस्त आपके पास आया और उसने बोला कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है तेरे को जब चाहिए मुझसे ले ले दे दे नहीं 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 लेना नहीं है इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तेरे भाई के पास बहुत पैसा है बहुत पैसा है तो दे दे बहुत पैसा है जब चाहिए तब मुझसे ले लेना इस प्रकार की जब बातें होती है उसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं उसी को बोलते हैं

चार चीजें पूछता हूं मुझे उसका आंसर कीजिएगा इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट ट्रू या फॉल्स जल्दी जल्दी आंसर कीजिए ट्रू या फॉल्स ट्रू ट्रू इट्स अ डिस्टेंस जो बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं वो गलत है इट्स अ ट्रू परमानेंट इसलिए है कि जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा वहां हंड्रेड परसेंट इंडक्टिव इफेक्ट आएगा जहां जहां इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा वहां प्लस और माइनस आएगा और उसकी वजह से बाजू वाला इफेक्ट करेगा दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट चलिए अगला स्टेटमेंट इंडक्टिव इफेक्ट इज द स्ट्रोंगेस्ट इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट इज द स्ट्रोंगेस्ट इफेक्ट जल्दी बताएं जल्दी जल्दी बताएं जल्दी फॉल्स अगला स्टेटमेंट अगला स्टेटमेंट इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सही जवाब है अगला स्टेटमेंट अगला स्टेटमेंट अगला स्टेटमेंट इन इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनादर ऑर्बिटल इन इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनादर ऑर्बिटल पॉल्स वेरी गुड तो अगर ये नहीं तो क्यों नहीं क्या होता है फिर अगर ट्रांसफर नहीं हो तो फिर क्या होगा अगर ट्रांसफर नहीं होंगे तो क्या होगा शिफ्ट वेरी गुड अगला स्टेटमेंट अगला वेरी गुड शिफ्ट इज अ करेक्ट आंसर शिफ्ट इज अ इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट एज डिस्टेंस इंक्रीजेज इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेज इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट बिकॉज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस ट्रू योल्स वाय पोल्स रीजन रीजन क्या है जल्दी 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 सेकेंड पूरा एक ही स्टेटमेंट है रीजन डिक्रीजेज बहुत बढ़िया डिक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट धीरे धीरे कम आ जाएगा मैक्सिमम कहाँ होता है जो डायरेक्टली अटैच एटम पे होता है क्यों होता है मैंने ये भी समझाया कि डायरेक्टली अटैच एटम पे क्यों होता है अच्छा अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल डेल्टा फोर मतलब एट द फोर्थ पोजिशन इंडक्टिव इफेक्ट इज अज्यूम टू बी एट द एट द एट द फोर्थ पोजिशन इंडक्टिव इफेक्ट इज अज्यूम टू बी जीरो बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत ही शानदार बहुत शानदार भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो वन टू थ्री फोर इसका तो आसान है फ्लोरिंग की वजह से सबसे ज्यादा चार्ज यहाँ आएगा तो वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर इसका आंसर दो तो जल्दी जल्दी इसका आंसर दो तो, इसका आंसर दो तो जल्दी जल्दी आंसर दो वन टू थ्री फोर वन फोर टू थ्री वन फोर थ्री टू सबसे ज्यादा पहले फिर कम फिर कम फिर कम द करेक्ट आंसर इज वन फोर टू थ्री रीजन क्या है सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन से इसका मतलब इस वाली पोजिशन पे चार्ज बहुत भयानक आएगा तो वन सबसे आगे आ गया फिर आएगा फोर क्योंकि ये दोनों तो कार्बन से अटैच भयानक होगा फिर फोर अब टू और थ्री में तो टू वाला फ्लोरीन के पास है तो यहाँ थोड़ी सी डिफिशियंसी ज्यादा होगी थ्री से आई होप आप लोगों का सही हुआ हो आई होप आप लोगों का सही हुआ हो करेक्ट आंसर अब होता क्या है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन देख हुआ क्या ये मान लो कार्बन है ये कार्बन है इसको रस्सी मान लो इसको रस्सी मान लो टग ऑफ बोर चल रहा है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन बीच में है अभी रस्सी कहीं मूव नहीं कर रही अभी रस्सी कहीं मूव नहीं कर रही अब जैसे ही आपने अब हमने क्या किया क्यों ऐसा क्यों माना गया पहले क्या था ना बड़ा लफड़ा हो गया यार अब समझ ही नहीं आ रहा था समझ ही नहीं आ रहा था कि भैया कौन इलेक्ट्रॉन देता है कौन इलेक्ट्रॉन लेता है किसको डिफाइन करें क्योंकि नाइट्रोजन के सामने फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन के सामने कार्बन जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से और फ्लोरिन से कम है तो बोले नाइट्रोजन देगा कि लेगा फ्लोरिन आएगा देगा लेगा इस तरीके की बातें करने लग गए तो हमने क्या किया एक फिक्स कर दिया एक फिक्स कर दिया कि भैया हमने एक रेफरेंस फिक्स कर दिया हमने एक रेफरेंस फिक्स कर दिया कार्बन और एच बॉन्ड को सी एच बॉन्ड की जो रस्सी है वो कहीं मूव नहीं कर रही सेंटर आप ये मान लीजिए कार्बन और एच की जो रस्सी है जो बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहीं मूव नहीं कर रहे इसको हमने रेफरेंस मान लिया कि विद रेस्पेक्ट टू सी एच बॉन्ड अब एच को हटाकर ए लगाया गया और एच को हटा के बी लगाया गया मान लेते हैं मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा

Withdrawing group, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लिए और यही अगर बी में अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ बढ़ने लग गए बी लगाते ही कार्बन की तरफ बढ़ने लग गए इसका मतलब बी कैसा हुआ इलेक्ट्रॉन दे रहा है इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब हमने पहचाना कि भैया एच को हटा के जैसे किसी ग्रुप को लगाओ और हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक की हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक की तो उससे पहचान लिया कौन डोनेटिंग है कौन विड्रॉइंग है तुम्हारे से, तुम्हारे से, तुम्हारे हिसाब 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 से 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 इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग कौन होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ले होंगे या नहीं होंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के हैं कौन ऐसे लोग होंगे जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए देखो पिम्पल्स जीरो बैकहेड जीरो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन जीरो बिकॉज इसी को क्या मानते हैं रेफरेंस ये क्या है रेफरेंस जल्दी बताइए व्हेन इन बाउंडेड पे इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम एनी एटम किसी एटम से दूर जा रहे इलेक्ट्रॉन्स उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव चार्ज वेरी गुड वेरी गुड इसको बोलते हैं अगर प्लस आई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होगा जिसके पास क्या पड़ा होगा जिसके पास क्या पड़ा होगा ध्यान से सुनिए फालतू है हाँ, या देखिए। नेगेटिव चार्ज क्या होगा मतलब सर आपको बहुत ध्यान से सुनना क्लास में मौजूद सभी लोग क्लास में मौजूद सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना अगर किसी भी एटम या ग्रुप के पास आपको माइनस चार्ज मिल जाए सर लोन पेयर चलेगा क्या बिल्कुल ना चोलबे लोन पे नहीं चलेगा नेगेटिव चार्ज मिल जाए तो समझ जाना नेगेटिव चार्ज मिलते ही समझ जाना कि भैया 100 परसेंट वो प्लस आई है मैंने लिखा सी एच टू माइनस तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देना चाहता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ओ माइनस क्या प्लस आई है यस और नो ओ माइनस प्लस आई यस और नो जल्दी बताइए यस 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 ठीक है टी एच टू टी एच टू ओ माइनस ये प्लस आई यस और नो यस और नो यस और नो यहाँ देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मात खा गए बहुत सारे बच्चे यहाँ मात खा गए आंसर है यस मैंने क्या बोला ये पूरा ग्रुप देखना है ग्रुप ग्रुप से मतलब है क्या नेगेटिव आई एग्री कि इसका नेगेटिव अच्छा चलो एक बार बताओ चलो एक बार बताओ ओ माइनस या सी एच टू ओ माइनस किसका प्लस आई ज्यादा होगा कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा वन या टू वन या टू इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा जल्दी से यहां पे बॉन्ड के अंदर फिर आगे बहुत थोड़ी डिस्टेंस बढ़ गई डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन देने की धीरे धीरे कम हो जाएगी यही आपको सिखाना चाह रहा हूं आपको तो केवल नेगेटिव चार्ज देखना है अगर नेगेटिव चार्ज है तो हंड्रेड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और दूसरा अल्काइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप कैसे सर जैसे कि सी 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 एच सी डी सी टी ओनली सिग्मा बॉन्ड ऐसा ग्रुप या ऐसा स्पेश uh, जिसमें केवल और केवल सारी बॉन्ड सिग्मा हो और कार्बन कार्बन की हो कार्बन एच की हो कार्बन डी की हो सर जैसे एग्जांपल दो सर एग्जांपल के बिना समझ में नहीं आता मैंने कहा CS3, प्लस आई अब आपको मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आप मुझे बताना वन टू थ्री फोर कौन कौन से प्लस आई लग रहे हैं आपको कौन कौन से प्लस आई लग रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा लो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर जल्दी बताइए आपको कौन कौन से प्लस आई लग रहे हैं अबे याद नहीं कर रहा होता जीवन में कौन कौन से प्लस आई लग रहे हैं ये क्या कचरा है वन टू थ्री इज द करेक्ट आंसर वन टू एंड थ्री कार्बन एट सिग्मा कार्बन 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 एच सब सिग्मा सारी बॉन्ड सिग्मा सारी बॉन्ड सिग्मा और कार्बन कार्बन एच कार्बन इनकी है इसमें सिंगल तो है सर ये डबल इस डबल के आते ही इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई और आपने पढ़ा होगा में एस पी टू हो गया तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई टू पॉइंट सेवन फाइव चल जाती है अब ये आपका माइनस आई हो गया ये प्लस आई नहीं रहा ये क्या हो गया माइनस आई क्या हो गया माइनस आई मैंने कहा आपसे सी एस थ्री और एस आई एस थ्री कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसकी ई एन ज्यादा होगी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सीएस थ्री या एसआईएस थ्री कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं सीएस थ्री बिल्कुल सही जवाब है आपने पढ़ा होगा पीरियडी टेबल में ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है अब इसकी ई कम है इसकी ई ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम देगा देगा तो ये भी ये भी अलकाइल है ये भी लेकिन ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा देगा इसके कंपेयर में क्या आप लोगों को ये बेसिक समझ में आयाद वाद नहीं करना होता बेटा याद नहीं करना होता याद करोगे जीवन भर मरोगे मैंने हमेशा एक लाइन बोली है जब जब तुम रटोगे तुम्हारा जब जब तू रटेगा तेरा दोबारा कटेगा ईमानदारी से बोल रहा हूं क्या मेरी बात समझ में आई यस अच्छा अब मैंने आपसे पूछा वन और टू में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वन और टू में कौन किस ये कार्बन ये कार्बन किस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा One या टू इज द करेक्ट आंसर इसमें तो एक सीएस थ्री है यहां ये सी एस थ्री ये सी एस थ्री ये सी एस थ्री सब मिलकर इलेक्ट्रॉन देंगे इस कारण पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा इसलिए टू की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी होगी से की हो वन से की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज़्यादा जो बच्चे वन बोल रहे हैं उनको अभी भी समझ में नहीं आया कि भैया एक कार्बन है तीन, है यहां पे तीन, -तीन इतने क्या ख्याल है? बताओ इन दोनों में वन या टू कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वन या टू क्या लगता है कौन इलेक्ट्रॉन देगा जल्दी बताओ वन या टू वन इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये अल्काइल है ये नेगेटिव वाला है और इसी बात पे बताना चाहूँगा ये रियल है ये रियल प्लस आई है सच्चाई में यही इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं ये तो कभी इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ये तो कभी कभार इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे लेकिन हाँ जैसे आपने पढ़ा होगा ना में पढ़ा होगा आर एम जी एक्स पढ़ा होगा आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये और ये इलेक्ट्रॉन की तो सर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इलेक्ट्रॉन देगा ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना ठीक है वो वो बात याद नहीं करना अपने को समझ में आया सबको सर आपको समझ में सर सी एस थ्री दिवम शाह बोल रहा है कि सर सी एस थ्री क्यों डोनेटिंग होता है बेटा देख ध्यान से सुनना हमने कार्बन और एच को रेफरेंस माना लेकिन यहाँ तीन तीन एच आ गए तो यहाँ कहीं ना कहीं डेल प्लस एक ही नहीं इनमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन तीन 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 डेंसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन दे देता है सी एस थ्री इसीलिए इलेक्ट्रॉन दे पाता है क्योंकि उसके पास स्लाइट डेल माइनस होता है सारे वो क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छे बच्चों ने पूछे थे क्या आप लोगों को समझ में आया मजा आया चलिए अब मैं आपको कुछ आ, वो पूछ रहा हूं मुझे ज, जल्दी से बताना बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा या कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा फर्स्ट या सेकंड वन या टू कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा ज, जल्दी बताओ कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा One. One. क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन से कार्बन और नाइट्रोजन में क्या फर्क है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है इसकी ईएन ज्यादा है अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो तो है तो ये अपने पे ये अपने पे माइनस होल्ड कर लेगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपने पे माइनस होल्ड कर लेगा इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन खींच लेगा स्टेबल कर देगा इलेक्ट्रॉन देना पसंद थोड़ा सा कम करेगा इसीलिए ये ज्यादा होगा बताइए माइनस या ओ माइनस जल्दी बताइए वन या टू कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वन या टू वन इज द करेक्ट आंसर क्योंकि एन और ओ में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम देगा और कम हो जाएगा मैंने कहा ये कहाँ आएगा सी ओ ओ माइनस ये और ओ माइनस और पीछे हो गया आप बताइए कहाँ वन टू या थ्री ऑर्डर बताइए जल्दी ऑर्डर बताइए वन टू या थ्री जल्दी ऑर्डर बताइए वन टू या थ्री जल्दी ऑर्डर बताइए वन टू थ्री इज अ करेक्ट ऑर्डर क्योंकि इसमें और डिस्टेंस बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन देना और कम पसंद करेगा सबसे बढ़िया हो गया वन फिर टू फिर थ्री इसीलिए इसीलिए प्लस आई की सीरीज आती है सबसे बढ़िया हो गया सी एच टू माइनस कार्बन का माइनस फिर आ गया एन एच माइनस फिर आ गया ओ माइनस फिर आ गया CO माइनस ये चारों के चारों रियल है ये चारों के चारों रियल ये ऑल आर रियल प्लस आई रियल प्लस आई क्यों सर रियल है कि सब सब नेगेटिव नेगेटिव वाले वाले हैं हैं क्या है बेटा और इसके आगे चलें थ्री डिग्री क्योंकि थ्री डिग्री वाला अच्छा क्यों है टू डिग्री से कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कि थ्री डिग्री अच्छा क्यों है टू डिग्री से क्या मुझे कोई कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा थ्री डिग्री अच्छा क्यों है टू, टू डिग्री से क्या मुझे कोई कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा थ्री डिग्री अच्छा क्यों है टू डिग्री से ज्यादा कार्बन है ज्यादा कार्बन है तो सब इलेक्ट्रॉन टूसेंगे जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे फिर टू डिग्री फिर वन डिग्री है ना अब बात करते हैं सीटी थ्री टी डी और एच की आप मुझे बताइए आप कभी भी ध्यान से सुनिएगा आपने कभी स्प्रिंग यूज की है स्प्रिंग ये रहा ये कॉन्सेप्ट प्योर मैंने बनाया हुआ ये देखिए ये देखिए हमारे एक सर है ये देखिए अक्षय चौधरी सर उनका बताया हुआ मेरे को ये ये एच एक बार यही स्प्रिंग बनाई आपने यही स्प्रिंग बनाई और इसी को आपने लिया डी और इसी को आपने लिया टी डी टी आप बताइए और में में के केस में, कौन सी स्प्रिंग ज्यादा ऑसिलेट करेगी फर्स्ट वाली या सेकंड वाली एच वाली या डी वाली जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सी स्प्रिंग ज्यादा ऑसिलेट करेगी विच स्प्रिंग विल ऑसिलेट मोर एच वाली या डी वाली कौन सी स्प्रिंग ज्यादा ऑसोलेट करेगी H वाली क्योंकि H का मास कम है ये एक ग्राम का ब्लॉक है ये दो ग्राम का ये तीन ग्राम का डबल हो गया ये ऑसिलेशन ज्यादा करेगी ये कम ऑसिलेशन करेगी ये बहुत कम ऑसिलेशन करेगी आप बताइए बॉन्ड लेंथ सबसे लंबी बॉन्ड किसकी आएगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए एच डी या टी किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आएगी विच हैज हाइएस्ट या लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ एच डी या टी एच क्यों एच हल्का है ज्यादा ऑसिलेट करेगा तो इस बॉन्ड की लेंथ बहुत ज्यादा आएगी इसीलिए सी एच बॉन्ड मोर लॉन्गर देन सी डी देन सी टी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रोंग बॉन्ड कौन सी होगी छोटी बॉन्ड है तो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होगी तोड़ना काफी मुश्किल होगा जल्दी बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहां है जल्दी बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या लगता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा कोई चीज याद नहीं करनी बेटा जीवन में याद नहीं करनी याद करने के लिए सो चीजें हैं ये सब याद नहीं करना अपने को वाए। 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 कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा ऐसा क्यों हुआ कि भैया P वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है आ, ए, ए, एच ओर टी क्या है बेटा एच ओर टी बेटा मोहल्ले के दो लोगों का नाम है ऑसिलेशन hmm. कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में रहेंगे इसका एरिया बढ़ जाएगा तो इसमें डिस्पर्स हो जाएंगे इसमें कम डिस्पर्स होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी की ज्यादा है टी से फिर आएगा सी से और इसी के चलते मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना इसीलिए इस ऑर्डर के अंदर इसीलिए इसीलिए ध्यान इसी इसी से सुनिएगा इसीलिए इस ऑर्डर के अंदर इसके बाद आता है इसीलिए इस ऑर्डर में आता है टू डिग्री वन डिग्री टी डी थ्री और सी एच थ्री क्या आप लोगों को यह ऑर्डर समझ में आया ईमानदारी से बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर क्या यह आपको याद करना है या खुद समझ में आ गया कि सर मैं तो खुद ही बना लूंगा पहले नेगेटिव वाले फिर थ्री टू वन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है फिर टीडी टी टी डी एच क्योंकि टी में डेंसिटी ज्यादा है जल्दी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा क्या आप लोगों को यह ऑर्डर समझ में आया बेटा क्या आप लोगों को यह ऑर्डर समझ में आया समझा गया ठीक है ठीक है ठीक है चलिए क्लियर राज सर आपको न्यूक्लियस से गया क्या अबे न्यूक्लियस का मैं मालिक था मुझे कौन निकालेगा कदे ओनर निकालते कभी बेटा छपरी है तू है तेरे को कितने पैसे में? सही 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 बताओ अपोजिशन पार्टी ने तेरे को कितना पैसा दिया है कितना पैसा दिया तेरे दो लॉलीपॉप दी तेरे को दो लॉलीपॉप या तेरे को दो मोजे सूंगाए हैं चलिए आगे चलते हैं जब विजेती है यार चलिए आइए अब चलते हैं माइनस आई की तरफ माइनस आई का सीधा सीधा है देखो बेटा माइनस आई में, में बहुत दिमाग नहीं फोड़ता हूं मैं क्लियर बोलता हूँ ना तो उसकी कोई ट्रिक बताऊंगा ना कुछ आप तो इसका डायरेक्ट आपको समझिए और डायरेक्ट आप इसको कीजिए एन एफ थ्री प्लस सबसे देखो ऑक्सीजन वाला और आगे जाएगा सर आपने ये नहीं बताया टू अरे यार ओ वाला ऑक्सीजन पे प्लस और अनस्टेबल है जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसीलिए ये और आ गया आप मुझे पहले कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताइए एन एफ थ्री प्लस एन आर थ्री प्लस जल्दी बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किस में डिफिशियंसी ज्यादा है एफ थ्री में या आर थ्री में किस एन पे डिफिशियंसी ज्यादा होगी एफ पे uh, एन एफ थ्री में एनआर थ्री में किस नाइट्रोजन पे डिफिशियंसी ज्यादा होगी किस केस में वाई क्यों वाई हम्म वेरी गुड क्योंकि NF3 के अंदर फ्लोरीन क्या कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा ये भी खींच रहा होगा ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा इस वाले नाइट्रोजन पे डिफिशियंसी और बढ़ती जा रही है इसीलिए इसके सामने वाले से खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है सबसे अच्छा हमारे जो काम का है एन एफ थ्री प्लस एन आर थ्री प्लस एन एस थ्री प्लस बताइए कोई डाउट किसी को क्या किसी को ओ आर टू और क्या आ जाएगा उसमें एस आर टू भी आ जाएगा अरे ये सब पता है मैं केवल उन चीजों पे जाता हूं जहां जेई मेंस और एडवांस फोकस करता है है ना आप बताइए इस सवाले में आर कैसा है आर कैसा है आर विड्रोइंग या डोनेटिंग

ई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यही तो खास बात है बेटा यही तो आर की असलियत है आर का जो खेल है वो यही तो है आर असली में दोनों काम कर सकता है आर की खास बात ये है वो सामने वाले को देख कर डिसाइड करता है कि मुझे करना क्या है जब सामने वाले पे प्लस आया तो इसने कहा मैं आपको इलेक्ट्रॉन देखो प्लस नहीं होता एनआर टू होता है टू ये ठीक है सभी में रहा होता ग्रुप की बात हो रही है ग्रुप की तो पूरे ग्रुप के अंदर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आती है NH3 से क्योंकि इसमें विट्रोइंग पावर ज्यादा होती है इससे क्यों होती है आर भी विट्रोइंग कर रहा होता देखो बेटा क्लास में मौजूद सभी लोग अब जो बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुन लेना बहुत ध्यान से सुन लेना

तीन तो ये प्लस वाले सबसे आगे आएंगे पॉजिटिव वाले सबसे आगे आ गए पॉजिटिव वाले जिन पे प्लस चार्ज है तो ये आ गए nf3 nr3 ns+ -TAP. फिर आ गए तीन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले no2 cn coh no2 cn coas ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जेए में जाने से पहले इसको बहुत जरूर पढ़ के जाए no2 cn coh no2 cn coh नहीं यार ट्रिक वीक सॉरी सर सॉरी आई एम सॉरी

आप लोगों को दिल से बता रहा हूं आप लोगों को मजा आ जाएगा कैसे सर इसकी ट्रिक क्या है ट्रिक क्या कुछ नहीं पॉजिटिव ट्रिक नहीं है पॉजिटिव चार्ज वाले सबसे आगे फिर उसके बाद पार्शियल फिर इलेक्ट्रोन नेगेटिव एटम बहुत ध्यान सुनना बेटा चौथा कार्बन फैमिली मतलब सर सबसे पहले आपने प्लस वाले रखे फिर आपने पार्शियल वाले रखे एनओ टू सी एन सी ओ एच फिर आप रखे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या आता है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन पहले फ्लोरीन के खानदान को क्लियर किया फिर ऑक्सीजन के खानदान को क्लियर किया फिर नाइट्रोजन के खानदान को क्लियर किया फिर कार्बन पे चले गए यहां देखिए तीन ये हो गए ये हो गए अब देखो फ्लोरीन का खानदान क्लियर किया अब आते हैं ऑक्सीजन के खानदान पे ओ ये ठीक है अब आएगा नाइट्रोजन का खानदान अब आएगा नाइट्रोजन का खानदान एनआर टू एन एस टू कई सारी किताबों में एनएस को अल्काइन से पीछे दे रखा है कई लोगों में आगे ले रखा है मैं इसको, इसको इस पर कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करूंगा ये अब देखो पॉजिटिव वाले आया पॉजिटिव वाले ये वाले आपके पार्शियल वाले फ्लोरीन का खानदान ऑक्सीजन का खानदान नाइट्रोजन का खानदान एंड लास्ट में कार्बन का खानदान कार्बन मतलब ट्रिपल अब आप बताइए ट्रिपल डबल कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है जल्दी बताओ क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं जल्दी बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है कितनी होती है ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है थ्री गलत है वेरी गुड थ्री पॉइंट टू फाइव थ्री पॉइंट टू फाइव थ्री टू फाइव यह है टू पॉइंट सेवन फाइव ये थ्री पॉइंट टू फाइव ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है बहुत ज्यादा होती है है ना आप मुझे एक बात बताइए एक डबल ज्यादा खींचेगी या तीन डबल तीन सीसी हो तो ज्यादा ज्यादा अच्छे से खींचेगी या एक सीसी एक या तीन चलिए बताइए कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा एक या तीन तीन इसीलिए यह आता है बेंजीन लो खत्म लो ये आपको पूरा का पूरा मैंने एक बार में समझा दिया है ये पूरा आपको मैंने एक बार में समझा दिया है देखो बेटा जो थोड़ा भी समझदार है वो एक बार में समझ गया सर एक बार रिपीट कर दो सर एक बार रिपीट कर दो सबसे पहले प्लस वाले देखो बेटा मेरे सब बोलना सबसे आगे प्लस वाले सर सी एस टू क्या क्या चाहता है दिवम शाह क्या चाहता है वोट इज सी एस टू क्या सी एस टू क्या चाहता है सीएस क्या कर रहा है तू चलिए हाँ तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले आ गया पॉजिटिव वाले सी एस टू प्लस तो और आगे हो गया है नहीं प्लस तो स्टेबल सी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव अनस्टेबल है समझाएंगे तेरे को ध्यान सुनना सबसे पहले सबसे पहले पॉजिटिव वाले एन एफ थ्री प्लस एनआर थ्री प्लस एनएस थ्री प्लस ये निकल गए फिर आते हैं एनओ टू सी एन सी ओ एच ये हो गए अब आ गए इलेक्ट्रोनेगेटिव खानदान फ्लोरिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन पहले फ्लोरिन का खानदान एफ सी एल बी आर आई फिर आ गया नाइट्रोजन एनआर टू एन एस टू फिर सॉरी ओ आर ओ एच फिर एनआर टू एन एच टू फिर आ गया कार्बन का ट्रिपल डबल और डबल में याद बेंजिन नहीं डबल खत्म दैट्स इट जिसको ये याद हो गया उसको तो एक बार में काम हो गया और ये पहली और आखिरी चीज जहां मैं बोल रहा हूँ याद कर लो उसके आगे हम समझेंगे ही समझेंगे क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई क्योंकि अब आप मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट वीक इफेक्ट क्यों है इलेक्ट्रॉन केवल ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन केवल ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन केवल ट्रांसफर होते हैं क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है चलिए आगे चलें चलिए आइए से सुनना दो बंदे थे नाथन और बेकर दो बंदे थे नाथन एंड बेकर नाथन एंड बेकर दो बंदे थे नाथन एंड बेकर ये दोनों बंदे जो हैं नाथन और बेकर ये जो दो बंदे थे इन दोनों ने एक कार्य किया क्या सर जान से सुनिएगा मेरी बात को डट्टू में शिफ्ट होते हैं ट्रांसफर नहीं होते हैं ठीक बात है एग्री ऑन पार्ट ध्यान से सुनिए नाथन और बेकर ये दो बंदे थे ये दोनों बंदे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे के साथ. होगी, मैं उसके पास अटैक कर दूंगा मैं उसके पास इलेक्ट्रॉन मांगने चला जाऊंगा <laughs> एक लिख रहा सर अट्ठारह की हो रात बिल्कुल बेटा रात के अंधेरे में पता है मुझे रात के उस अंधेरों में ध्यान से सुनिएगा आप बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए आप खुद सोचिए मैंने चार कंपाउंड लिए टुविन इथाइल बेंजीन कमीन और बुटाइल बेंजिन टर्चरी बुटाइल बेंजिन आइए ये एक दो तीन चार नहीं नहीं मैं अपना अवतार नहीं बदलूंगा इस बार उदित बाबू मैं अवतार नहीं बदलूंगा वो बातें केवल बैच के लिए होती है बाहर नहीं मोहल्ले के लिए नहीं है ध्यान से समझिए यहां पे आप बताइए सी एस ये और ये पी क्यू आर एस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी रिंग में चली गई होगी किसकी वजह से यहां पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा, ये दे रहा। सबसे है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है पी क्यू आर एस के अंदर बताओ S, S. एस वेरी गुड इसीलिए एस आर क्यू पी ये हमारा एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ऑर्डर था था ये हमें कि ऐसा ही होगा कि इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले यहां अप्रोच करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको मैक्सिमम मिले मजा आ जाएगा लेकिन जैसे ही बेकर नाथन ने देखा जैसे ही बेकर नाथन ने देखा कि भैया ये इलेक्ट्रोफाइल उधर तो गया ही नहीं जैसे ही इधर जाने लगा आए वहाँ चलें। मुड़ के इधर आ गया इसका मतलब कुछ तो ऐसा पंगा है जो हमें दिख नहीं रहा और एक्चुअली में हुआ क्या ऑर्डर आया पी क्यू आर एस जस्ट उसका उल्टा ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑर्डर इज जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेड इसका मतलब पी में ऐसी कोई चीज प्रेजेंट है जो हमें दिख नहीं रही है लेकिन इसमें हो रही है उससे इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो गई है क्या आप लोगों को, को यह पॉइंट समझ में आया क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया नहीं बेटा हिंड्रेंस नहीं है हिंड्रेंस हिंड्रेंस नहीं नहीं है नहीं है रीजन बेटा हिंड्रेंस रीजन नहीं है इस बेंजीन से जुड़े हुए बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन के एच को बोलते हैं बेंजाइलिक एच अभी अभी सिखाऊंगा अभी यार तुमने अभी से पूछ लिया बेंजाइलिक एच अल्फा एच भी बोल सकते हो बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा हुआ एच यहाँ कितने एच हैं तीन एच हैं यहाँ कितने हैं दो सर पांच नहीं है अरे गधे वो कार्बन के बाजू वाले कार्बन पे नहीं केवल कार्बन पे दो यहाँ कितना है एक यहाँ कितना है जीरो इसका मतलब सारा खेल इस एच का है का खेल है सारा का सारा क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हाँ यस सर अल्फा हाइड्रोजन आऊंगा भी आऊंगा आऊंगा सो इसीलिए हाइपर कॉन्जुकेशन को हम ऑल्सो नोन एज बेकर मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये चाहते क्या हैं? आप इस आपको इस एच से क्या मतलब है आपको इन्हीं एच से क्या मतलब है क्यों ये एच ये वाले एच क्यों नहीं ये वाले एच क्यों नहीं कोई और एच क्यों नहीं डायरेक्ट बताइए सर ये वाले एच ही क्यों? क्यों ये केवल ये वाले एच की बात कर रहे हैं बाकी एच क्यों नहीं आइए इसकी बात करते हैं हाँ पंखा इफेक्ट मनोज बाबू लगता है हाँ समझे हुए हैं पंखा इफेक्ट समझाता हूं मैं आप लोगों को पंखा इफेक्ट क्या है एक बच्चे ने बोला है तो समझाता हूं मान लीजिए फैन है फैन आप जहां बैठे होंगे आपके ऊपर फैन होगा टेबल फैन या जो भी फैन हो आपके सामने हो जो भी फैन हो फैन की तीन ब्लेड्स होती हैं बहुत ध्यान से सुनना बेटा सब लोग क्लास में मौजूद सभी लोग बिल्कुल लॉजिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्फा एस तो बाद में भी गिन लेंगे समझ जाओ आंसर बनाना और लॉजिक समझने में दो अलग अलग में जमीन आसमान का फर्क है है ना आप मेरी बात समझिए आंसर निकालना और, और समझने में जमीन आसमान का फर्क है अगर आप लोगों को समझ में आ गया आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं और सवाल सारे सही करेंगे और रट और अगर रट लिया अल्पाइज निकाल लो और जयी ने कुछ और पूछ लिया तो तुमसे वहां मरे सवाल नहीं होगा मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं तुमसे मैं ईमानदारी से तुमसे बोल रहा हूं अगर तुमने तमीज से समझ लिया तुमसे वहां भी सवाल हो जाएगा वरना तुमसे मरे सवाल नहीं होगा मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं बहुत ध्यान से सुनिए बेटा बहुत ध्यान से सुनिए बात है जरूरतों की बात है जरूरतों की तुमने पूछा इस कैटायन से कैसा महसूस कर रहे हो इस कैटायन ने कहा मैं खाली महसूस कर रहा हूं मुझे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है मैं एक मैं एक वैकेंट पी ऑर्बिटल हूं मैंने कहा कैसे दिखते हो इसने कहा मैं ऐसा डंबल शेप का दिखता हूं मैंने जैसे ही इस कैटायन से पूछा दिखते कैसे हो इसने कहा मैं एक वैकेंट पी ऑर्बिटल हूं 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 चाय बिलिया में एक वेकेंट पी ऑर्बिटल हूँ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा अब जैसे ही इसके मतलब मैं वैकेंट पी हूं मैंने कहा तुम तुम क्या कर सकते हो बोले भाई इस वैकेंट पी से जुड़े हुए कार्बन अच्छा इसका मतलब जिस कार्बन पे प्लस है उस कार्बन से जुड़े हुए सभी प्लस को क्या बोला जाता है अल्फा कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन मान लेते हैं ये होता मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा ये लिया होता ये ये लो अब बताओ तो हम बोलते इस कार्बो इस कार्बन पे जो प्लस है उससे जो जुड़ा हुआ कार्बन ये ये अल्फा है ये अल्फा कार्बन है ये अल्फा कार्बन है अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा बीटा से जुड़ा हुआ गामा, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन अच्छा इसी की बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि आप सब ने पढ़ा है आइसोमरिज्म में यह सिग्मा बॉन्ड घूमती है ये सिग्मा बॉन्ड्र से पंखा चल रहा है फील करना फील करना मान लो मैं कैटायन हूं अब तो नहीं हूं मैं कैट मैं कैटायन तो नहीं हूं भैया मैं 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 कटायन तो नहीं हूं भैया तुम कैटन हो तुम कटन हो मैं नहीं हूं हूँ मेरे सामने एक फैन चल रहा है जोरो से शानदार हवा आएगी वही काम यहां हो रहा है ये सिगमा इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से इस एरिया में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वैकेंट पी में जाती है दिस डिसन ऑफ डिस्पर्जन या ट्रांसफर ऑफ transfer of transfer of kiska sigma electrons is known as transfer of sigma electrons is known as hyperconjugation this transfer of सिगमा इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज हाइपरेशन बैटर शिफ्ट होते हैं हल्के हल्के से यहाँ तो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने के कारण ही इलेक्ट्रॉन के मिलने के कारण ही इलेक्ट्रॉन के मिलने के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के कारण ही हम बोलते हैं इसको ज्यादा स्टेबल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन क्या आप लोगों को हाइपर कंजुगेशन समझ में आया सर वैकेंट ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ये H2 नहीं हो रहे बेटा कृष्ण बेटा कृष्णा तिवारी अभी मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर चल आ जाओ मैं तेरे को ये भी सिखा देता हूं आ जाओ सभी लोग आओ यहां देखो ये एच ये H. देखना बेटा सभी लोग देखना सभी लोग देखिएगा ये यहां से ये बॉन्ड टूटी एच पे आया प्लस है ना बेटा डेल प्लस तो बोन पूरी टूट जाएगी तो यहाँ प्लस आ जाएगा यहाँ आ जाएगा मैंने ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसको चले गए ये हो गया खाली ये हो गया खाली इसके पास तो हो गया H प्लस यहाँ जो माइनस आ रहा होगा वो इससे बॉन्ड बना लेगा आपका क्या बन गया ध्यान से देखिए बेटा आपका क्या बन गया एच डबल बॉन्ड सी एच ये अच्छा एच प्लस आ गया और सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया इसके वैकेंट में और ये बॉन्ड इसका ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट हो गया दिस इज हाइपर कंजुकेशन क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई क्या आप लोग मेरी बात वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अच्छा एच का मतलब ये एच भी तो जा सकता है ये इसीलिए ये एक बार नहीं तीन बार होगा ये एक बार नहीं तीन बार होगा एक बार नहीं तीन बार होगा और इसको हम दिखाते हैं डबल हेडेड एरो से ऐसे ऐसे ये और इनको इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या आप लोगों को यह समझ आया हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर एक हाइपोथेटिकल टाइप चीज हो रही है इलेक्ट्रॉन हाँ सबका इलेक्ट्रॉन सबका अलग होगा बेटा ये एच गया एक बार ये वाला एच ये वाला है ये मान लो एच वन लिये लो एच वन एच टू एच थ्री तो ये एच वन हो गया ये एच टू हो गया ये एच थ्री हो गया एक बार एच वन टूटा एक बार एच टू टूटा एक बार एस थ्री टूटा दिस इज अपर कॉन्जुकेशन तो डिस्पर्सन ऑफ ऑफ सिग्मा कौन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वैकेंट के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वैकेंट के अंदर अब सर लेकिन ये सिग्मा कहां कहां जाएंगे कैटायन में में चलेगा में चलेगा डॉट माइनस में ना चोलवे क्यों ना चोलवे कोई कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा प्रांजल बोल रहा है सर मुझे एक टिप दे दो अगले बोर्ड एग्जाम के लिए इसने दस बार तो यही लिख दिया है तो बेटा इसका सबसे बढ़िया टिप है कि आप अभी फटाफट से ये वाला जो वीडियो है इसको लीव करें और जाके बोर्ड की तैयारी करें इंग्लिश की वही आपके लिए बेस्ट है वो सबसे बढ़िया टिप है, है आपके लिए ऑल द बेस्ट क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे क्योंकि यहां वैकेंसी नहीं है उल्टा ये तो इलेक्ट्रॉन देने आया है बोला तुम क्या मुझे दोगे बे बुड़बक तुम कहां से मुझे इलेक्ट्रॉन दोगे बुढ़बाग हम इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तुम साले हमें ही समझ रहे हो ना बाबा जी बा नहीं कर रहे ये काम नहीं हो पाएगा डबल बॉन्ड चलेगा ट्रिपल बॉन्ड चलेगा बोरोन चलेगा क्या बोरोन बोरोन चलेगा बोरोन बोरोन चलेगा बोरोन Yes, चलेगा चलेगा क्योंकि बोरोन के पास क्या होता है वैकेंट ऑर्बिटल वन एस टू टू एस वन टू पी टू एक पी इसका हमेशा खाली है इसीलिए ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है कार्बोकटाइन के ये और ये सेम क्यों है इसका बचपन से ही ऑर्बिटल वैकेंट है ये भी चलेगा तो यहाँ यहाँ हाइपर होगा यहाँ यहाँ हाइपर होगा माइनस में हाइपर नहीं होगा क्या आप लोगों को समझ में आया आओ इसको पढ़ लेते हैं आओ इसको पढ़ लेते हैं When orbital, कहा सार्थक बोल रहा है सर डबल ट्रिपल कैसे आ रहा हूं मेरे भाई रुक जा पहले मैंने ये समझाया अब मैं इस पे आ रहा हूं बस यही तो बताना बाकी है बाकी तो हो ही ना हो गया ना हाँ

जल्दी बताइए पहले वाले में हाइपर होगा कि नहीं होगा पहले वाले में हाइपर होगा कि नहीं होगा होगा वेरी गुड कितनी बार हाइपर होगा यहां पर यहां पे एक दो तीन एच है इसके बाजू वाला ये अल्फा ये भी अल्फा तीन यहां तीन यहां एच है चे, चे बार हाइपर होगा सहमत हो बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया दूसरे वाले में ये डबल बोर्न को सर मैं आपको सिखा रहा हूं अल्फाइज निकालना सिखा रहा हूं यहां हाइपर होगा होगा ट्रिपल में हाइपर होगा बोर पे हाइपर होगा माइनस पे हाइपर नहीं होगा यहां हाइपर नहीं होगा बाकी चारों में 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 होगा। अब मैं आपको आपको सिखा सिखा देता देता डबल के बारे में भी। देखो पहले निकालना देता हूं, फिर सिखाता कैसे। आपने में तो सीख लिया, आप लोगों ने केटाइन में तो सीख लिया अब मैं आपको सिखाता हूं अल्फाइज निकालना का आपने सीख लिया? का हूं, देखो। आप अलकीन पे खड़े हो जाइए पूरी तरीके से ये आप अल्किन पे पूरी तरीके से खड़े हो जाइए अब सर कोई मुझे बोल रहा है सर इस पे या इस पे मैंने कहा पूरी अल्किन पे कोई ये नहीं बोलेगा इस कार्बन के लिए ये अल्फा हो गया इस कार्बन के लिए अल्फा हो गया नहीं पूरी अल्किन के लिए अल्फा होता है पूरी अल्किन का तो इस अल्किन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा बोलते हैं मान लो यहां पे ऐसे हुआ लो ठीक है मैंने कहा कितने अल्फा एच हैं तो सर सर ये अल्फा कार्बन है ये अल्फा कार्बन है ये अल्फा है ये अल्फा है ये बीटा बीटा है जुड़े हुए इस अल्फा पे कितने एच दो बनी है तो दो अल्फा एच है यहाँ पे यहां कितने अल्फा एच है दो अल्फा एच है यहाँ कितने अल्फा एच है एक अल्फा एच है यहाँ कितने अल्फाइच है, अल्फा है। चारों बोन्ड हो चुकी है यहाँ जीरो अल्फा एच है ओहो एक दो दो पांच अल्फा एच मौजूद है इसका मतलब डबल बोंड पे खड़े हो जाइए इसका मतलब डबल बोन्ड पे खड़े हो जाइए इसका मतलब डबल बोन्ड पे खड़े हो जाइए और अल्फा निकाल लीजिए काम खत्म अब जल्दी से मुझे ये आठों सवाल सोल्व करके बताओ पहला दूसरा तीसरा चौथा पहले चार के आंसर बताएंगे मान लीजिए आपका आंसर दो दो, दो, दो है तो टू टू कोमा टू कोमा टू कोमा टू लिखेंगे जो भी आपका आंसर है उसका कोमा लगा के चारों का आंसर लिखिए पहले चार का आंसर लिखिए जल्दी से पहले चार का आंसर निकालिए देखो देखो आधे आगे गरीब नो लिख रहे हैं अबे नो तो उसका आंसर है मैंने चारों के पूछे हैं एक साथ और एक तो कोई लग रहा है सही कोई है क्लास में अभी अभी कोई है बार अमिताभ जरा कोई है क्लास चल रही है Nine, five, आओ। इसका आंसर है डबल के लिए तीन 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 नौ अल्फा एच डबल को पूरा पकड़ लो ना यार ये कार्बन अल्फा हो गया ये अल्फा हो गया ये अल्फा हो गया तीन 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 इसमें ये डबल पकड़ लो यहां तीन यहां दो पांच अल्फा एच ऐसे ही करना होता है ये कैटाइम को पकड़ लो पूरा यहां पे ये अल्फा दो ये अल्फा दो यहां दो, या दो छह अल्फा एच हो गए यहां डबल बोन पकड़ लो ये वाला ये अल्फा हो गया ये अल्फा हो गया ये अल्फा हो गया यहां यह यह एक यहां दो यहां दो तो पांच अल्फा हो गए तो नौ पांच छह पांच बहुत बढ़िया कुछ लोग अब कुछ लोग तो आंसर अलग आ रहे हैं बहुत सारों के सही आया है लोगों का सही आया है, है अब बताइए इसका पांच छह सात और आठ ये बच्चा बहुत गलती करता है पांच वाले का तो मैं बता देता हूं आसान है ये है तो जीरो मतलब ये कंपाउंड हाइपर कॉन्जुकेशन शो नहीं कर रहा क्योंकि यहां अल्फा एच ही नहीं है कोई बच्चा बोल रहा सर ये दो एच क्यों नहीं भाई वो तो अल्किन के एच है ना वो तो अल्कीन के एच है अल्फा कैच नहीं है बाजू वाले के चाहिए हमें है ना ये वाले के तीन और एक चार चार अल्फा एच है आपका आंसर छे और सात का निकालिए जो भी आपका आंसर है मतलब तीन और चार तीन को मैं चार लिखिए जल्दी बताइए आंसर बताइए इसका बोले साथ साथ। बोले बोल रहे सात सात कुछ बोले छ सात और डेन बोल रहे छ सात अनमोल साठी छ का छे। प्रथम छः नितिन शुक्ला छ सात सचिन छह सात दिव्यांशु सिन्हा सात चार सात सात छे छे छह हो 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 भाई तुम्हारे से अल्फा इतना निकल रहे है भाई सर तो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो बेंजीन के रेस्पेक्ट में अभी आपको सिखाता सिखाया के बेंजाइली ये पूरा बेंजीन पकड़ लो ये अल्फ़ा एक यहाँ कुछ नहीं है यहाँ कुछ नहीं यहाँ जो है ये रहा दो ऐसे करते हैं बेटा ऐसे ही करते हैं ये यह। यहाँ से ये जुड़ा हुआ है यहाँ कितना है एक यहाँ कितने है ये दो तो दो दो चार पाँच और एक छः सिक्स अल्फा एच समझ आया किसी को नहीं ऐसे तो करना है यार क्या परेशान हो रहा है ये वाला बताओ मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई इसको पकड़ तो ये देखो ऐसा ये ये, 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 तीन, ये, तीन, ये, एक ये चार बुन हो गई जीरो और कुछ है बस तीन तीन छः और एक सात छ और सात सात छः और सात अल्फ़ाए। भाई अल्फाएच निकालना तो आना चाहिए अल्फाइच निकालना तो आना ही चाहिए अल्फा एच निकालना तो आना ही चाहिए अब आते हैं अल्किन केस में आप मुझसे पूछ रहे थे अच्छा आप पहले एक बात बताओ मुझे जल्दी से बता दो केस नंबर वन में आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए अगर मैं आपसे बोलूं एक फील्ड है और एक वैकेंट है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसके आगे क्या लिखू कौन फील्ड था और कौन वैकेंट था वैकेंट कौन था जिसने इलेक्ट्रॉन लिए और फील्ड कौन था जिसने इलेक्ट्रॉन दिए जल्दी से बताइए आप, नहीं, नहीं, मतलब सिग्मा, सिग्मा अब बताइए आंसर आपका सी एस टू प्लस नहीं वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है फील्ड लिख रहे सीएस थ्री फील्ड है वेरी गुड सी एस थ्री फील्ड नहीं है सी एच फील्ड है सीएच फील्ड है सीएच को बोलते हैं सिग्मा तो इसको बोलते हैं सिग्मा फील्ड गया किसके पास है खाली कौन है खाली सीएस टू वैकेंट रही है सीएस टू वैकेंट है पर उसका कुछ नाम है कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है वेरी गुड पी ऑर्बिटल वैकेंट पी प्लस का मतलब क्या हुआ वैकेंट पी तो इसका मतलब है सिग्मा फील्ड से पी वैकेंट सिग्मा फील्ड से पी वैकेंट सिग्मा फील्ड से

ये इधर डबल बोन्ड डबल बोन्ड सी ठीक है ये बोन्ड इधर गई सी एच टू माइनस ये ऐसे हुआ और H प्लस हवा में ऐसा कितनी बार होगा सर तीन बार होगा कि एक बार ये एक बार ये ऐसे अच्छा इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इधर उधर दिस इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई अब मैक्सिमम बच्चों को तो याद है मैक्सिमम बच्चों को तो याद है कि ये आपका हो गया सिग्मा फील्ड से पाई स्टार वैकेंट। मैक्सिमम बच्चों को तो यही याद है कैसे सर ये कैसे हुआ सर कैसे हुआ तो आप सबको बता दूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत तो आप लोगों ने पढ़ी होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी कि भैया जब आपके पाई बॉन्ड बनता है क्या कोई भी बॉन्ड बनता है तो ये हो गया आपका पाई 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 बॉन्ड बॉन्ड और इसी के साथ इसका बनता है पाई एंटी पाई स्टार पाई ए बी एम ओ तो होता क्या है दुनिया में आपको जब कभी भी यहाँ तो डायरेक्ट खाली था तो आपने दे दिया यहाँ कोई खाली नहीं था तो आपने इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दिए और बॉन्डिंग यहाँ से टूटने लग गया दिस इज रियलिटी तो सिग्मा फील्ड से कहा गए एंटी पे सिग्मा फिल्ड से कहा गए पाई एंटी पे सिग्मा फिल्ड से पाई एंटी बॉन्डिंग पे। पूछ रहा है इसको रेजोनेंस नहीं कह सकते क्या हंड्रेड परसेंट बेटा बहुत अच्छी किताबों में इसको रेजोनेंस का नाम भी दिया गया है या इसको ऐसे बोला गया है कि डीलोकलाइजेशन के दो, दो पार्ट होते हैं रेजोनेंस और हाइपर हाँ, रेजोनेंस होता है पाइक का डिस्पर्जन और सिग्मा का डिस्पर्जन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में बेटा एक बोल रहा है सर मेरे एंटी बॉन्डिंग पे लात मार दो बेटा आजा इधर सुझा दूंगा बेटा हम्म hmm. एक बोल रहा है ऐसा स्टेबिलिटी कम नहीं होगी अरे मेरे अल्ट्रा कदे इलेक्ट्रॉन जब इधर उधर ट्रांसफर हो रहे हैं तो एक जगह पैसा एक जगह नहीं रखते पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है तो ये इन्वेस्टमेंट है बेटा ये इन्वेस्टमेंट है हाँ बेटा टोपा आदमी है भाई एक नंबर का एक नंबर का टोपा आदमी पकड़ के ला इसको कनपट्टी पे धरेंगे साले के दिस इज योर सेम ऐसा आपका ट्रिपल में भी होगा डबल में भी होगा दैट इज योर फील्ड से क्या आप लोग एक क्वेश्चन सोल्व करोगे मेरे लिए क्या आप लोग एक क्वेश्चन सोल्व करोगे मेरे लिए बोल रहा है नहीं कोई बात नहीं मत कर ऐसा किसने बोला नहीं है मैं देखा भी नहीं पीछे पूछ दिया सीसीएल थ्री लिया सीसीएल थ्री मैं एरो बता ये बनाओ कोई मुझे बताएगा कोई मुझे बताएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां डिस्पर्स हुआ कोई मुझे बताएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां डिस्पर्स हुआ कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्पर्स हुआ जिनको याद है वो अच्छी बात है लेकिन क्या मुझे कोई बताएगा पाई वेरी गुड पाई इलेक्ट्रॉन गए हैं ऊपर तो पाई इलेक्ट्रॉन गए हैं फिल्ड पाई इलेक्ट्रॉन गए हैं फील्ड पाई फिल्ड थे वो ट्रांसफर हुए लेकिन ट्रांसफर हुए कहाँ है इस कार्बन पे तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तब भी ये बोन टूट रही है इसका मतलब वैकेंट था नहीं आपने वैकेंट एंटी बॉन्डिंग में डाला है मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा पाइल तो फील्ड था पाई तो फील्ड है आपने दे दिया लेकिन यहाँ किसको दिया यहाँ तो चारों बोन बनी हुई है इसका और ये बोन्ड टूट भी गई सेल वाली इसका मतलब ये बोन्ड कैसी है सिग्मा ये सिग्मा बॉन्डिंग है इसके पीछे होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इसने पाइन इलेक्ट्रॉन दिए इसके एंटी बॉन्डिंग में और लात मार के इसको बाहर निकला दैट इज योर पाई फिल्ड टू सिग्मा स्टार वैकेंट पाई फिल्ड टू सिग्मा स्टार वैकेंट पाई फिल्ड टू सिग्मा स्टार वैकेंट पाई फिल्ड टू, स्टार पाई फिल्ड टू, स्टार क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई रिवर्स हाइपरग्र जई में नहीं है पर मैंने आपको बॉन्डिंग बताया ये रिवर्स हाइपरगो क्यों बोलते हैं हाइपर होता है सिग्मा से पाई स्टार ये है पाई से सिग्मा स्टार इसको नाम दे दिया गया रिवर्स हाइपर क्रजुकेशन ये आपके जे में नहीं है लेकिन लेकिन आपके जे में बॉन्डिंग तो है ये तो आई है, ये तो आ सकता है ये तो आई सकता है ये तो आई सकता है ये नहीं आएगा रिवर्स हाइवर ओनली बाय सीसीएल थ्री आज तक केवल सीसीएल थ्री में ही देखा गया है और किसी स्पेशज में नहीं देखा गया है और किसी में नहीं देखा गया है क्या आप एडवांस में भी नहीं है एडवांस में ये आ सकता है नीचे पार्ट बोर्डिंग वाला पार्ट वो नहीं आएगा समझ आया सबको बोल रहा सर आप लात मार के कैसे निकालते बेटा आ तो सही एक बार फिर बताऊं लात कैसे मारते हैं एक बोल रहा सर इसका वन शॉट होगा कि दो शॉट होंगे वन शॉट ही होगा बेटा जियो इन वन शॉट ओनली डेट सेट हाँ चलिए ये था आपका अच्छा हाइपर कॉन्जुकेशन की खास बात मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा हाइपर कॉन्जुकेशन में केवल अल्फा एस से मतलब है एक लास्ट केस पढ़ते हैं जो आपने पढ़ा था कि बे, बेकर नाथन वाला पार्ट जो था अच्छा पता है इसका एक नाम हाइपर कॉन्जुकेशन का एक नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी है क्यों नो बॉन्ड है क्योंकि लग तो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजन हो रहा है लेकिन बॉन्ड हमें दिख नहीं रही सीएच बॉन्ड हमें टूटी हुई दिख नहीं रही बॉन्ड हमारे को दिख नहीं रही बॉन्ड हमें दिख नहीं रही इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस पर ठीक है वट एवर चलिए आइए रेजोनेंस पढ़ने का और मजा आएगा आपको यहां देखिए इसमें कैसे हो रहा होगा ये ऐसे कहा गया पाई स्टार में बॉन्ड इधर ये ऐसे दिस इज दिस वन माइनस चार्ज यहां डबल बॉन्ड ई एच टू एच प्लस और ये माइनस फिर यहां आएगा फिर यहां आएगा रेजोनेंस अभी आ जाएगा समझ में ये कौन सी पोजीशन होती है बेटा ये कौन सी पोजीशन होती है बेंजीन के सी एस के रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं ओपी बहुत बढ़िया बेटा ऑर्थो कौन सी है ऑर्थो ये कौन सी है, है पैरा ये, ये कौन सी है मेटा, ये, कौन सी है, मेटा? ये कौन सी है इप्सो तो हमारा जो माइनस चार्ज आया है वो कहाँ आया है ओपी ओ ओपी ऑर्थो पैरा पे हमारा चार्ज कहाँ आया है ऑर्थो और, और? पैरा पे जस्टिस फॉर

हाइपर कॉन्जुकेशन का इफेक्ट जो है वो बेंजीन में कौन कौन सी पोजीशन पे आता है ऑर्थो और पैरा ऑर्थो और पैरा पोजीशन ओपी पोजीशन पोजिशन जस्टिस फॉर मेटा हुं? मतलब ये वही बात हो गई बेटा मैंने एग्जांपल एक अच्छा सा दिया था एक घर में तीन बच्चे होंग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है मैंने दिया था एक घर में तीन बच्चे हों मैंने कहा था एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि एक घर में तीन बच्चे हों सबसे बड़ा मिडिल वाला छोटा वाला सबसे प्यार से रखा जाता है छोटे वाले को लाडला छोटा बेचारा और फिर भी और एक एक लाड़ला और होता है बड़ा वाला कि ठीक है सबसे पहला है सबसे गंदी लात पड़ती है आता जाता जो है वो मार जाता है किसको जो भी आएगा किसकी बेजती सबसे ज्यादा होती है सबसे ज्यादा मारपीट किसके साथ होती है कौन पिटता सबसे ज्यादा है बीच वाला बीच वाले को बहुत पीटा जाता है <laughs> बीच वाले को बोरे में भरके कट्टे में भर के लाते मारी जाती है, है, बात बात है, है। इसीलिए वही यहां पर भी हुआ मतलब जो भी हो वो चाहे भाई हो चाहे बहन हो बीच वाला बहुत पीटाता भाई कुछ भी को बीच वाला खूब पिटाता भाई कुछ भी को ना? आप में से कितने लोग बीच वाले हैं ये देखिए एक दो तीन ये और ये पैरा इनके बीच वाला है मेटा भैया ये इसकी कोई इज्जत ही नहीं है कोई इज्जत ना है इसकी मार्केट में कोई इज्जत ना है इसकी मार्केट में कोई इज्जत ना है क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है अनमोल बोल रहा है सर मैं तो बड़े वाला हूँ हाँ बेटा तो, तो वैसे भी बहुत बड़े वाला है मतलब बड़े चलिए आइए ये ओप ये अच्छी बात है हाइपर कंजुगेशन के बारे में आप सर समरी बताओ तो हाइपर कंजुगेशन में चुपचाप अल्फा एच जुड़ने हैं जितने ज्यादा एच होंगे अब आप बताओ अल्फा एच में स्ट्रक्चर कितने बनेंगे तो आप खुद देख लीजिए जितने अल्फा एच होंगे उतनी बार सी एच बोन टूटेगी

अल्फा एच प्लस वन कोई बताएगा ये प्लस वन कौन सा है Benzine के केस में आंसर अलग आता है लेकिन यहां बताइए आप मुझे आप उस आप में से कोई मुझे बताएगा ओरिजिनल वाला वेरी गुड ये वाला जैसे ये वाला जो दिया होता है तीन बार तो ये टूटेगा तीन तो ये हो गए एक जो दिया हुआ है ओरिजिनल में तो पूरा टूटा ओरिजिनल तो हाइब्रिड रहा होगा ये हुआ अच्छा है, कोई मुझे बताएगा एक तगड़ा सवाल पूछूं टोटल हाईपर स्ट्रक्चर टीएच बोन इन बेंजीन कितना आएगा बताओ बताओ चलो मान जाऊंगा तुम्हें बताओ किसी ने कर दिया बहुत बहुत अच्छी बात है बताओ कितना आएगा इसके बाद शुरू हो रहा है रेजोनेंस जीरो हट क्या जीरो ये देख ये नहीं हुआ गदो ये जब किया तो ये क्या है ये यहाँ हुआ मैंने सी एच वन टूटी ना बना तो है ही जियो बना तो ना है। ना डायरेक्ट कर देता हूं मैं मुझे पता तो तुम गगदों से नहीं होगा तुम्हारी आदत है थ्री टू नंबर ऑफ अल्फा एच जितने हैं जितने अल्फा एच है इंटू थ्री जितने इंटू थ्री क्यों सर समझ में नहीं आया सर भैया औरथो पैरा और तीन जगह जाएगा चार्ज तो तीन बार एच बॉन टूटी होगी खत्म बात बेवकूफ लोगों तीन बार टूटेगी अब आपके तीन बार हैं एक को तोड़ने पे तीन आ रहे हैं तो तीन को तोड़ने पे नो आएंगे खत्म बात नहीं समझा अभी भैया मेरे एक को तोड़ने पे औरथो तो पैरा और तो। पीओो और तो पैरा औरतो तेरा तो तो जा रहे हो आप तीन जगह जा रहे हो एक को तोड़ रहे हो तो फिर दूसरा टूटेगा तो तीन बनेंगे फिर तीसरा टूटेगा तो तीन बनेंगे तो नौ हो जाएंगे बात खत्म एक नंबर के गधे हो बताओ इसका आंसर दो फटाफट आठों का आंसर निकालो जल्दी से पहले चार का आंसर बताओ टोटल एच एस इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड कितने होंगे कुल मिलाकर निकालना निकालो जल्दी निकालो चार जल्दी बताओ अच्छा समझ गया मैं समझ गया ने जीरो बोला कि तुमने बेंजीन मान के किया क्या सॉरी 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 मतलब बेंजीन नहीं बेंजीन बेंजिन डेरीवेटे बेंजीन टाइप के कंपाउंड्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं मैं बेंजीन की बात नहीं कर रहा था बेंजीन टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी बात कर रहा था सॉरी उसके लिए आंसर लिखो ना यार सारे लोग एक का लिख रहे हैं एक का सात अरे यार तुमको जैसे तुमको अभी बताया वैसे करो ना यार जी देखो पांच छ अरे यार बोला चारों का साथ, साथ चार छ पांच सात चार छ पांच आठ पांच सात छत चार छः पाँच देखते सात चार छः पाँच सबका आया है ये देखते हैं ये दो ये तीन मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई मुझे याद थोड़ी है कोई तीन दो पाँच दो सात सात अल्फा एच इसके अंदर या ये जेई का सवाल है जेई एडवांस का जेई एडवांस दो हज़ार ग्यारह का सवाल ही है ये जेई एडवांस दो हज़ार ग्यारह का सवाल है है हाँ यहाँ तीन दो एक छः अल्फा एच है उसमें तीन और एक चार है तीन उधर एक इधर इसके अंदर दो एक तीन और दो पाँच पाँच है तो आंसर हो गया आपका सात चार छः पाँच बहुत बढ़िया जिन बच्चों का सात चार छः पाँच आया उनको बधाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये करो अब पाँच छः सात आठ का आंसर निकालो पाँच छः सात आठ का आंसर निकालो चार नौ दस चार नौ दस आठ चार नौ दस आठ देख लेते हैं इसमें इधर तीन और एक चार इसमें दो दो तीन दो कितने छः और तीन नौ इसमें तीन तीन दो दो दस इसमें दो 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 आठ चार नौ दस आठ बहुत बढ़िया जिन लोग आया उनको बधाई सवाल सब हो जाएंगे तुमसे सब हो जाएंगे चलो, स्टार्ट करें भाई लोग। क्या हम शुरू करें अगला टॉपिक क्या हम अपना अगला टॉपिक शुरू करें क्या हम अगला टॉपिक शुरू करें क्या हम अपना अगला टॉपिक शुरू करें जीओसी का दो पार्ट खत्म होता है इंडक्टिव और हाइपर कंजुकेशन शुरू हो रहा है रेजोनेंस 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 शुरू करने वाले हैं रेजोनेंस फिर शुरू होगा उसका एप्लीकेशन पार्ट ये पूरा एक मेजर पोर्शन ऑफ द जी खत्म होता है फिर शुरू होगा एसिड बेस और उसका एप्लीकेशन बहुत आसान है वो भी बहुत आसान है ब्रेक बोल चुप रे ब्रेक बोल रहा है कदा चलो आइए स की बात करते हैं बात उन दिनों की है एक बार की बात है मैं रास्ते से जा रहा था पीछे से एक आदमी बोल रहा है मैं बैलपुरी खा रहा था अरे गधे ऐसी बातें क्यों हर जगह मजाक क्यों सोचती है हैं तुम्हें हर जगह मजाक क्यों सोचती है? है? मजा है मैं बोल रहा हूं मैं रास्ते से जा रहा था तुम बोलने लगे बैलपुरी खा रहा था ऐसी बातें क्यों करते हैं एक बार की बात है मैं रास्ते से जा रहा था मैं देखता हूं एक्सीडेंट हुआ है जोरदार जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हुआ है या ये मान लीजिए चलिए मैं और इसको और आसान करता हूं एक बार की बात है आप रास्ते से गुजरे रास्ते से गुजरते ही मैं क्या देखता हूं कि मेरे सामने से एक जानवर निकला है अब पीछे से एक विनोद के रहा विनोद के रहा है सर वो कहीं मैं तो नहीं तारे मतलब हो सकता है कि तुम हो सकता है कि तुम हो मुझे क्या पता कोई भी जानवर हो सकता है देखो एक बोला सर मैं मुझे पता था बेटा तुम तो मन होंगे वो सब चीजें हाँ अब एक आदमी देखो तुम्हारा ध्यान देखो मैं जैसे पढ़ाने पे जाता हूँ ना एक लिख रहा है सर किसके साथ थे कि नोरा के साथ तो नहीं थे किसके साथ अब ये देखो ये देखो मैं नहीं निकला मतलब समझ रहे हो आदमी को इससे मतलब नहीं कि सर पढ़ा क्या रहे हैं इनको बाकी चीजों से सो चीजों से मतलब है ये बड़ी अच्छी चीज है तुम्हारी है बहुत बढ़िया बेटा हुआ क्या कि जैसे ही कई बार ऐसा होता है कई बार हमारी आम जिंदगी में भी ऐसा होता है कि जब हम जब हम कोई चीज को पहचान नहीं पाते हम कई बार रास्ते में देखते हैं हमें कोई इंसान मिला हमें समझ नहीं आता यार कौन हमको ऐसा फील होता है इसको देखा हुआ है यार कहीं पे हमने इसको कहीं पर देखा हुआ है अब वो जो पार्ट है ना हमने इसको देखा हुआ है यही है रेजोनेंस आप मेरी बात समझो कहीं आप 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 आप, आप मान लें क्रिकेट ग्राउंड पे गए आप क्रिकेट ग्राउंड पे गए आपने देखा एक जो सामने बैट्समैन है वो बिल्कुल इस तरीके से खेल रहा है एक कोई बॉलर आया उसने हाथ घुमा के एक बिल्कुल ऐसे करके ऐसे एस, बोलिंग की तुमने जैसे ही उसके बोलिंग स्टाइल को देखा तुम्हें क्या आज मैंने तुमको भी किया ऐसे ये ऐसे तुम्हें किसकी -किस स्टाइल याद आई ये करते ही किसकी -किस स्टाइल याद आई ऐसे ये करते ही तुम्हें क्या दिमाग में आया अरे या सर यार ये तो बिल्कुल आप उसकी तरह कर रहे हैं है? आया ना मलिंगा यस मलिंगा आया मलिंगा यही तो रेजोनेंस है यही तो रेजोनेंस है बुमरा या मलिंगा ये 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 बिल्कुल सही बात है मलिंगा बिल्कुल सही बोल रहे हैं कई बार मैं मलिंगा बात समझिएगा मैं आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ कई बार हमें असली के बारे में नहीं पता होता रियल नहीं होता पर उसको एक्सप्लेन अब जैसे ही मैंने ये काम किया तुमने तो चिल्ला के बोला बिल्कुल मलिंगा की तरह एक्शन कर रहे हो ये है यही चीज जो है यही रेजोरेंस है हुआ क्या था ये था बेनजीन मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा ये था बेनजीन ई रहा आपका बेनजीन बताइए वन टू या थ्री कौन बेंजीन है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए बेंजीन कौन है वन टू वन टू या थ्री बेंजीन कौन है बताइए वन टू या थ्री बेंजीन कौन है थ्री बिल्कुल सही बात है में हुआ क्या अगर हम बात करें ये बॉन्ड कैसी है सिग्मा बॉन्ड इसकी लेंथ आनी चाहिए थी डबल बॉन्ड यह आनी चाहिए लेंथ आनी, आनी चाहिए थी सेम यहां पर भी लेकिन जैसे ही लेंथ को मेजर किया गया एक्चुअली में बॉन्ड लेन पॉइंट थ्री नाइन सबकी सबकी सेम सबकी कैसे हुआ तो पार्थ बाबू बिल्कुल सही बोल रहे हैं केकुले केकुले का कमाल था ये भैया जो है वो बेंजीन के बारे में ऑब्जर्व कर रहे थे जैसे मेरे बोलिंग एक्शन को आपने ऑब्जर्व किया आपने कहा ये तो बोलिंग एक्शन है आपने कहा तो बिल्कुल आपको मेरा आपको केवल एक, एक एक वो दिखाया गया हाथ का एक्शन आपने कहा मलिंगा एक ये तो ये तो ये तो सेम मलिंगा है मेरी बात बहुत ध्यान सुनना आपने मेरा फेस नहीं देखा आपने कुछ नहीं देखा आपने केवल ये देखा कि एक किसका इसी प्रकार जब हमने देखा, हमने का ये क्या हो गया ये क्या है सारी की सारी बोन वन पॉइंट थ्री नाइन और यहां सला हमको लग रहा था ये और ये आएगी ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब जब आपने इसको उठा के इसके ऊपर रखा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आपने इसको उठा के इसके ऊपर रखा देखो रख के देखो रख के देखो रख के देखो, तो आपको पता है क्या दिखेगा ऐसा दिखेगा ये ये तो ये था ही। इसको उसके ऊपर रखा तो ये दिख रहा है आप लोगों को ये ये देखो ये वही, ये वही है देखो ये वही है देखो वो आ गया देखो वो आ गया क्या मेरी बात समझ में आई क्या मेरी बात समझ में आई कि भैया इसका मतलब डबल बोन एक जगह नहीं हर जगह है इसका मतलब ये जो बेंजीन है वो इन दोनों से मिलके बना है दिस टू आर हाइपोथेटिकल ये कलाकार की कल्पना है ये क्या है बेटा कलाकार की कल्पना एंड दैट इज योर रियल दैट इज योर रियल ये हाइपोथेटिकल है और ये रियल है इसका मतलब इसका मतलब यह है कि भैया आप इस बात को समझिएगा कि रियल में क्या है केकुले रियल नहीं है कि केकुले ना रियल <laughs> केकुले रियल नहीं है केकुले रियल नहीं है वो रियल नहीं है इसका मतलब हमारी आम जिंदगी में कई बार हम जैसे आपने देखा बैट्समैन ऐसे खेल रहा है बिल्कुल आपने देखा होगा इस तरीके से अगर उसने ये मारा ये बताइए जैसे ही आपने किसी को देखा ये तो आप क्या बोलते हैं और वे बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की तरह खेलता है वो ये जो स्टाइल है ना ये जो किसी को देखकर आपने कुछ सहारा लिया किसी और का वेन वैन प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड वैन प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड वैन प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस स्ट्रक्चर देन वेरियस स्ट्रक्चर्स आर ड्रॉन

स्ट्रक्चर्स का मिलके ये बनता है ये है आपका हाइब्रिड सो दैट इज योर रेजोनेटिंग हाइब्रिड दैट इज योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ये हाइपोथेटिकल है इनका यूज किया जाता है कि भैया ऐसा हो रहा होगा इसीलिए इन दोनों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ऐसे दिखाया जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मतलब हाइब्रिड के अंदर हमें जो जो दिख रहा है हाइब्रिड में हमें जो जो दिख रहा है उसको इस टाइम पे ऐसा होगा इस टाइम पे ऐसा होगा इस टाइम पे ऐसा होगा दिस इज योर ये इस तरीके से दिखना इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं ये जो अलग अलग दिखना इसी को बोलते हैं हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा और जो हो रहा है एक्चुअल में वो हाइब्रिड है क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई कमेंट बॉक्स में लिख के बताना अपार्ट फ्रॉम दिस प्लीज मुझे लिखकर बताइए जल्दी बताइए क्या आप लोगों को समझ में आया यस yes, सर ठीक है चलिए अब सर ये तो आपने सिखा कि ये क्या होता है क्या है अब हम सीखेंगे रेजोनेंस क्या है कैसे होता है क्या आप लोगों को ये समझ में आया देखो वेन प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन माई सिंगल स्ट्रक्चर देन स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड रियल इज एज हाइब्रिड प्रॉपर्टीज क्या है अब ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है ये कैसे होता है क्या है क्या नहीं है आइए इसको समझाते क्या आप सब तैयार हैं क्या द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूडे क्लास इज गोइंग टू लाइक ये आपके आगे लास्ट तक काम आएगा क्या आप सभी तैयार हैं क्या sound कम है क्या यार साउंड कम है क्या ईमानदारी बताओ ना ईमानदारी से कुछ तो तो छपरी है साउंड कम है क्या यह yeah, uh... बेटा टेक्नोनोवा ये तो जो है ना बेटा मुझे मैं भी सुन लेता एक काम करता हूँ चल मैं भी सुन लेता हूं तेरी बात पे एक मिनट भी सुन लेता हूं चल एड आ रहा है इसमें तनिकों कौन सी मूवी का एड आ रहा है एक मैं देख रहा हूं। भाई देख रहा हूं देख रहा हूं मेरी आवाज कहीं कम तो नहीं तुम झूठे हो।, हो तुम मकार हो तुम मकार हो तुम एक नंबर के गधे हो सारे के सारे छपरी हो सारे, के सारे।, सारे के सारे हाँ अब सही आ रही है बेटा सब तो सही आ रहा है चलिए आइए आइए और शुरू करें और रेजोनेंस कहां होता है कैसे होता है किस जन्म में पाया जाता है यह आपको दिख रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इसमें जो एक बॉन्ड कम है मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा लेडीज एंड जेंटमैन ये जो डबल बॉन्ड है बताइए ये डबल बॉन्ड कौन से ओवरलिपिंग से बनती है ऑन या साइडवेज बोले सर दो चार गाली और दे तो मजा आ जाएगा साइडवेज <laughs> साइडवेज बिल्कुल सही जवाब है कि भैया यहां जो पी ऑर्बिटल है पी पाई इसको बोलते हैं पी पाई क्या बेटा पी पाई ये ए ए ऐसे ये है आपका साइडवेज ओवरलैपिंग ये है आपका साइडवेज ओवरलैपिंग दूसरा लिया ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यहां कितनी पाई बॉन्ड है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितनी पाई बॉन्ड है एक और ये का हुआ ये क्या हुआ कुछ पता ना चला बताइए दो कितने दो पाई बोड है बताइए कितने पी पाई होंगे क्वेश्चन नंबर टू में कितने पी पाई होंगे क्वेश्चन नंबर टू में कितने पी पाई होंगे जल्दी बता दो पी पाई कितने होंगे पी पाई चार बिल्कुल सही आंसर है कैसे कैसे बनी कैसे बनी भिल्लरी बिना चटनी कैसे बनी ये देखिए ये बन गई चटनी अब आप बताइए ये सारे मैं मान लेता हूं पीवाए हैं

मैंने कब मना किया वेन आई डिनाइड अबाउट दैट मैंने कब मना किया ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि ये पी वाई पी वाई हो वो पी जेड पी जेड हो, सकता है हो सकता है एक आदमी बोल रहा है सर पी एक्स पी वाई पी जेड ही क्यों मैं तो पी डब्ल्यू भी करूंगा आ, कर ले जा ले पी डब्ल्यू कर ले जा है ना समझ में आ रहा है <laughs> चलिए आइए 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 चलिए ये लिया ये आपने लिया अब आप बताइए यहां पर कितने क्या यहां पे चारों के चारों पाए कंटिन्यूस है कि नहीं या ब्रेक हो गया ब्रेक मतलब होता है बेटा कहीं बीच में चारों चारों एक साथ लगातार कहीं किसी कार्बन पे गैप ना आके लगातार चारों है कि नहीं क्या चारों के चारों लगातार है कि नहीं ईमानदारी बताए लगातार है कि नहीं यस यस सर लगातार है यस सर कितने लगातार है नंबर एक वस्तु नंबर ऑफ पीपा है चार बी वस्तु नंबर ऑफ पीपा है हाँ एक बता रहा हूं कंटिन्यूस कितने हैं चार इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा जो क्लास में मौजूद है ये ही रेजोनेंस है ये दो इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुए ये दो इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुए दिस ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स

क्या आप लोगों को समझ में आया बहुत बढ़िया चलिए आइए मैंने कहा क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है क्वेश्चन नंबर थ्री में ए की वैल्यू नंबर ऑफ पी पाए है कितने हैं नंबर ऑफ पी पाई है कितने हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए नंबर ऑफ पी पाई कितने जल्दी जल्दी बताइए जोल्दी, जोल्दी ए जल्दी जल्दी बताइए नंबर ऑफ पी है कितने हैं चार चार बिल्कुल सही जवाब है चार नंबर ऑफ पीपाई इन रेजोनेंस कितने हैं नंबर ऑफ पीपाई इन रेजोनेंस कितने हैं जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए बताइए जल्दी नंबर ऑफ पीपाई इन रेजोनेंस कितने हैं देखो दो दो चार चार जीरो क्यों सर क्यों रीजन देखिएगा बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे यहाँ पी पाए है यहां पी पाए है बहुत ध्यान से देखना बेटा यहाँ पी पाए है यहां पी पाए है कोई कंटिन्यूस नहीं है ये दो अपने में बॉन्डेड है ये दो अपने में बॉन्डेड है यहां इस वाले कार्बन पे कोई पी पाई नहीं है इसीलिए यह कंटिन्यूस नहीं है इस, इस जगह ब्रेक आ गया है इस जगह ब्रेक आ गया है यहां पे कोई पी पाए नहीं है इसीलिए ये दोनों आपस में रेजोनेस नहीं कर रहे ये पी पाई अपना है इसको बोलते हैं लोकलाइज लोकलाइज जो रेजोनेंस नहीं करते हैं उनको बोलते हैं लोकलाइज और जो रेजोनेंस करते हैं उनको बोलते हैं डीलोकलाइज उनको बोलते हैं डीलोकलाइज जो रेजोनेंस कर जाए डी जो रेजोनेंस ना करें को लोकलाइज आई होप आप सभी को समझ में आया हो आई होप आप सभी को समझ में आया हो तो बी नंबर ऑफ पी पाइन रेजोनेंस जीरो नंबर ऑफ पाइलेक्ट्रॉन्स तो चार हैं रेजोनेंस में कितने हैं जीरो तो रेजोनेंस ही इसका मतलब इस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं हो रहा इसका मतलब अब आप जो पढ़ते हो अब आप जो मुझे बच्चे बोलते हैं डबल सिंगल डबल भैया मुझे तो पता नहीं क्या है लेकिन हाँ आओ, आओ आप जो बच्चे बोलते हैं सर डबल सिंगल डबल बेटा कुछ नहीं है डबल सिंगल डबल ये देख ले ये ले पी वाए, पी वाए, पी वाए, पी वाए. क्यों डबल सिंगल डबल रेजोनेंस करता है क्योंकि चारों पी एक साथ है शानदार तो इसको इसकी बजाय ऐसे देखना इसके ऐसे देखने से तेरे को रेजोनेंस की असली फील आएगी जब तू इसको ऐसे देखेगा ना

डिलोकलाइजेशन ऑफ समझ आया किसी को क्या आप लोगों को ये डबल सिंगल, डबल सिंगल का मतलब समझ में आया कि आखिर क्यों डबल ये नहीं है ये एक रेजोनेंस है क्यों है बात इसकी नहीं है कि ये एक रेजोनेंस है कि नहीं ये तो मैंने भी किया डबल सिंगल सिंगल डबल तो सर यहां उससे क्यों करता है तो, तो ये यह देखना यहां पे पी नहीं है जिस दिन आपने पी पाई से सीख लिया आपसे अच्छे से अच्छे सवाल एडवांस लेवल के बन जाएंगे मेंस के लिए काफ़ी है लेकिन एडवांस के लिए आपको पी पाई से सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपसे कोई भी सवाल घुमा दिया ना तुमसे सवाल नहीं बनेगा तुमसे सवाल नहीं बनेगा ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आपको मैं ईश्वर की कसम खा के बोलता हूं अगर आपको रियल में फील चाहिए तो ये जरूरी है उसके बिना नहीं होता बाकी तो आप कोई टेंशन नहीं है बताइए इसके लिए एबीसी की वैल्यू बताइए ए बी और सी की वैल्यू ए इज द नंबर ऑफ पी पाई कितने हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए नंबर ऑफ पी पाई कितने हैं इसमें आप तो चार आप तो इन तीनों की वैल्यू बताओ आपका मानसा आंसर दो 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 है तो टू कोमर टू लिखिए जल्दी बताइए क्या होगा जल्दी बताइए तगड़ा के बाद हम सीखेंगे रेजोनेंस ये कर रहा है ये कंपाउंड नहीं कर रहा ये कर रहा है ये कर कैसे कर रहा है क्या हो रहा होगा वो हम आगे सीखेंगे सिक्स फोर फोर सिक्स सिक्स फोर फोर कुछ बोल रहा सिक्स जन्म में पॉसिबल ना सिक्स फोर फोर इज द करेक्ट आंसर कैसे सर एक दो एक दो एक दो बताइए वन टू और थ्री कौन कौन से पाई रेजोनेंस कर रहे हैं कौन कौन से बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं नंबर ऑफ पीपाई एक दो तीन चार पांच रेजोनेंस हाँ टू थ्री इज द करेक्ट आंसर टू थ्री इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये वाले कंटिन्यूस हैं ये वाले कंटिन्यूस हैं मजा आ जाएगा शानदार फ्लो चल रहा है यहाँ पे इस वाले कार्बन पे कोई पी पाए नहीं है इसीलिए यहाँ ब्रेक हो गया अब ये अलग है और ये अलग है तो ये रेजोनेंस कर रहे हैं ये रेजोनेंस नहीं कर रहा आप खुद देख सकते हैं बी नंबर ऑफ पी पाए इन रेजोनेंस चार क्या ना इससे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दो है यहाँ दो है चार ये दो है छह छह में से लेकिन ये चार आपके रेजोनेंस कर रहे हैं आप बताइए इस कंपाउंड में लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस कंपाउंड में लोकलाइज पाइलेक्ट्रॉन कितने हैं इस कंपाउंड में लोकलाइज पायलेक्ट्रॉन कितने हैं फील चाहिए फील लोकलाइज पाइलेक्ट्रॉन्स दो करेक्ट आंसर है दो ये रहे लोकलाइज बेटा लोकलाइज का मतलब होता है आई एम ए लोकलाइट ऑफ उदयपुर लोकलाइज आप इसको और सिंपल समझो आप कहीं बैठे थे आप वहां के लोकल आप वहां लोकलाइज हो आप जैसे ही मूवमेंट किए दिस मूवमेंट ऑफ और...

ये बताइए पांच नंबर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बहुत तगड़ा सवाल है पहले ये बताओ पी पी की वैल्यू कितनी होगी मतलब ए मतलब पी पाई कितने हैं मतलब सॉरी पी मतलब ए आ, पी पाई कितने हैं जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए पी पाई कितने हैं दो गलत जवाब है तीन मैक्सिमम बच्चों का सही है ये तीन आया आंसर बहुत सारे बच्चों का ये ये आपको मैंने क्या सिखाया इस इस कैटाइन का मतलब क्या है इस कैटाइन का मतलब क्या है कार्बन का जो प्लस है वो फॉर्मल है या वैकेंट है सर ये तो फॉर्मल नहीं वैकेंट है सर क्योंकि कार्बन पे प्लस है इस प्लस का मतलब क्या है वैकेंट पी ऑर्बिटल वैकेंट पी ऑर्बिटल यहाँ पे एक पी खाली है यहाँ पे एक पी खाली है एक पी खाली है इस खाली पी को ही हम बोलेंगे एक पी खाली है दिस वैकेंट पी इसका मतलब एक दो तीन जो पी हैं आपके यहाँ पे नंबर ऑफ पी पाई कितने हैं जल्दी से बताओ तीन एक पाई बोन्ड है एक, लेकिन पी पाई कितने हैं नंबर ऑफ पी पाई तो पी पाई एक दो सर पी पाई का मतलब ये ये नहीं था कि पाई बोन्ड है ऐसा नहीं होता बेटा पी पाई का मतलब आपको बस पी पाई मतलब पी नंबर ऑफ पी है ना मतलब प्योर कितने हैं एक दो तीन अब बताओ नंबर ऑफ पीपाई इन रेजोनेंस आप बताओ कितने पी कंटिन्यूस है ना कितने पी कंटिन्यूस है मैं आपके सारे आंसर सुन रहा हूं देख रहा हूं तीन बहुत बढ़िया एक दो तीन तीनों ही एक साथ है क्या आपको ये फील आती है कि सर इसमें रेजोनेंस आप बताओ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे हो रहा होगा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट एल टू आर एल आर या आर एल बताओ राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे हो रहा होगा एल आर बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार बहुत शानदार क्योंकि सर ये खाली है भाई साथ में फील लो रटो मत रटो मत फील लो कि भैया ये खाली है

अल्किन इलेक्ट्रॉन दिए होंगे इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, यही तो रेजोनेंस कितने पाइलेट्रॉन रेजोनेंस में है जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं उन सबको इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं लोन पेयर भी पायलेक्ट्रॉन हो जाएगा अगर तो बताओ दो करेक्ट आंसर है ये दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां तो खाली है तो ये दो रेजोनेंस कर रहे हैं इज़ योर आंसर क्या आप लोगों को थोड़ी थोड़ी फील आई क्या आपको थोड़ी थोड़ी फील आई रेजोनेंस ये है अब आप सोचो अब आप बोलते हो ना डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस करता है क्यों करता है भाई एक दो तीन ये रेजोनेंस ऐसा नहीं कि किस एक बार मान सकता हूं कि आपको यह समझने में थोड़ा सा समय लगे थोड़ा टफ लगे पर एक बार ये समझ में आ गया तो वादा करता हूं आप जीवन में कभी रेजोनेंस फील भूल नहीं पाएंगे क्या आप लोगों को बात समझ में आई क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई बाकी जिनको एंजॉय करना है वो तो एंजॉय करेंगे ही लेकिन हाँ मैं ईमानदारी से यही सजेस्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर छह के बारे में बताइए क्वेश्चन नंबर छह के बारे में कमेंट कीजिए जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर छह के बारे में बताइए नंबर ऑफ पीपा बेंजीन की इतनी तगड़ी फील है ना भाई तुम किसी किताब में देखना कभी नेट पर डालना से इलेक्ट्रॉन्स भाई तुम्हें तगड़ी फील आएगी जो मैंने बताया ना एग्जैक्ट किसी भी अच्छी किताब में पढ़ना क्लेडन हो उससे जेरी मार्च है इतनी बढ़िया बढ़िया किताबें हैं सब में देखना वो फील दिखेगी तगड़ी वाली चे, चे, बहुत है, बहुत है। ने बात बोली थी तुम खुद देख लो सर कर रहा है कैसे कर रहा है तुम खुद देख लो तुम खुद देख लो हाँ ये सब अपने सब पड़े हुए लोग बनेगा सब चिल्ला रहे हैं। अरे शानदार चीज इसीलिए आप देखो इस वाले कंपाउंड में क्या मैं बोल सकता हूं एक लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं क्या मैं ये बात बोल सकता हूं एक लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं क्या मैं बोल सकता हूं एक लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं हाँ सर एक लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं ऐसे और अगर किसी लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं अगर किसी लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तो क्या जनरेट होता है अगर किसी एक लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तो क्या जनरेट होता है सही बोल रहे हैं करंट अगर किसी एक लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ने लग जाए तो क्या जनरेट होता है करंट और उसको मतलब कहना इसको छूते ही करंट आएगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे इसको

क्वेश्चन नंबर सात में करंट आएगा कृष्ण तिवारी बोला सर करंट कहाँ से आया तो गधे गेटा छुएगा तो करंट नहीं आएगा आपने क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन लूप में दौड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स अगर लूप में दौड़ेंगे तो बेटा करंट तो आएगा ही आएगा हंड्रेड परसेंट आएगा कितने कितने का यस yes, करंट आएगा करंट आएगा करंट आएगा, आएगा कितने का करंट आएगा कोई मुझे बताएगा कितने का करंट आएगा इस कंपाउंड में कितने का करंट आएगा जल्दी बोलो कितने का करंट आएगा जल्दी बताओ चार का चार का क्योंकि इसमें चार इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं एक दो तीन चार चार पी पाए एक वस्तु एक दो तीन चार दिख रहा है, एक दो, चार, चार पी है। में चारों हैं और लूप में दौड़ रहे हैं करंट भी आएगा कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं दो, दो चार दैट इज योर चार 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 क्या लूप में करंट दौड़ रहे हैं हाँ सर लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं करंट आएगा आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर आठ में करंट आएगा कि नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर आठ में करंट आएगा कि नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर आठ में करंट आएगा कि नहीं आएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ करंट आएगा या नहीं आएगा नो no. क्यों नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा कोई बोला सर को उसका नाम क्या है करंट का उस करंट का नाम है डायमेनेटिक रिंग करंट इसका नाम है पैरामनेटरी रिंग करण उसको बोलते हैं करेंगे बाद में क्यों नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा लूप नहीं बन रहा कहां गए कहाँ फंस गए कहाँ नहीं आ रहा लूप कहाँ ब्रेक हुआ कहाँ ब्रेक हुआ कहां देखो तो सही एक दो तीन चार एक दो तीन चार ये लो ये चार तो शानदार रेजोनेंस कर रहे हैं रेजोनेंस नहीं हो रहा है स तो हो रहा है तगड़ा लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा इस वाले डाउन वर्टर बिल्कुल सही बोल रहे इस वाले पे लूप नहीं बन पा रहा लूप नहीं बन रहा तो यहाँ करंट नहीं आ रहा ए की वैल्यू चार बी की वैल्यू चार सी की वैल्यू चार रेजोनेंस तो हो रहा है पर करंट नहीं आ रहा क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है समझ में आई सबको है ना ना है? यहाँ पी नहीं है यहां नहीं है जल्दी से कमेंट बॉक्स बता में बताइए क्या क्वेश्चन नंबर नौ में करंट आ रहा है क्वेश्चन नंबर में करंट आ रहा है जल्दी बताइए क्वेश्चन ये सारे कराऊंगा अभी चौदह चौदह क्या क्वेश्चन नंबर नौ नौ में करंट आ रहा है यस yes, सर कितने इलेक्ट्रॉन्स का करंट आ रहा है आ आ रहा रहा है है, बेटा, है। है करंट एक दो बोला नो 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 कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक, एक, एक इस पाई बोन में कितने इलेक्ट्रॉन है दो याद क्यों करते हो जीवन में तुम्हें हमेशा याद ही क्यों करना है कोई बच्चा बोला चार चार तेरा कैसे आ रहा है बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स यहां है ये वैकेंट है प्लस चार्ज है ये वैकेंट है ये वैकेंट है खाली खाली पी पाई कितने हैं चार रेजोनेंस में कितने हैं चार इलेक्ट्रॉन्स कितने मैं पी पाई नहीं पूछ रहा हूं कितने इलेक्ट्रॉन्स का करंट आ रहा है मैंने आपसे नंबर ऑफ पी पाई का करंट नहीं पूछा मैंने पूछा इलेक्ट्रॉन्स कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का करंट आ रहा है केवल दो इलेक्ट्रॉन्स का करंट आ रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स अगर रेजोनेंस 알아... कर रहे हैं करंट केवल दो का आ रहा है दो का आपका करंट आएगा जी हाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं दो लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं और दो का करंट आ रहा है क्या आप लोगों को अब तो समझ में आया होगा तीन क्यों बोल रहा है चार होगा ना बेटा एक दो तीन चार इसका बताओ इसका क्वेश्चन नंबर टेन का क्या करंट आएगा यस और नो क्या करंट आएगा कितने अच्छा अब मुझे इसके वैल्यू बताओ एबीसी की वैल्यू बताओ एबीसी की वैल्यू बताओ सात सात छ इज द करेक्ट आंसर एक दो तीन चार देखो ना चार और ये खाली, वोगी, वोगी, आपके पी -पाई हो में भी पीपा सातों के साथ सातों इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो यहाँ दो यहाँ दो और ये खाली दो दो चार दो छ सात सात छ करंट आएगा यस कितने का छ का करंट आ रहा है छ इलेक्ट्रॉन्स का करंट पी पाई का करंट नहीं पूछ रहा हूँ कितने इलेक्ट्रॉन्स का करंट तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है ना तो इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे वो बताना है आपको बताओ मुझे क्या आप लोगों को समझ में आया सबको क्या आप लोगों को समझ में आया एक बात बोलू मैं आप लोगों लोगों को अब मैं आप को एक बात बता। बात बताऊं सुनोगे मेरी को एक एक हकला बंदा था हकला एक बंदा था हकला एक बंदा था हकला हकले ने यही रूल तो दिया हकले ने कहा किसी अगर साइक्लिक कंपाउंड में हकले ने यही तो रूल दिया हकले ने यही तो रूल दिया हकले ने यही तो रूल दिया हकले ने यही बोला हकले ने यही बोला कि भैया या तो करंट आएगा या करंट नहीं आएगा अब तुम याद करते रहे प्लेनर चाहिए ऊ चाहिए अरे भाई रेजोनेंस करना है तो प्लेनर तो होना ही पड़ेगा सब एक साथ होंगे प्लेन में अब तुम बोलो दो पी एस ए अगले पी एस ए हैं रेजोनेंस कर लो नहीं कैसे कर जाएंगे उधर से कूद के इधर इधर से कूद के ऐसे जाएंगे क्या इसीलिए बोलते प्लेनर तो प्लेन में होने पड़ेंगे सारे पीएसए होने पड़ेंगे एक साथ दो पीवा

प्लेनर होने चाहिए अब ये सब बातें याद थोड़ी करनी होती कभी भी याद थोड़ी करनी होती है है ना याद थोड़ी करनी होती कोई तो करंट या तो होगा या करंट नहीं होगा या तो करंट होगा या करंट नहीं होगा और अगर करंट नहीं होगा तो करंट ना हुआ करंट आपको लग रहा है कि पूरे रिंग में रेजोनेंस पूरे रिंग की लूप की बात कर रहा हूं मैं क्लियर बोल रहा हूँ लूप की बात कर रहा हूं तो हमने बोल देंगे नॉन एरोमेटिक उसको क्या बोलते हैं हम नॉन एरोमेटिक क्या बोलते हैं नॉन एरोमेटिक क्या बोलते हैं इसको नॉन एरोमेटिक क्या बोलते हैं नॉन एरोमेटिक और करंट अगर आ रहा है करंट अगर आ रहा है फिर दो पॉसिबिलिटी है करंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है अगर जो करंट है करंट जो है वो अगर फोर एन प्लस टू की वजह से आ रहा है ये हकले का रूल है 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स किया आ रहा है या 4n पाइ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो आ रहा है और मैंने तो इसका प्रूफ भी बताया था कि क्यों ऐसा होता है पर ठीक है अभी उसके बात नहीं करेंगे 4n+2 तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक और इसको बोलते हैं अनचेयरोमेटिक एरो और एंटी एरो नो एरो 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 एंटी एरो नॉन एरो समझ में आ रहा है क्या क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है सर ये एन क्या है एन एन की वैल्यू कुछ भी इंटीजर रखो जीरो रखो जीरो जीरो रखो तो फोर इंटू जीरो प्लस टू टू एक रखो तो चार प्लस दो छ चार चार एक बार दो रख के फिर चार चार जोड़ते जाओ चार छ दस चौदह अट्ठारह ऐसे मतलब अगर एक लूप के अंदर दो इलेक्ट्रॉन दौड़े या छह दौड़े या दस दौड़े या चौदह दौड़े या अठारह दौड़े इन सबको हम क्या बोलते हैं एरोमेटिक अगर फोर का मल्टीपल दौड़े चार आठ बारह उसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक और करंट दौड़े ही ना तो इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक अभी मैंने आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ाई है अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ाई एन नहीं बताऊंगा बेटा वाई फोर प्लस टू नहीं बताऊंगा यार ये इतना समय मंजिल में बताने लायक नहीं है ये बेचिस में बताने लायक है हाँ क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई अच्छा अब आप बताइए ये कंपाउंड क्या होगा छह इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लूप बन रहा है तो छह की वजह से क्या बोलोगे एरोमेटिक लूप की लूप गिनना पूरा मत गिनना कई बार हो सकता है कि बाहर से भी रेजोनेंस हो रहा हो वो मतलब नहीं है हाँ चार इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरो एंटी एरो चार का मल्टीपल है एंटी फोर एन प्लस टू का एरो ये लूप अब चार क्या बोलो इसको इसको क्या बोलो इसको क्या बोलूंगा नॉन एरो क्यों नॉन एरो क्योंकि पूरे लूप में रेजोनेंस नहीं हो रहा पूरे लूप में रेजोनेंस नहीं हो रहा ये क्या है एरो या एंटी या नॉन जल्दी बताओ एरो एंट्री या नॉन जल्दी बताइए इसका क्या आंसर है एरो एंट्री या नॉन कोई नॉन कैसे बोल दे रहे हो यार बेशर्मो वाली बात मुझे तो गुस्सा आता है इन सब चीजों पर कोई एंटी बोल रहा है बेटा एंटी का इतना भी शौक नहीं होना चाहिए बेटा बहुत पछतावा होता है बेटा स्टार्टिंग में सब अच्छा लगता है बाद में बहुत गंदा लगता है बेटा एरो एंटी बोल रहा है कोई भाई भाई दो इलेक्ट्रॉन खाली खाली दो इलेक्ट्रॉन का क्या बोलेगा फोर एन प्लस टू हुआ ना एन इक्वल पर तो ये एरो हुआ भाई इलेक्ट्रॉन तो गिनना सीख ले भाई ये क्या होगा ये दो दो चार दो छह छह इलेक्ट्रॉन घूम रहे एरो समझ आया जल्दी से अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं उसका आंसर दीजिएगा अब मैं आप लोग कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जल्दी उसका आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर एक से लेकर पांच तक का आंसर दो क्वेश्चन नंबर एक से लेकर पांच तक का आंसर दो आपका आंसर जो भी आंसर है ऐसा लिखेंगे आप मतलब आपका आंसर एरो एन के लिए ए ए और नॉन के लिए एन एन ऐसे कोमा करके लिखिए पांचों का आंसर जल्दी लिखे पवन बोल रहा है मैं मरने जा रहा हूँ जा बेटा जा जा बोले रिकॉर्ड कर लूंगा कर ले जा स्पैम का सारा स्पैमर कहीं का प्लीज गुगुलशन का आंसर आया है नॉन एंटी एरो नॉन एरो नॉन एंटी एरो नॉन एरो समृद्धि अग्रवाल नॉन एरोमेटिक जलो पहले वाला एरो बोल रहे है ना उनसे बड़ा घर दुनिया में ना है बोले एरो सब दो इलेक्ट्रॉन अरे पूरी लूप में गिनना पूरा लूप देख पहले क्या पूरे लूप में रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा सर यहाँ टूट गया यहाँ कोई पी है ही नहीं क्या बोलेगा नॉन यहाँ ले दो और दो चार सर माइनस का क्या करते हैं आप बताओ माइनस का क्या करते हैं माइनस का आप में से कोई मुझे बताएगा माइनस का क्या, क्या करते हैं बेटा क्या आप में से कोई मुझे बताएगा माइनस का मतलब कि क्या हो गया माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर तो दो इलेक्ट्रॉन तो पर एक दो तीन यहां दो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डेड है तो नंबर ऑफ पीपा कितने हो गए तीन रेजोनेंस में भी तीन है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दो और ये दो चार ओए चार मतलब एंटी चार मतलब एंटी चार मतलब एंटी क्या आप सब लोगों को समझ आ रहा है चलिए इसमें दो और ये खाली एरो लूप में हो रहा है हो रहा है दो और खाली इसमें दो और दो चार ये वाला क्या है ये लूप ही नहीं बन रहा लूप ही नहीं बन रहा क्योंकि यहां यहां पी नहीं है आंसर हो गया आपका नॉन भाई देखो प्रैक्टिस है मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ याद करना है याद करने लायक तो कोई चीज़ है ही नहीं तो ढूंढना है 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 चार चार अब पता है, बच्चा पता मैक्सिमम बच्चा क्या क्या गलती करता है। दो दो और भाई तू पूरा लूप तो देख याद क्यों कर रहा है तू तू ये देख लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है लूप बने तो एंटी एरो होगा लूप ही नहीं बन रहा तो नॉन होगा इसमें लूप बन रहा है हाँ बन रहा है लूप सर कितने का बन रहा है छह का बन रहा है तो एरो हो गया खत्म ये हो गया एक तो एक तो गाना गा रहा है ना 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 ना, ना अरे ना हाँ ठीक है ना 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 चलो छ से लेकर दस तक आंसर निकालो और आराम से कर रहा है यार बड़ा आसान है यार बहुत आसान है पर तुम्हें पता होना चाहिए प्लीज बताओ छह से लेकर दस तक जल्दी बताओ सर अगले स्लाइड का तेरा वाला कौन सा स्लाइड का तेरा वाला वो तो आ रहा हूँ अभी अभी जो है उसके ऊपर वो तो आ रहा हूँ भाई अभी तो समय लगेगा पुराना आ रहा हूँ बेटा ग्यारह बारह तेरह चौदह बाकी है अभी आ रहा हूं उसमें वापस वाह आंसर आना चालू हो गया भाई यहां रेजोनेंस ही नहीं हो रहा तो नॉन यहां पर ये इसका आंसर क्या आया नॉन बढ़िया क्योंकि यहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा इस वाले पॉइंट पे रेजोनेंस नहीं हो रहा इसलिए रेजोनेंस तो हो रहा है टोटल लेकिन अब क्या करें इसलिए आंसर है नॉन इसमें पूरे में हो रहा है एक दो तीन कोई मुझे बताएगा इसमें कैसे हो रहा है बेटा क्या कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा इसको ओ का ओ, ओ का क्या करना है ओ का क्या करना है कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा ओ का क्या करना है लोन पर सर ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर होते हैं हमें दो से मतलब नहीं है क्यों एक ही तो लोन पेयर मैक्सिमम पी वाय मान लो ये पी वाय है एक ही तो लोन पेयर पी में आ पाएगा वाई में बाकी दूसरा लाओगे तो भी पी जेड में आएगा

हाँ प्रियांश चौधरी सही बोल रहा है बोल रहा सर ये वही वाला केस हो गया पाई सिंगल लोन पेयर वाह बेटा वाह वा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है ये चीज पाए सिंगल लोन पेयर वाह बेटा वाह पाए सिंगल लोन पेयर बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया बेटा गुड चलो अगले वाले में दो दो चार यहां लोनपे दो और यह खाली एरो पीपाई हो गए और इसमें दो इलेक्ट्रॉन यहां है दो ये दो चार और ये खाली है एरोमेटिक छह का इलेक्ट्रोनेन्स से यहां चार का है तो ये एंटी हो गया क्या आप लोगों को समझ में आया बेटा सब लोगों को समझ आया किसी को सबको बताओ ग्यारह से लेके पंद्रह तक का आंसर बताओ पता है पी पाई में फायदा क्या होता है पीपाई में आपको शुरुआती दौर में टफ लग सकता है बाद में बहुत मजा आता है कि अगर कुछ सीख सकते हो कोई नया सवाल भी आ गया ना तो उसको कर लोगे बाकी याद ही करते रहोगे बैठ के एन ए एन एन नान आ रहा है नान नान एंटी तो नहीं आ रहा कोई एंटी तो आ ही नहीं रहा है एंटी तो कोई भी नहीं आ रहा एंटी तो कोई नहीं आ रहा चलो देखते हैं ये वाला पॉइंट खाली है यहाँ कोई लूप नहीं बन रहा है नॉन अरे यार मास्टर थक गया एक बार बोलते हुए कि भाई लूप देख लो नहीं आ रहा नॉन हो गया लूप आ, लूप आ रहा है लूप आ रहा है लूप नहीं आ रहा है नॉन हो गया लूप यहाँ टूट गया है नॉन हो गया अब ये दोनों बच्चे यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन से दो 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 ये भी माइनस का मतलब एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन होता है दो और दो चार दो छह एरो दो खाली खाली दो है दो मतलब एरो चार का मल्टीपल एंटो है एंटी सॉरी एंटो एंटोरिया नॉन 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 एन डबल एन एन ये बताओ सोलह से लेके बीस तक बता दो अबे इतने मंजिल में इतने सवाल कर रहे हैं समझो बात को बताओ बार-बार स्पेक्स क्यों उतार रहे हो मेरे को आदत नहीं है स्पेक्स की ना तो ऐसा लगता अजीब लगता है कभी-कभी प्रॉब्लम जो इसको इससे प्रॉब्लम है स्पेक्स क्यों उतार रहे हैं हमारी मेहरालू तुम है स्पेक्स क्यों उतारते हो हैंडसम लगते हो या मजा नहीं आ रहा है खाना थाओ देता हैं ऐसे कैसे लोग है दुनिया में ए ए एन ए ए अभिषेक आया है ए एनटी एनटी एरो एरो अडेरन का है ए ए में बोली यारिखा दिखाने दिखा यशिता का ए ए ए ए, ए। आओ। दो, 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 एरो दो दो खाली ओ भाई साहब लूप भी बन रहा है एंटी भैया देखो ना दो दो चार और ये खाली है लूप भी बन रहा है, करंट भी आ रहा है चार का आ रहा है करंट आ रहा है, छ का एरो तगड़ा सवाल है, मैक्सिम बच्चा गलत करेगा ये ये। ये दो, दो दो चार दो छो ये सल्फर है लोन पेयर है दो दो, दो दो चार दो एरो अठारह नंबर मैक्सिमम बच्चों का गलत है अट्ठारह नंबर मैक्सिमम बच्चों का गलत है अट्ठारह नंबर मैक्सिमम बच्चों गलत है अट्ठारह नंबर का आंसर है नॉन आप भावनाओं में बहुत ज्यादा बह गए आप देख ही नहीं पाए इस कंपाउंड की खास बात एन पे जो प्लस है वो फॉर्मल है एन का जो वो चार्ज है वो फॉर्मल है क्यों एक दो तीन चार चार सिग्मा है औकात से ज्यादा बोर्ड बना रखी है औकात से ज्यादा बोर्ड बना रखी है औकाश से ज्यादा बोन बना रखी है इस वजह से वो फॉर्मल चार्ज है फ़ॉर्मल चार्ज है ये और ये काउंट नहीं होता इस पे कोई पी नहीं याद थोड़ी करना है अरे भाई ये फॉर्मल चार्ज है, ये ये है।, है। समझा मेरी बात को पी वाई नहीं है ये फॉर्मल मतलब क्या होता है कुछ नहीं है फॉर्मल मतलब कुछ नहीं है फॉर्मल मतलब कुछ नहीं है यहाँ कुछ नहीं है ये एस है कोई पी है ही नहीं इस वाले एटम पे कोई पी ही नहीं है बस चार ये शानदार रजन ये कर रहे होंगे बस इसलिए नॉन एरोमेटिक है ये समझ में आया क्या आप समझे ही नहीं रेजोनेंस की बातों बातों में तुम एरोमेटिसिटी सीख गए इससे ज्यादा क्या क्या उम्मीद रखते हो इससे ज्यादा क्या उम्मीद रखते हो ये बताओ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बताओ भाई सवाल मंजिल में कर रहे हो कर रेडोनेंट रेडोन के बहाना अभी तो रेडोन तक से बनाना सीखेंगे अभी तो आरएफ बाकी है इफेक्ट बाकी है भाई जल्दी डाल हाँ रोहन बाबू आप मैकेनिज्म वाला पार्ट लास्ट ईयर के मंजिल से पढ़ सकते हैं मैंने वहीं पढ़ाया है इस साल का मंजिल भी है सर लोगों का जिससे आपको पढ़ना पड़ सकता है मैंने तो लास्ट से पढ़ा दिया था उससे आप चाहो तो पढ़ लेना

आपका आंसर गलत है तीन रिंग है तीन तीन सिस्टम है जहां लूप बन सकते हैं पहला सिस्टम तो ये है पहला लूप तो ये है दूसरा लूप ये है तीसरा लूप ये है आपको लूप देखना है सबसे पहले लार्जेस्ट लूप देखेंगे आप मेरी इस बात को कभी समझ ही नहीं पा रहे आप लोग अभी भी मेरी इस बात को समझ नहीं पा रहे कि मास्टर बातों बातों में पूरी एरोमेटिक्स सिखा देगा आपको पता ही नहीं लगेगा कि मास्टर ने एरोमेटिक्स सिखा दिए तीस सवाल आया तीनों सॉल्व करा दिए आप प्लीज देखना आइए आइए ये एक दो तीन चार पांच छ सात आठ लोन पेयर लोंगेस्ट लूप में भी शानदार रेजोनेस हो रहा है कितने का हो रहा है दो दो चार दो छः, दो आठ और लोन पे दो दस दस मतलब क्या होगा बेटा दस मतलब क्या आएगा दस मतलब क्या आएगा ये आ छपरी बहुत क्या होगा दस मतलब क्या होगा एरो बहुत बढ़िया सो आंसर इज एरो गिनते हैं इसका आंसर क्या आएगा बाईस नंबर का बाईस नंबर का आंसर बताओ बाईस नंबर का आंसर बताओ जल्दी दी बोलो यार बाईस नंबर का आंसर बताओ नॉन नॉन एरो हाल देखो तुम्हारी आंसर है नॉन नहीं एरो ओ भाई ये कैसे हुआ अब आधे बच्चों का लॉजिक है बेंजीन एरो प्लस नॉन एरो ऐसा किसी किताब में दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा ऐसा कोई लॉजिक आपको ये देखना होगा मैंने आपको एक ही चीज सिखाई लूप क्या आपको लार्जेस्ट वाले पे लूप दिख रहा है क्या क्या यह तरीका मैंने अभी तक तो तो किसी को पढ़ाते हुए नहीं देखा अब आगे तो आप समझ ही रहे हो हाँ बताइए मुझे बताइए क्या आप लार्जेस्ट पे लूप देख पा रहे हैं क्या नहीं सर क्या आपको कोई लूप दिख रहा है क्या क्या आपको कोई लूप दिख रहा है क्या हां सर कहा बस खत्म आंसर वही है मुझे तो लूप के करंट से मतलब है सर लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही ये लोन पे भी तो रेजोनेस कर रहा है उससे मुझे क्या मतलब आई एग्री यहाँ एक ही वैल्यू सात होगी छः और एक ही सात सात पी होंगे इलेक्ट्रॉन्स आठ होंगे लेकिन एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी डिफाइंड ओनली फॉर लूप यहाँ एक लूप बन रहा है वो लूप है छः का एक लूप दिख रहा है मेरे को छः का और ये जिस दिन यहाँ उतर गया उस दिन तुम्हारा काम हो जाएगा कि भैया लूप देखना है कि भैया लूप देखिए आप लूप छह का बन रहा है शानदार आंसर एरोमेटिक याद क्यों करते हैं सोचो ना इससे मुझे क्या मतलब आई कैन से कि ये लोन पे डी है पर जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है क्योंकि ये अपने में मस्त है तेईस नंबर का आंसर बताइए तेईस नंबर का आंसर बताइए जल्दी बताइए तेईस नंबर का आंसर बताइए फास्ट समझ आया सबको समझ आया सबको

बेंजीन बेंजीन दिख गया एलो 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 एनो प्लस एंटी एंटी कजब कर रहे हो यार नहीं बेटा दो पार्ट में नहीं ले पाऊंगा जीओसी दो पार्ट का मतलब ही नहीं जब इतने समय में इतना हो गया तो फिर क्यों जबरदस्ती टाइम पास करेंगे अपन एंटी लूप देखो ना लूप क्या लार्जेस्ट वाले पे हो रहा है दो तो चार दो छ और दो आठ शानदार एंटी होगा लूप लार्ज पहले लार्जेस्ट देखेंगे पहले लार्जेस्ट ही देखेंगे लार्जेस्ट पे नहीं होता तो मैं लूप ढूंढता दूसरा वाला यहां बताइए चौबीस नंबर का आंसर क्या आएगा चौबीस नंबर का आंसर क्या आएगा एंटी एरो मैक्सिमम लोग एरो बोल रहे हैं एरो दो दो चार दो छह दो आठ और दो दस एरो, बहुत तकड़ा, बहुत तकड़ा। अरे बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा पच्चीस नंबर का आंसर बताओ अरे हर्ष क्यों स्पैम कर रहा B3 N3 S6 बना ले चुपचाप यार वो तेरा इन ऑर्गेनिक बेंजीन है ना तेरा यार क्यों परेशान करता है एक वैकेंट है और एक लोन पेयर है हो क्या काम गधा कहीं का वाह यार एरो वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इतने बच्चों का सही आंसर मजा आया सुन के इज द करेक्ट आंसर जेई एडवांस 2017 का सवाल था अच्छे से अच्छे बच्चों से नहीं हो पाया जो बच्चे फंडामेंटली क्लियर थे वही सही कर पाए इसको और कई लोगों ने तो इसके बाद ही पढ़ना चालू किया भाई मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना सर क्यों इसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि एरो प्लस नॉन एरो लॉजिक दुनिया की किसी किताब में नहीं है दुनिया की किसी अच्छी किताब में इस तरह की बात नहीं की गई है सिंपल सी बात है लूप देखो लूप लूप देखो लूप देखो तो लूप देखो इसमें लार्जेस्ट लूप आ रहा है कि नहीं सर यहाँ यहाँ छूट गया तो मतलब ही नहीं है कहीं लूप आ रहा है हाँ यहाँ आ रहा है सर योर आंसर समझ आया किसी को समझ में आया छब्बीस नंबर बताओ छब्बीस नंबर भाई मैंने बातों बातों में आपको एरोमेटिसिस खा दी अब केवल दो रूल बचे वो एक 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 और खत्म और जो बच्चा इतना कर गया उसका एक भी सवाल गलत नहीं होगा एडवांस और मेंस दोनों में चाहो तो हिम्मत हो तो कोई से पूछ के दिखा दे छब्बीस नंबर छब्बीस नंबर क्या है एंटी रॉन्ग आंसर एंटी इज द रॉन्ग आंसर और ये मैक्सिमम बच्चे शुरुआत में एंटी देते हैं यही तो सिखाना था तुमको तुम गधे इतने बड़े हो तुम्हें सीख ही नहीं पाए एंटी गलत जवाब करेक्ट आंसर पहले लार्जेस्ट लूप देखना था तो लार्जेस्ट में दो चार आठ दस बारह चौदह गए सर इसका क्या होगा इसका ये हो या ना हो मैं इस डबल को रखू या हटा दूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दिस इज ये मोर लोकलाइज है कहीं ना कहीं ये resonance का सबसे कम करेगा क्योंकि इसके जाने या इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता लार्जेस्ट लूप में चौदह है और चौदह मतलब होता है aromatic पगड़ा सवाल अगर मैं हाइड्रोजनेशन करूं इसका इसका डालू H2 डालूं डालू हाइड्रोजन डालू एक मोल वन इक्विवेलेंट या वन मोल एस डालू तो कौन रिएक्ट करेगा सर बीच वाला पाइप बॉन्ड कि बीच वाला हट जाएगा तब भी ये सिस्टम शानदार एरोमेटिक रहेगा जबरदस्त एरोमेटिक रहेगा कितने आरएस बनेंगे दो ये वाला और ये वाला खत्म एक बार साइड डबल एसिड बन जाएगी बीच वाली बॉन्ड जल्दी से रिएक्ट कर जाएगी समझ में आया समझ में आया हाँ चलिए सत्ताइस नंबर की बात करें ऐसे क्वेश्चन में मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन में मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूं कि इस वाले कार्बन पे क्या है यहां तो समझ में आ गया कि दो दो चार सर ऐसे क्यों नहीं कर रहे ये 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 ऐसे क्या 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 है ये क्या है भाई लूप किसी लूप होता है ये तो आधा बार आधा अंदर आधा बार ये सब क्या चल रहा है ऐसे नहीं ऐसे में फिर इस वाली बोल्ड को तोड़ा जाता है ऐसे केस में ध्यान से सुनो एंटी एंटी मत बोलो सुबह आता है नहीं साले गधे सीख लो पहले सीख लो पहले बस गिल लिया एक दो तीन चार आठ एन बस अरे भाई मेरे लूप कहाँ है तेरा या तो तेरा ये लूप है या तेरा ये लूप है ऐसे ये कौन सा लूप है तेरा यहाँ तो रिंग बनी हुई है या यहाँ कौन सी रिंग बनी है गधे कहीं के एकदम चिरन लगते हैं एकदम एकदम अरे सीख लो पहले ऐसे केस में अब मुझे ये और ये इसके बारे में जजमेंट करना पड़ता है मैं इसको तोड़ देता हूँ इसको अगर मैं तोड़ता हूं इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो दो पॉसिबिलिटी है प्लस माइनस या माइनस प्लस इन दो पॉसिबिलिटी में खेलना पड़ता है कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है अगर मैं एक पॉसिबिलिटी की बात करूं जहां पे इधर माइनस इधर प्लस तो अब आपको चेक करना होगा कि चेक करने पर स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? एक भी रिंग एंटी नहीं बननी चाहिए मैं आपको समझाऊंगा क्यों दो, दो चार और ये दो इस रिंग में छे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं इधर दो और ये खाली ये दो इसमें दो हैं ये भी एरो इसमें ये भी एरो इसीलिए माइनस प्लस वाला सही है प्लस माइनस वाला करोगे तो गलत क्यों होगा इधर ये भी एंटी ये भी एंटी गलत एक भी एंटी नहीं बननी चाहिए थी अगर सर कभी ऐसा हुआ कि बन रही है तो तोड़ेंगे ही नहीं पाइपोन अगर अगर आपका पाइबोन टूटने पर अगर आपका एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है तो तोड़ेंगे ही नहीं वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक ही रहेगा तो आपका ये कंपाउंड कहलाएगा एरोमेटिक मोहल्ले में से प्यार से लोग क्वासी एरोमेटिक भी बोलते हैं क्वा... हमें एरो ही बोलना है क्वासी फ्रॉम एपिग्लोटिस क्वासी फ्रॉम एपिग्लोटिस क्वासी एरोमेटिक क्वासी एरोमेटिक दूसरा वाला एरोमेटिक कैसे अरे मेरे बेवड़े दोस्त रोमेटिकोटल कंपाउंड इज एरोटिकुबर है फालतू बातें करता है ऐसे कोई लॉजिक दुनिया के किसी किताब में ना चलो ओ, ये भी क्वासी है बताओ लेकिन यहाँ फिक्स है यहाँ क्वासी नहीं ये तो फिक्स है क्यों क्या मुझे कोई बताएगा कि ये फिक्स कैसे मतलब मैं नहीं समझाता फिक्स कैसे हुआ ये बोन टूटने पर फिक्स है कि क्या क्या आना है आपके हाथ में नहीं है यहां आपके हाथ में है क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड है यहां लफड़ा क्या है बताओ यहां फिक्स क्या है यहां फिक्स क्या है कोई मुझे कमेंट में बताएगा फिक्स क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओ पे क्या आएगा माइनस कार्बन पे क्या आएगा प्लस कार्बन पे क्या आएगा प्लस तो ये रिंग क्या बन गई दो और एक खाली ये रिंग बन गई आपकी एरोमेटिक क्या बन गई एरोमेटिक क्या बन गई एरोमेटिक क्या बन गई एरोमेटिक क्या बन गई एरोमेटिक दो और ये खाली रिंग क्या बन गई एरोमेटिक ये आपका बन गया एरोमेटिक ये नेगेटिव यहां तोड़ो ओ पे माइनस सी पे प्लस ओ पे माइनस सी पे प्लस ओ पे माइनस सी पे प्लस तो ये दो तो चार और ये खाली ये बन गया एंटी एरोमेटिक सर समझ में नहीं आया क्या समझ में नहीं आया इसमें कुछ है ही नहीं लायक कुछ है ही नहीं या, सर यहां उल्टा क्यों नहीं कर रहे ऐसा वाला ये पॉसिबल ही नहीं है ऑक्सीजन पे प्लस पॉसिबल ही नहीं है भाई तो भी एक मिनट बनने के बाद औकात से परे ओ भाई समझ आया सबको तीस नंबर के बारे में क्या ख्याल है माइनस प्लस माइनस अब गिन लो इसको तो दो खाली खाली ऐसे सॉल्व करते हैं क्या आप लोगों को समझ में आया क्या आप लोग सार्थक बोल रहा है एंटी क्या सार्थक यार एन बोल रहा है यार शर्म आने चाहिए मजा नहीं आता है तुम लोग ऐसे करते हो ना फिर फील खत्म हो जाती है लास्ट तीन सवाल लास्ट तीन सवाल ये तो थोड़ा सा अलग है एक्सेप्शन टाइप का है पर ठीक है जेई मेंस में आता है, तो नहीं है, मेंस है और मेंस, और पागल पागल हो क्या सर उन्तीस में तोड़ा है, अच्छा हाँ ये एक अच्छा डाउट आया सर उन्तीस में आपने तोड़ा ही क्यों बेटा 29 में तोड़ आप नहीं रहे हो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये टूटना ही पड़ेगा हाँ ये बोल सकते हो कि इसके कॉन्ट्रीब्यूशन इसका कम हो जाएगा टूटने वाले का ये बोल सकते हो पर हाइब्रिड तो एंटी एरोन बाबू बोलो थर्टी वन एरोमेटिक कदे हो बेटा दो दो तो चार दो छो लोन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक आठ है ना लेकिन ये ए, ए, एंटी नहीं क्या बन जाता है नॉन क्या बन फिर मैं आपको रेजोनेंस सिखाऊंगा स्ट्रक्चर वो उसके बाद हम ब्रेक लेंगे फिर हम पढ़ेंगे ग्यारह बजे ग्यारह ही तो बेटा जाएगा जीओसी बेटा बहुत लंबा जाता है बहुत लंबा जाता है फिर भी अपन ने बहुत फास्ट किया आओ, थर्टी वन वाले में रूल क्या बोलता है अगर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपका काम हो जाएगा रूल यह बोलता है अगर रिंग सिंगल रिंग बोल रहा है सर हम सिंगल है रिंग भी सिंगल होती है अरे ऐसी बातें नहीं करते बेटा इफ सिंगल रिंग मोर देन इक्वल टू सेवन सात या सात से ज्यादा बड़ी रिंग सात या सात से ज्यादा की रिंग अगर एंटी बन रही हो तो सर मान लो एरोमेटिक बन रही है तो एरोमेटिक रहेगी एरोमेटिक बन रही है अरे यार रोने लग गए उन्तीस पे अगर एंटी एरोमेटिक बन रही हो तो वो एंटी ना हो के अपने आप को नॉन एरोमेटिक बना लेती है बाय लूजिंग प्लेनारिटी सर ये क्या होता है सर ये क्या होता है समझाता हूं चलो अब तुमने पूछा है तो मैं बताऊंगा जरूर देख रहा हूँ शायद मैं लाया था वो फोटो अरे वाह मिल गया ये देखो आओ तुम्हें मजा आएगा देखकर किताब का ही सीन है ये रहा एंटी एरोमेटिक प्लेनर अगर सारे पी एक साथ हुए तो ये प्लेनर हो जाएगा तो होता क्या है ये ऑक्सीजन अपने आप को प्लेन से ऊपर उठा लेता है ये ऑक्सीजन अपने आप को प्लेन से ऊपर उठा लेता है क्यों सर रूल है भाई रूल है ये देख ले ये देख अरे बेवड़े विकास कुमार ये रूल है बेटा ट्रिक नहीं है और ट्रिक वाला मास्टर नहीं है तेरे सामने हाँ ये दो दो चार ये तो ठीक है ये अपने आप को प्लेन से बाहर कर लेता है नॉन प्लेनर हो जाता है इसीलिए ये सिस्टम को क्या ऐसा क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्या आप लोगों को ये जानना है ऐसा क्यों हो रहा है क्या आप लोगों को जानना है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ध्यान से सुनना बेटा नहीं नहीं कोई एंटी फेंटी नहीं है बहुत ध्यान से सुनना उसका रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं आओ एक को, आपको अभी समझाता हूं, एक सेकंड लगेगा मुझे केवल यहाँ पे यहाँ देखो इसका रीजन ये है कि भैया आप एक चीज बहुत ध्यान से सुनना आपसे आज के बाद अगर कोई पूछे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं मैंने मैक्सिमम बच्चों से ये पूछा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं फोर एन प्लस टू फोर प्लस टू जब मैं एक कंपनी में था टॉपर और टॉपर आपने नाम सुना होगा टॉपर कंपनी में था वहाँ हम लोग एज अ कंसल्टेंट हेड थे उसमें इंटरव्यूज लिया करते थे ए सर हम लोग सब हम हमने पूछा मेरे पास जब भी इंटरव्यू के लिए आता था, था तो मैंने कहा कि भैया एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं फोर प्लस टू अरे मैंने कहा फोर मैं प्लस टू तो हकल का रूल है फोर प्लस टू तो हकल का एक रूल है फोर प्लस टू तो हकल का एक रूल है मैं आपसे पूछ रहा हूं एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डाया मैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं अच्छा मतलब सर ऐसे कंपाउंड जो जिनको जिनको अगर फील्ड फील्ड में में रखा जाए, में रखा जाए जाए एक्सटर्नल तो वो डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं वो डायमैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं मतलब जिनका करंट जो आएगा छूने पे वो डाय होगा Paired होंगे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे और वही अगर एंटी एरोमेटिक की बात करें तो उसके अंदर पैरा करंट आता है पैरा मैग्नेटिक रिंग करंट आता है यही रीजन है आप बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आना चाहिए पैरा मैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ अनपेड इलेक्ट्रॉन है भयानक हाँ तो बताइए एरो एंटी और नॉन बताइए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबसे स्टेबल क्या आना चाहिए और फिर उसके बाद कम उसके बाद और कम सबसे स्टेबल कौन आना चाहिए एरो एरो बहुत बढ़िया सबको याद है तो सब याद कर लेते हैं एरो फिर क्या आएगा एंटी नहीं आएगा नॉन आएगा क्यों आ रहा है नॉन क्या अब आप लोगों को लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं ये बस ऐसा होता है क्यों होता है भाई कोई लॉजिक तो होगा ये डायमैग्नेटिक करंट है पैरा मैग्नेटिक है इसमें कम से कम करंट नहीं है पर कम से कम अनपेड तो नहीं आ रहे ये आपको अनपेड नहीं आ रहे ना आए इसीलिए ये अच्छा है इससे इसीलिए अगर किसी कंपाउंड को मौका मिलता है कि वो एंटी से नॉन में जाए तो मजा आ जाएगा एंटी से एरो में जाए तो भी मजा आ जाएगा लेकिन एंटी से नॉन में जाना आसान है एंटी क्यों है लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होते हैं नॉन क्यों होगा क्योंकि लूप से इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे इसीलिए इफ कंपाउंड बिकम्स नॉन प्लेनर बाय लूजिंग द प्लेनरिटी वो अपने आप को पीछे ऊपर नीचे कर लेता है तो वो बन जाता है नॉन एरोमेटिक वो ज्यादा स्टेबल है एंटी से क्या आपको इतना डेप्थ में क्या आप लोगों को इतना डेप्थ में कोई चीज समझ में आई क्या आप लोगों को ये डेप्थ में चीजें समझ में आई अरे यार समीर वमीर स्पैम मत करो हां कर लिया तूने अच्छी कोई दिक्कत नहीं होगी यार यस yes, सर यस yes, सर इसीलिए दैट्स वाई ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है और ये देखिए आप ये देखिए आठ की रिंग देखो आप आठ की रिंग बहुत फेमस रिंग बेटा आठ की रिंग ये देखो दो ये क्या होता है देखो अगर एंटी सारे पी एक साथ हैं देखो आप देखो ये बुकिश है देखो बेटा किताब भी देखो किताब में भी देखो पी से समझा रखा है पूरा प्रॉपर पी समझा रखा है किताब भी प्रॉपर पी समझाती है कि अगर प्लेनर है तो ये एंटीरोमेटिक होगा लेकिन अपने आप को ये दो देखो ये ये फेस और ये फेस, ये अपने आप को प्लेन से ऊपर उठा लेते हैं ये तो प्लेन में रह गए और ये प्लेन से ऊपर उठ गए तो इनके साथ में इनके पी ऑर्बिटल भी पैरेलल नहीं रहेंगे इसीलिए इसीलिए ये नॉन ऑल पी ऑर्बिटल्स देखो बुक बुक भी पी की बात करता है ऑल पी ऑर्बिटल्स कैन नॉट ओवरलैप क्योंकि सब ऊपर उठ गए तो अब एक दो तो ऐसे हैं अगले दो ऐसे हैं फिर दो ऐसे हैं फिर अगले दो ऐसे हैं तो ओवरलैप कभी कर ही नहीं पाएंगे टब शेप, शेप, तो आता आता शेप शेप इसको बोलते हैं एन्युलटा है एन्युलट ये एट क्या है आपके इलेक्ट्रॉन से कार्बन बोल सकते हो आठ कार्बन की रिंग है सिंगल रिंग और उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं ये डायरेक्ट बोल सकते हो एट एन मतलब फोर का मल्टीपल है इट शुड बी एंटी एंटी नहीं हो पाएगा क्योंकि आठ की कार्बन है सात या सात से ज्यादा की रिंग अगर एंटी बन रही है सिंगल रिंग फ्यूज नहीं सिंगल रिंग तो नॉन बन जाती है क्या बन जाती है नॉन ये कॉट है बिल्कुल सही 14 कार्बन की रिंग है

एरा होना चाहिए फोर प्लस टू लेकिन होता क्या है ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो यहाँ के प्रेजेंट है कहाँ के सर कि देखो ये वाला एच और ये वाला एच ये एच और ये एच इतना भयानक रिपल करते हैं ये एच और ये एच इतने ये ऐसे ना ये तो प्लेन में इतने भयानक रिपल करते हैं एक ऊपर एक नीचे अपने आप को ऊपर नीचे कर लेते हैं ये देखो ऊपर नीचे कर लेते हैं एक देखो ये ऊपर चला तो गया

क्या आप लोगों को मेरी बात में आई क्या आप लोगों को मेरी बात में आई सर ट्वेंटी अनस्टेबल है अनस्टेबल है, तो है? है? बिल्कुल एंटी कंपाउंड्स कंपाउंड इतने अनस्टेबल होते हैं कि रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते दे डायमराइज वो दो मोलिकुल जुड़ के अपने आप को नोरो बना लेते हैं दैट इज द एंडिंग ऑफ एरोमेटिसिटी ओ भाई साहब बातों तो बातों तो में आपने पूरी सीख सीख ली, उनकी सीख ली, उनकी स्टेबिलिटी जस्टिस फॉर मेटा, तो पैरा तो क्या हम लोग वापस से रेजोनेंस पे मूव करें क्या आप ये बोल सकते हो कि मैं रटेगा नहीं साला क्या आप ये हक से बोल सकते हो अब कि मैं मैं रटेगा नहीं साला ये तो आसान है बेटा बोरोन के पास वैकेंट पी है तो कुछ नहीं है तीन तीन दो इलेक्ट्रॉन दो ही है यहाँ पे एक यहाँ दो लोन पेयर पी में तो कितने हो गए तीन तीन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए चार दो, दो चार यहां पे भी वही सेम तीन तीन, तीन चार माइनस मतलब दो इलेक्ट्रॉन ये तब अपना अब तो अब पढ़ चुके हैं सब रहा ब्रेक ब्रेक आप मांग रहे हैं पर मैं दिल से माफी चाहूंगा ब्रेक मैं आपको दे दूंगा आठ सत्रह हो रहे हैं दस मिनट बाद तो. एट थर्टी पे ब्रेक लेंगे अपन एट थर्टी पर ब्रेक, ब्रेक लेंगे बस ठीक है चलो आइए चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं अब अपन बात करते हैं आर एस बनाना कैसे है ध्यान से सुनिए आर एस बनाना कैसे है ध्यान से सुनिए आरएस एस बनाना कैसे है क्या आप लोग तैयार हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए तैयार है क्या आप सभी लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए तैयार हैं सॉरी ध्यान से देखिए कुछ भी नहीं करना आपको इसमें कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है इसमें ये देखिए डबल सिंगल डबल ठीक है बेटा डबल सिंगल डबल तुम्हारे लिए अल्टरनेट ठीक है बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इस वैकेंट ऑर्बिटल में तो कैसे करते हैं सर इसको एरो दिखाते हैं ऐसे और जैसे ही आपने एरो घुमाया या तो इसका जुगाड़ समझ लो कि डेल माइनस डेल तो प्लस आएगा कि यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा ऐसे जुगाड़ से अच्छा है आप इसको तो डायरेक्ट सीखो ऐसे कि भैया एरो ऐसे घुमा है मतलब डबल यहां चली गई डबल जैसे ही वहां गई इसके इस वाली पोजीशन पे खालीपन इसका मतलब इस इसको ट्रांसफर हो गए ये वाला कार्बन खालीपन महसूस कर रहा है तो यहां आ गया प्लस चार्ज लो डायरेक्ट बन गया सर मुझे तो आप वैसे सिखाओ जुगाड़ से तो ये लो जुगाड़ से कि भैया ये बॉन्ड तोड़ोगे यहां आएगा डेल माइनस आएगा डेल प्लस सर उल्टा क्यों नहीं किया यहाँ प्लस चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ऐसे तो ऐसे कर लो तो भी यही आंसर आएगा ऐसे कर लो तो भी यही आंसर आएगा सुनना है किसी को ये वाले में क्या होगा इस वाले में क्या होगा बेटा कोई मुझे बताएगा इस वाले में क्या होगा कोई मुझे बताएगा इस वाले में क्या होगा बेटा सर <took> इस मत करो जल्दी आंसर दो रही। तुम्हारी हाँ, माइनस चार्ज जाएगा बिल्कुल ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे घूमेगी तो अगर यहाँ घूमेगी तो यहाँ क्या आएगा डेल प्लस इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको देने ये बना आपका और आपका क्या बन गया बेटा ये इधर गया तो डबल इधर यहां आ गया माइनस चार्ज दैट्स इट हाइब्रिड आप बना सकते हो इन दोनों को ऊपर रख के बना लो हाइब्रिड हाइब्रिड में क्या होगा ऐसे होगा ना बेटा डबल इधर भी है इधर भी है प्लस यहां पे भी है प्लस यहां पे भी है, है खत्म क्या यहां पे कैसे करेंगे यहां पे क्या मैं अच्छा इन दोनों क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी डायरेक्टली कि अटैच एटम के पास लोन पेयर या माइनस चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रॉन देगा क्या आपको ये बात देखते ही समझ में आ रही है कि सर यहां पे भी लोन पेयर है यहां माइनस चार्ज था इलेक्ट्रॉन दोनों ये भी दे रहा है ये भी इलेक्ट्रॉन देगा ऐसे यस 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 सर, या सर, या सर। इसीलिए एक एक बात बोलूं मैं आपको आज तगड़ी चीज बताता मैं आपको एक सेकंड में समझ जाओगे कि भैया प्लस आर या रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन देने वाले प्लस एम बोल लो ये वो लोग कौन होंगे जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा या लोन होगा किसके पास डायरेक्टली अटैच एटम के पास किसके पास डायरेक्टली अटैच एटम के पास भैया ये ध्यान रखना खत्म पूरा प्लस और एक एक सवाल फोड़ सकते हो मैं आपको भी इतने ग्रुप दूंगा बोलोगे सर ये क्या है ये तो बहुत फर्जी बड़ा हो गया लोन पेयर लोन पे देना बस लोन पेयर अटैच एटम के पास लोन पेयर या चार्ज देखना है लोन पेयर यहाँ लोन पेयर है इसने दिया ये बना आपका क्या बना बेटा देखो इसने, इसने लोन दिया इसके इलेक्ट्रॉन से दिए यहाँ प्लस आना चाहिए उसी को तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं भी रहा। बनाओ ना बॉन्ड घूम रही है ना बॉन्ड घूम रही है ऐसे मतलब यहाँ डबल आ गया और ये बॉन्ड ऐसे घूमी तो इलेक्ट्रॉन लेके ये गया यहाँ आया माइनस चार्ज अब लेकिन एक एक एक्स्ट्रा एक चीज क्या है एक एक्स्ट्रा चीज क्या है एक एक्स्ट्रा चीज क्या है कि सर एन की चार बोन्ड हो गई एक दो तीन चार तो यहाँ एक फॉर्मल चार्ज दिखाना पड़ेगा प्लस सर यहाँ तो नहीं आया यहाँ ऑलरेडी चार्ज था यहाँ लोन पेयर दिया है इसलिए एक फॉर्मल चार्ज आया है एक फॉर्मल चार्ज आया है इसीलिए आपको मेरी बात समझ में आई क्या कार्तिक बोल रहा है सर मेजोमरिक इफेक्ट ओनली फॉर रिंग में लगता है क्या चुपे फालतू तो बातें करवा लो इससे हाँ ये आप इनको हमेशा डबल हेडेड एरोसो दिखाते हैं ऐसे ये सब आपकी ये ये असली है इस असली को एक्सप्लेन करने के लिए ये ये सारा लिया गया समझ आया किसी को ये तगड़ा कॉन्सेप्ट है अच्छा इससे बताओ इसको सोच के बताओ ओ एच प्लस आप कैसे चेक करोगे आप कैसे चेक करोगे आप देखो डायरेक्टली अटैच एटम को आप देखो डायरेक्टली अटैच एटम को प्लस आर है कि नहीं है नहीं, यस, नहीं। यस, 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 बहुत बढ़िया कैसे सर कैसे चेक किया डायरेक्टली एटम कौन सर यहां कुछ लगा हो तो इससे कोई मत यहां कुछ भी लगा हो उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा मतलब केवल ओ प्लस आर तो एल्कोहल कैसा है एल्कोहल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा है बोला था हमको तो वैसे ही पता है ये बताओ ये बताओ सीएस प्लस आर है कि नहीं है देखो नो no बोलने देखो ये देखो ये तुम्हारी यही वाली गधापंती नहीं चाहिए थी मेरे को है कैसे सर अरे भाई ये बॉन्ड है अटेश एटम कौन है तुम्हें इससे क्या मतलब है मेरे भाई तुम्हें इससे क्या मतलब है तुम इसकी तरफ क्यों जाते हो यार तुम इसकी तरफ क्यों जाते हो तुम्हें इससे क्या मतलब काट दो इसको आप तो ये देखो अटेश एटम कौन है ओ ओ के पास लोन पे रहे है, हां है खत्म प्लस आ रहे इतना सा लॉजिक है इतना सा तो लॉजिक है खत्म बात सर हाँ देखो अब अपना बोल रही है ना तो भाड़ में जाए इसके इधर रेजोनेस करने की वजह से ये बोलो कि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो गई पर बंद थोड़ी कर दिए बंद थोड़ी हो गया ये बताओ मुझे ये बताओ यस और नो प्लस आर है कि नहीं देखो बात तो, बात तो मैं प्लस आर भी सिखा दिया फिर अभी एक पार्ट लूंगा माइनस साथ भी सिखा दूंगा सिर्फनेस चलता रहेगा ऐसे होता बेटा है बिल्कुल माइनस चार्ज शानदार इलेक्ट्रॉन देगा ये बताओ प्लस आर है कि नहीं नो no, बहुत बढ़िया क्योंकि इससे मुझे क्या मतलब अटैच्ड एटम तो ये कार्बन है इस कार्बन पे लोन पेर भी नहीं है माइनस चार्ज भी नहीं है सारा माइनस और तो, वहां तो उससे क्या करूं मैं मेरा तो काम का ये है इससे कोई मतलब भी नहीं है पी एस थ्री यस और नो नो no, बहुत बढ़िया क्योंकि इस कार्बन के पास ना तो लोन पेयर है ना माइनस चार्ज है कोई है ही नहीं इसीलिए तो याद थोड़ी करना है मिथाइल रेजोनेंस करता ही नहीं है मिथाइल रेजोनेंस करता ही नहीं है हाइपर करेगा बस तीन अल्फाइच मैं कह रहा है सबको क्या आप लोगों को एक एक चीज समझ में आई समझ आया बेटा अच्छा फ्लोरीन, फ्लोरीन 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 बताओ फ्लोरीन ये आर एस हुआ आर एस के भी और एग्जाम्पल लूंगा अभी तो यस बिल्कुल यस अब पता है कई सारे बच्चे नो पता है क्यों लिख रहे हैं इलेक्ट्रोनिवटम है अरे रैपर मारूंगा मारो को इलेक्ट्रोन एटम से क्या मतलब लोन पेयर है हाँ है तीन तीन लोन पेयर है मतलब कितने थे एक से लेकिन एक है ना हाँ ये बोलो कि सर ऑक्सीजन के कंपेयर में ये कम इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है पर देगा तो है ये लोन पेयर है ना खत्म बात क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हंड्रेड परसेंट समझ में आई समझ में चलिए आइए ये वाला कीजिए ये वाला कीजिए ये लिया बताइए कैसे होगा बेटा बताओ 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 जल्दी बताओ वेरी गुड सर ये डबल ऊपर जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो जब यहां डबल ऊपर जाएगा तो फिर डबल बॉन्ड ऊपर जाएगी मतलब मेरी बात समझना एक बार समझा रहा हूं एक मिनट में देखा जब ये ऊपर गया तो डबल बोन्ड भी ऊपर गया प्लस चार्ज यहां आ गया एक छोड़ के अल्टरनेट पे आ गया यही होता ही है ये लिया अब आप खुद देखिए अब ये वापस से रेजोनेंस करेगा ऐसे तो डबल यहां प्लस यहां डबल यहां फिर ये डबल करेगा तो डबल यहां डबल यहां प्लस यहां ये यह डबल तो फिक्स है आपका अब फिर ये इधर तो डबल 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 ये प्लस सर ये सेम नहीं हो गए सेम नहीं है इक्विवेलेंट है सेम नहीं है इक्विवेलेंट एक जैसे हैं बॉन्ड घूम गए अंदर की बेंजीन वाली देखो आप बताइए चार्ज कौन-कौन सी पोजीशन पे आया चार्ज कौन-कौन सी पोजीशन पे आया चार्ज कौन-कौन सी पोजीशन पे आया चार्ज कौन-कौन सी पोजीशन पर आया ओ यस ऑर्थो पैरा ऑर्थो ओ है ना बहुत मजा आता तुमको ओपी करने में पांच आरएस बने सर इसका डायरेक्ट जुगाड़ बताओ ना तो डायरेक्ट जुगाड़ जिसको सुनना है वो एक बार में सुन ले बार बार नहीं बताऊंगा यहाँ देखो ध्यान से सुनना आप ये देखो कि ये प्लस चार्ज कहाँ कहाँ जाएगा ये यह यहाँ रहेगा तो यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा जब यहाँ पे रहेगा तब ये रिंग बेंजीन है तब बेंजीन के कितने आर पॉसिबल हैं दो केकुले वाले है ना रहा केकुले वाले है वाले ना तो जब यहां प्लस है तो यहाँ बेंजीन है तो दो अरेंजमेंट पॉसिबल है ये दोनों देख लो दो जब यहां आई प्लस चार्ज यहां जब प्लस चार्ज आया तो बेंजीन टूट गई ईशा हो या दिल हो टूट गया तो यहां पे एक ही आएगा जो आया बस वही यहां पे भी एक ही आएगा यहां पे भी एक आएगा तो तो, तो एक दो तीन और दो पांच आर बन गए और ये रहे इसके रियल प्रूफ जब यहां आया तो अकेला ये है यहां आया तो ये यहां आया तो ये तो ऊपर था तो दो पांच. क्या आप को समझ में आया जस्टिस फॉर मेटा जस्टिस फॉर मेटा इस वाले में भी सेम होगा ये इधर ये इधर डबल यहां माइनस यहां अब आप देखो एक चीज देखो यार एक चीज बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो भी कहां हुई ओपी पे बढ़ रही है तो भी कहां बढ़ रही है ओपी पे मतलब कुल मिला के मेटा की कोई इज्जत मार्केट में नहीं है मेटा की मार्केट में कोई इज्जत नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो भी ओपी पे कम हुई तो भी ओपी पे सब ओपी ही ओपी ओपी ओपी, ओपी अरे मेरे भाई हे <्क्क्क puisqu> राम हे ईश्वर और तो तो पेरा पेरा और समझ में आ रहा है क्या जस्टिस फॉर मेटा जस्टिस फॉर मेटा है ना जस्टिस फॉर मेटा ओपी ये और तो ये आपका आ गया और इसका भी डायरेक्ट पांच आर एस है क्या आप लोगों को ये आर एस निकालना समझ में आया क्या आप लोगों को आर एस निकालना समझ में आया क्या आप लोगों को आर एस निकालना समझ में आया है क्या आप लोग सुन रहे यस यस ब्रेक हाँ बस एक एक मिनट और एक मिनट और फिर अब आर एस की स्टेबिलिटी रह जाएगी मेरी पर ठीक है आके पढ़ा दूंगा पर एक बार एक बार ये देख लो बस ताकि ये हो जाएगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा ये देखो आपको मैंने प्लस आर बता दिया माइनस आर माइनस आर मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले तुम बताओ माइनस आर या माइनस एम के लिए क्या चाहिए होगा तुम बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट लास्ट ये चीज एक मिनट और बस खत्म एक एक दो मिनट और है खत्म बस उसके बाद आर की स्टेबिलिटी बची और फिर तो एप्लीकेशन है बहुत जल्दी जल्दी निपटेगी एप्लीकेशन एप्लीकेशन बहुत जल्दी निपटती है बताओ रे बताओ बताओ वैकेंट ऑर्बिटल अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो मुझे पता है बोल रहे हैं सर माइनस आर के लिए क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अरे गो इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाह वाह मेरे असली बेवड़ो ये बताओ इलेक्ट्रॉन ग्रुप माइनस आर के लिए विड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए सामने वाले के पास? डायरेक्टली नहीं, नहीं हो सकता है या तो प्लस चार्ज हो या पी वैकेंट हो या डी वैकेंट हो वैकेंट डी भी चलेगा कई बार वैकेंट डी आपको दिखाते नहीं है पता होना चाहिए तो? और एक ए डबल बॉन्ड बी एक ऐसी बॉन्ड हो जिसको आप तोड़ सकते हो ऐसे बी पे माइनस ए पे प्लस पहले प्लस था नहीं आप ला सकते हो ऐसी बॉन्ड जहां आप प्लस चार्ज ला सकते हो आप ऐसी पोजीशन जहां प्लस चार्ज ला सकते हो उसको बोलते हैं ये भी सर कैसे समझ में कोई एग्जांपल दो एग्जांपल देता हूं सी एच ओ कीटोन अल्डीहाइट कीटोन एनओटू ये सब NO2 टू हैज ए स्ट्रोंगेस्ट माइनस आर इफेक्ट एनओ का स्ट्रॉन्गेस्ट होता है NO2 का इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सर हमने इसमें एक सीरीज लिखवाई है मैंने आज तक प्लस आर माइनस आर में सीरीज नहीं लिखी तो क्योंकि कोई काम की नहीं है और प्रूफ भी नहीं है उसका ये देखिए ये थोड़ा ये बोन टूटी ओ पे क्या आया माइनस सी पे क्या आया प्लस आ सकता है ना इसका मतलब अब अटैच एटम कौन है कार्बन इस कार्बन पे क्या आ गया है प्लस चार्ज तो ये विड्रो हो गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उर्फ माइनस आर माइनस एम समझ में आया समझ में आया सबको ये बताओ जल्दी से मेरे को आंसर कर दो एक से लेके सात तक आंसर करो प्लस आपको पता क्या आंसर करना चलो पहले एक से चार लिखो एक से चार लिखो अब आ, आप आपका आंसर मान लो प्लस है तो प्लस लिखो माइनस है तो माइनस तो तो आपको पता क्या करना मतलब आपका आंसर प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस है तो ये करो जो भी आपका आंसर है वो लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो बस ये 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 14 क्वेश्चन पैक फिर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे आर एस थोड़े से और बताऊंगा नेप्थलीन वाले और आर एस की स्टेबिलिटी एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द एप्लीकेशंस जियोसी बहुत लंबा जाता है यार प्लस 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 प्लस, प्लस ओके 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 देखते हैं चलो आओ अटेश एटम के पास क्या है लोन पेयर प्लस आर अटैच एटम के पास क्या है लोन पेयर प्लस आर अटैच एटम के पास क्या है माइनस चार्ज प्लस आर अटैच एटम के पास कार्बन के ना लोन पेयर ना माइनस चार्ज ना कुछ कुछ नहीं है नहीं नहीं न कभी नहीं कुछ नहीं भाई कुछ नहीं भाई कुछ ना है भाई कुछ ना है भाई इधर कुछ ना है क्योंकि एटम के पास कुछ नहीं है इस अटैच्ड एटम के पास कुछ नहीं है चलिए आगे चलते हैं एनआर लोन पेयर प्लस एफ लोन पेयर प्लस एन के पास लोन पेयर प्लस सर आप इसको नहीं देख रहे हो भाड़ में जाए मुझे इससे क्या मतलब है इसका बताओ आठ का बताओ आठ नंबर बताओ आठ का कमेंट में बताओ आठ नंबर का कमेंट में बताओ आठ नंबर का कमेंट में लिख के बताओ आठ नंबर का कमेंट में लिख के बताओ, बताओ. लिखे लिखे लोन पेयर है यस ये प्लस आर भी है और ये माइनस आर भी है इसके पास वैकेंट डी है और क्लोरीन के पास वो नहीं है जो क्लोरीन के पास है दैट इज वैकेंट ऑर्बिटल ये प्लस आर भी है और माइनस आर भी है इनको मैंने प्यार से नाम देता हूं मैं रॉबिन हुड इनको मैं प्यार से नाम देता हूं रॉबिन हुड अब इसको कोई मार के कुछ और नाम देते तो अलग बात है मैंने इनको प्यार से नाम दिया था रॉबिन ये सामने वाले को देख के अपना रंग बदलते हैं अपने आप को देख सामने देखते सामने सामने अमीरों से लूटते हैं और गरीबों को देते हैं ये अमीरों से लूटते हैं और गरीबों को देते हैं ये देखते हैं सामने वाले को जरूरत है तो मैं दे दूंगा ज्यादा है ले लूंगा और जितने भी रॉबिन हु है जितने भी रॉबिन हु है ऑल रॉबिन हु ऑल रॉबिन हुट माइनस आई नेट शोज माइनस आई विथ बेन्जीन बेनजीन न्यूट्रल सिस्टम के सामने क्या करते हैं ये माइनस आई सारा ना प्लस आर करते हैं ना माइनस आर करते हैं नहीं मतलब वो भी कर रहे होते हैं पर नेट ये करते हैं माइनस आई सी एच ओ सीएचओ सी एच ओ सी एच ओ सी एच ओ सर अगर ए डबल बोन ए हुआ तब भी चलेगा बेटा ए डबल बोन ए हुआ कुछ भी हो बोन टूट के प्लस वन आना चाहिए बस बस माइनस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया डबल बोन ओ है टूट के माइनस प्लस माइनस ब्रोमीन प्लस और माइनस दोनों है क्योंकि लोन पेयर भी है वेकेंट डी भी है ओ तो माइनस पर माइनस चार्ज है प्लस प्लस आर प्लस आर सी एस थ्री कुछ नहीं नौ ही नौ ही

हमारी क्लास में ट्रिक्स अलाउड नहीं है आप बिंदास तरीके से काम करें सीखिए सी ये बच्चों ने भेजा था मुझे सी ई ओफ वाले ने चलिए चलिए मिलते हैं हम बहुत जल्द कितने मिनट का ब्रेक दूँ कितने मिनट का ब्रेक दूँ आठ अड़तीस हो रहे हैं हम मिलेंगे नौ बजे डॉट नाइन जीरो जीरो We will meet at 900. और अगला अगला सेगमेंट 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 इज़ द मोस्ट फॉर ऑल ऑफ यू सबसे सेक्शन होगा आप सभी के लिए इसमें उल्टा और मोहल्ले वालों को बोल देना क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा एसिड बेस और एप्लीकेशन जहाँ पे मैक्सिमम सवाल जी एडवांस में आते हैं तो आप सभी लोग पधारियेगा बबाई टेक केयर शुभरात्रिंग टू राम अठारह हजार गिर गए अठारह चलिए बबाई टेक केयर शुरू करें शुरू करें ये देखो आ गया सीओ टू में रेजोनेंस करना बेटा सीओ टू में बेटा रेजोनेंस करना बेटा डबल 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 से डबल डबल लोन पेयर डबल डबल लोन पेयर कर ले बेटा देख इसको कैसे करते हैं देख देखो तो स्पिल दे रहा पाउन फिल तेरे को CO2 में रेजोनेंस सीखने का है तेरे को CO2 में रेजोनेंस सीखने का है बे ले ये x एक्सिस पे मान लिया है सिग्मा ऐसा सिग्मा सिग्मा हमने माना है x पे तो अब y पाई के लिए कौन सा बचा पाई अकेले कौन सा बचा py बचा है और pz बचा है मान लेते हैं ये वाले कार्बन का py यूज हुआ है इसके साथ ये लो ठीक पी है पी ये लोग पी पीजेड पी कहां है रेजोनेंस रेजोनेंस सर क्लास कितनी बजे तक होगी जब तक पूरा ना पढ़ा दू बेटा हम उन लोगों में नहीं जानी चलो अब ये अब इस ओ के पास दो लोन पे रहे हैं ठीक है एक अगर p में आएगा तो ये लो p में भाई मोटा हो गया थोड़ा थो साइज ये लोन पेयर ये हो गया आपका pz तो क्योंकि इसका py ऑलरेडी यूज हो चुका था तो इसका z में ही आना था इसीलिए ये शानदार रेजोनेंस कर रहे होते हैं ऐसे बन्नाट और और इसका लोन पेयर p में आएगा z तो ऑलरेडी यूज हो चुका है तो y में आएगा ये बन्नाट रेजोनेंस करेंगे ऐसे टिंच 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 समझ आ रहा है किसी को बोला सर कैसे एक बार करके देखो मजा आता है सर आप सर कुछ भी बोलते हो ना ऐसा लगता है मजा आ गया अरे बेटा ऐसा थोड़ी है ये था लोन पे रेजोनेस कर रहा ऐसे ऐसे तो ओ ट्रिपल बॉन्ड सी ओ माइनस ये प्लच ये रहा और एक ऐसा ये उल्टा उधर वाला रेजोनेंस करेगा ये बनेगा समझ आया किसी को नादान परिंदे घर आ करें तो आगे देखो ध्यान से सुनना बेटा जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज सभी सभी लोग लोग क्लास में मौजूद बहुत ध्यान से सुनिएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के कुछ रूल होते हैं सबसे पहले देखते हैं ऑक्टेट ऑक्टेट सबसे पहले देखा जाता है कई सारे बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं ये लिया तो वो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लोन पेड़ दिए ये बना आप बताइए पहला वाला ज्यादा स्टेबल है या दूसरा वाला पर या पी या क्यू मान लो पी या क्यू विच इज मोर स्टेबल पी या क्यू कौन ज्यादा स्टेबल है क्या करूं भाई चाय से काम चला रहा हूं खाना तो अब तक भी नहीं खाया मैंने पी रॉन्ग आंसर <laughs> आंसर है क्यू जो गलती में बोला सब करते हैं वही किया। इसीलिए सवाल आते ही सबसे पहले कूदा मत करो पे हे हे, प्लस। अनस्टेबल। अरे मेरे अल्ट्रा गो अरे मेरे अल्ट्रा गो इसका रीजन ये है यहां ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इनकम्प्लीट और यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है ये फॉर्मल चार्ज है ये फॉर्मल चार्ज है फॉर्मल चार्ज है ये चलेगा ये चौलबे ना चौल बे, ये कम बे, ये ज्यादा चौलबे इसीलिए क्यू ज्यादा स्टेबल है पी से मोर ऑक्टेट सबसे पहले सवाल आते ही क्या चीज़? देखो मैं आपको डायरेक्ट जुगाड़ देता हूं सबसे पहले देखेंगे ऑक्टेट ऑक्टेट इज अ मस्ट कंडीशन ऑक्टेट चेक करते ही फिर देखा करो न्यूट्रल और आयनिक मोर कोवलेंट बॉन्ड न्यूट्रल फिर देखते हैं नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके बाद देखते हैं प्लस माइनस पास पास दूर दूर स्टेबल पास वाले ज़्यादा स्टेबल है ला फिर देखते हैं प्राइज रूल मोर नंबर ऑफ बेंजीन और फिर आखिरी में देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कुछ काम ना कर रहा हो तो इंडक्टिव इफेक्ट लगा देना ये सारा ये अब तक तो किसी ने बताया नहीं अब अब बता देते तो बोल देना कॉपी है ना ठीक है चली कुछ नहीं आराम से देखते हैं आ जाओ न्यूट्रल वाला बता रहा हूं डायरेक्ट सवाल से करो बताओ पहला सवाल का आंसर क्या होगा बिंदास सोच के बताइए पहले का आंसर क्या बिंदास सोचिए जल्दबाजी नहीं प्यार से सोचिए आंसर लाइए तो

2 is the 2 is the correct answer 2 is the correct answer क्योंकि देखो आप पता है ऑक्सीजन का प्लस मत देखना आप देखो सबसे पहले मास्टर ने मास्टर ने चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोली ऑक्टेट देखो ऑक्टेटिंग कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट खत्म बात टू मोर देन 1 टू मोर देन 1 समझ में आपको ये चारों लिए बताओ सोचो पहले ऑक्टेट चेक करो पहले ये बताओ सर ये दो को तो काट दो पहले मुझे बताओ कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वन टू थ्री फोर नहीं कुशाग्र मोर नंबर ऑफ कोवेल बॉन्ड से मत देखा करो फंस जाओगे कुशाग्र बाबू मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से मत देखा करो किसी दिन फंस जाओगे पहले ऑक्टेट चेक करते हैं हमेशा पहले ये बताओ कि ऑक्टेट किस, किस में इनकम्प्लीट है और फोर वेरी गुड थ्री ओ हो हो थ्री के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्टेड इनकम्प्लीट है में कार्बन का इनकम्प्लीट है ये तो है, ये तो तो सबसे वाहियात स्ट्रक्चर है है मतलब पॉसिबल ही नहीं है, हाईली हाईली अनस्टेबल सबसे गंदा हो गया तीन ऑक्सीजन का ऑक्टेड इनकम्प्लीट होना इस जन्म में पॉसिबल नहीं है बहुत मुश्किल से आप कर पाते हो कर ही नहीं पाते फिर आएगा फोर बिना कुछ देखे ऑक्टेट सबसे पहले कर दिया अब ये दो आते हैं कंप्लीट 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 फॉर्मल है अब क्या देखेंगे न्यूट्रल और आयनिक तो ये वाला न्यूट्रल है ये वाला आयनिक है तो न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है चार्ज कोई रखना चाहता नहीं जबरदस्ती का वन टू फोर थ्री समझ आया सबको समझ आया सबको समझ आया सबको भाई समझ में आया सबको टू और वन में बच्चे टू बोल रहे हैं टू कैसे आएगा बेटा वन आएगा ना टू वाले में तो ये आयनिक है ऑक्टेट उसका भी कंप्लीट है ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है अब वो न्यूट्रल है ये आयनिक है तो चार्ज कोई रखेगा नहीं पहले वो देखेंगे सिस्टमेटिक देखो सिस्टमेटिक बिल्कुल सिस्टमेटिक पहले ऑक्टेट वाले पीछे किए ऑक्टेट वाले आगे किए कंप्लीट है फिर इन दोनों में चेक किया हाँ ये करो ये सीओ आ गया ये लो सीओ का आर ये लो सीओ टू का आप CO2 रहे सीओ टू कैरस ये सीओ टू कैरस अभी तो बताया वन टू थ्री आ रहा है बहुत लोगों का वन थ्री टू भी आ रहा है कुछ लोगों का वन थ्री टू आ रहा है कहीं का वन one... वन तो सबने बोल पहले ऑक्टेट देखो बेटा अभी भी आप नहीं समझे मेरी बात को मैं इतने क्वेश्चन क्यों कराता हूं

आप में से कोई पूछना चाहेगा सर टू में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कैसे इनकम कैसे कंप्लीट है बेटा तीन बोर्ड बनी हुई है ऑक्सीजन दो बनाता है तीन बन के प्लस आया है कंप्लीट है राज बेटा अब जरूरत तो नहीं है ये तो रिवीजन के लिए कर लो फिर बाकी मैंने इस मंजिल में पढ़ाया पूरा है चलो क्वेश्चन नंबर चार करो क्वेश्चन नंबर चार करो चार क्वेश्चन नंबर चार करो पहले ऑक्टेट से बताओ कौन सा कटेगा भाई इससे बेसिक नहीं बता सकता मैं भाई हाँ बेटा सार्थक अलीन में नहीं होगा बेटा अलीन के अंदर रेजोनेंस कैसे होगा पीवाय पीवाय पीजेड हाँ तीसरी आ गई तो हो जाएगा पीवाय पीवाय पीजेड पीजेड पीवाय पी पी पीवाय पी तो ये दोनों कर जाएंगे मैंने देखा नहीं लेकिन कब तक आज तक किसी को करते हुए थ्री वन टू देखते हैं ऑप्टेड इनकम्प्लीट सबसे गंदा टू हो गया अब बचा वन और थ्री वन में और थ्री में फर्क क्या है वन और थ्री में फर्क क्या ऑक्टेट कंप्लीट है आयनिक दोनों ही हैं नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो थ्री वन टू क्वेश्चन नंबर पांच या आठ सवाल है आप उस सब प्रैक्टिस ये सवाल जेई गया ये इस टाइप का सवाल इस बार जय में आया था इस टाइप का सवाल इनमें से इनमें से एक सवाल जेई में आया था मिलता जुलता जी में सवाल आया था मेंस में मेंस में आरएस की स्टेबिलिटी का सवाल आया था तो मेंस में आरएस की स्टेबिलिटी का सवाल आया था इस साल दो आ, आपके तो, तेईस में कुणाल बोल रहा सर मैं अपना बैकलॉग यहां से कंप्लीट कर लू 100 परसेंट यू कैन कंप्लीट मैंने बिल्कुल बेसिक जीरो से पढ़ाया मैंने जीओसी में जितनी अपनी जान दे सकता था वो सब दे दी पूरी पूरी, पूरी पूरा काम करवाया जल्दी बताओ वन टू थ्री कंप्लीट, न्यूट्रल जल्दी बताओ छह नंबर सबसे टफेस्ट सवाल है पूरे आठ क्वेश्चन का टफेस्ट क्वेश्चन सर तो फिर आपने यहां इतना पढ़ाया था फिर आपने प्रयास में क्या पढ़ाया प्रयास में एग्जांपल्स डबल थे कॉन्सेप्ट बहुत डबल थे कॉन्सेप्ट अप्रोक्सीमेट सेम थे

कई बच्चे टू आगे बोल रहे हैं यार तुम गधे हो क्या यार अब टू और थ्री में कौन अच्छा है यहां ओ माइनस ओ माइनस यहां नाइट्रोजन पे प्लस है यहां ऑक्सीजन पे प्लस है फिर भी कौन सा ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन पे प्लस ज्यादा स्टेबल है या नाइट्रोजन पे प्लस ज्यादा स्टेबल है विच पॉजिटिव इज मोर स्टेबल सर दोनों अनस्टेबल है लेकिन फिर भी नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सस्टेन कर लेगा तो वन टू थ्री फोर कही लोग वन फोर थ्री टू वाई वाई चलो आओ भाई तुम्हारी इच्छा वन थ्री टू फोर अच्छा टू थ्री में जरूर लोचा हो सकता है सोचना होगा आप लोगों को सात नंबर बताए सात नंबर टू वन थ्री टू वन इज द करेक्ट आंसर कैसे सर? सारे सब आयनिक है, पे है, पे है, कार्बन पे है. सबसे स्टेबल ऑक्सीजन पे फिर नाइट्रोजन पे फिर कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी ये चेक करके बताओ ये शानदार सवाल है बहुत शानदार माई वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन जल्दी बताइए आठ नंबर क्वेश्चन सबसे शानदार कौन है वन टू थ्री में, में. एथ के अंदर वन टू थ्री में सबसे बढ़िया कौन सा है? एट्थ में सबसे तो बढ़िया कौन सा है जल्दी बताओ बेटा सेकंड इसलिए है क्योंकि एन पे प्लस फिर भी सस्टेन कर लेगा थ्री करेक्ट है थ्री वन और टू में आपको डाउट आएगा और आना भी चाहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया होगा आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया होगा अब यहाँ और यहाँ में कई सारे बच्चे चिल्लाने लगेंगे सर ये वाला एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सा क्रॉस कौन सा एक्सटेंडेड आर एस कभी क्रॉस एक्सटेंड करते हैं क्या बेटा कभी नहीं होता जीवन में तो फिर क्या करेंगे सर इंडक्टिव इफेक्ट रूल नंबर सिक्स ये भी माइनस आई करेगा ये भी माइनस आई करेगा वो केवल एक ही माइनस आई इसको दो लोग खींचने वाले हैं मजा आ जाएगा इसको तो थ्री तो टू वन थ्री टू वन क्लासिक क्वेश्चन क्लासिक क्वेश्चन में से किसी का ये नहीं आया होगा है ना बहुत लेकिन क्लासिक क्वेश्चन है ये चलिए आगे चलते हैं अब मैं आपको सिखा देता हूँ ये होने के बाद अब मैं आपको सिखा देता हूँ ये देखिए अब मैं आपको सिखाता हूँ आर एस ऑफ कैसे निकालते हैं ध्यान से सुन लो कई सारे बच्चों का ये डाउट रहता है यहां देखिए मैंने ये लिया नफतलिन बेंजीन के कितने आ रहे थे बेटा दो कौन कौन से सर केकुले नॉन पोलर की बात कर रहा हूं नॉन पोलर एक काम करते हैं इसको मान लेते हैं एक्स इसको मान लेते हैं y ठीक है बेटा ये मैं तरीका तो सिखा चुका हूं फिर भी एक बार सिखा रहा हूं एक्स और y मान लेते हैं एक्स और y मान लेते हैं प्लीज इसको ऐसा ही करिएगा वर्टिकल लाइन वाले फंडे से मैंने भी बताया है लेकिन वर्टिकल लाइन वाले फंडे से मुश्किल हो जाता है समझ में थोड़ा कम आता है मेरा वैसा मानना है बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा ये कि वर्टिकल लाइन वाला मैं आपको अभी फेल कर सकता हूं यहीं खड़े खड़े समझे बात को देखो ये वर्टिकल लाइन वाला फंडा एक दो तीन चार पांच छह छह कभी आता ही नहीं है इसलिए बोल रहा हूं वर्टिकल लाइन वाला फंडा कभी फेल कभी लगता ही नहीं है जुगाड़ है वो तो आप जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा पर ये आपको आपको जो जो अब जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं वो हर जगह लग जाएगा आप टेंशन ना लें आपको हर जगह में ये तरीका बता दूंगा क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए क्या आप सभी तैयार हैं सीखने के लिए क्या आप सभी तैयार हैं सीखने के लिए आइए ट्राई करते हैं बेटा देखो मेरे साथ कोशिश करें शायद आप अच्छा कर जाएं, शायद आप अच्छा कर जाएं। आइए ट्राई करते हैं अपने को ये वाला दिया है तो मेरा प्राइम टास्क यही है मेरे दिमाग में एक ही बात चलती है कि अगर ये की तरह है तो मैं इसको एक बार एक्स बनाऊंगा एक बार इसको वाई बनाऊंगा उसके एवज में ही क्या बनता है वो देख लेंगे और जब और एक बार ये कंप्लीट होगा फिर मैं इसको भी एक्स वाई बनाऊंगा मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि हर रिंग को मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर रिंग को एक्स और वाई बना दूं मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर रिंग को एक्स और वाई बना दूं हर रिंग को एक्स और वाई बना दूं तो सबसे पहले कोशिश रहती है इसको एक्स बनाते हैं आओ इसको एक्स बनाए। तो डबल यहां देखो एक्स कैसा है डबल यहां ये यह और ये देखो एग्जैक्ट एक्स, एक्स उतार दिया अब इसके रेस्पेक्ट में डबल सिंगल डबल ये आ गया ये डबल 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 ये गया आपका अल्टरनेट पाइबोर्ट बन गई ये अगर आप देखेंगे ये अगर आपका एक्स है लेकिन ये कुछ नहीं बना क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें ये वाली रिंग बेंजीन है ही नहीं तो ये ना तो ये एक्स है ना ये वाई है हमने इसको एक्स बना दिया अब हम इसी रिंग को पहले एक एक रिंग खत्म करेंगे पहले एक एक रिंग खत्म करेंगे हम इसको वाई बनाएंगे वाई कैसे बनाएंगे डबल 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 ठीक है अब इधर अगर डबल बात करें तो डबल यहाँ आएगी डबल यहाँ आएगी अल्टरनेट पे अल्टरनेट पाएगी तो अब हमने इसको वाई बनाया

लो ये आपका वाय हो गया ये आपका हो हो गया गया ये 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 आपका तीन तीन बन बन गए गए इसके इसके क्या समझ में आया सबको क्या आप लोगों को समझ में आया बेटा अब आप खुद ट्राई करो इसका देखो इसका अपन मेरे साथ ट्राई करें एक आखिरी सवाल बता रहा हूँ ये आखिरी सवाल बाकी आप का आप खुद कोशिश करें देखो मेरा ऐसा रहता है कि तुम कोशिश करोगे ना तो तुम्हें ही फायदा है मेरे को फायदा नहीं है मैं तो मुझे तो आता ही है भाई अच्छे से आता है मेरे को तो बहुत अच्छे से आता ही है मैं तो मास्टर हूँ ट्राई करो ये है आपका एंथ्रासीन कोशिश करें हाँ बेटा जीओसी और आईएसओ में अग्निक दास आप मंजिल से कर लें मच बेटर है क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि आप बैठ के अगर करना चाहे तो करें उसके लेक्चर बहुत हैं मेरे प्रयास के अंदर जीओसी और आईएसओ में जब मिला के तीस से ऊपर लेक्चर हैं अट्ठारह और पंद्रह शायद बत्तीस तैंतीस लेक्चर हैं बहुत मुश्किल होगा हाँ, आप सबको याद तो है ये है वन टू थ्री बार मैंने कहा ना वो आपको याद तो सब है ही है पर वो नहीं करना अपने को अपने को क्या करना बेटा एक्सवाई सेक्स वाई करना जरूरी है क्या बेटा देखो याद कर लो तो आपकी इच्छा है लेकिन मेरा ऐसा कोशिश होती है एक बार आप फंडामेंटली सीख गए ना भले फिर आप उससे कर लो पर आपको फंडामेंटल आना चाहिए मेरी बात समझे रिएक्शन मैकेनिज्म आप देखेंगे मैं आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़ाता हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ आप में और मेरे में एक छोटा सा डिफरेंस है मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बताता हूं मैं हिंट देता हूं मैकेनिज्म आपसे लिखवाता हूं मैं मैकेनिज्म लिखने लग गया ना तो तुम तो हाँ 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 ऐसा हो गया ऐसा हो गया उसका कोई फायदा ही नहीं है वो तो बहुत सारे आप खुद बनाइए मैकेनिज्म ये, ये थॉट अगर आ गया तो एडवांस फोड़ देता आदमी ये लग दिया इसको एक्स मान लेते हैं तो ये ये ठीक ये, ये, है इसको वाई मान लेते हैं तो ये और ये तो ये एक्स है सॉरी ये वाई है तो ये वाली x बन गई अब तो ये रिंग x और y दोनों हो गई अब आते हैं बीच वाली रिंग पे तो बीच वाली रिंग x बन चुकी है अब y बना लेते हैं y कौन सा था बेटा डबल ये वाला ये y तो ये क्या बन गया ये वाला x बन गया लो इसको x बनाया y बनाया तो ये बन गया ये बन गया बोला सर एक बार गोली बेटा वाला डायलॉग हो जाए क्यों भाई कागज की बनती कस्ती नहीं गोली बेटा मस्ती नहीं। हाँ, ये वाई और एक्स। ये मेरे का बच्चों का दिया, बनाना वाई बना रहा केवल वाई क्या है बेटा देखो बेटा ये सबको समझ में नहीं आता ये इतना आसान नहीं होता है वाई कौन सा भाई वाई कौन सा ये वाला ये वाई। लो, ये चार बन गए अरे आसान है एक बार प्रैक्टिस करोगे तो एक बार में आ जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है अब मैं आपको एक लास्ट बता रहा हूं लास्ट बता रहा हूं ये वाला दो मतलब दो बताता ये वाला लो देखो ध्यान से ध्यान से देख लो ना वरना मुझे फिर बाद में मत बोलना गाली मत देना मुझे गाली मत देना मुझे बहुत मारूंगा मैं ये देखो ये वाला लिया ठीक है अब मैं इसको कैसे करता हूं कि भैया ये जो स्ट्रक्चर है ये नैतलीन है ये जुगाड़

है ना तो मैं पता क्या करता हूं ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैं क्या सोचता हूं देखो कभी फंस जाओ तो स्ट्रक्चर आता ही बनाना इसको ऐसे करो देखो ध्यान से देखो सब लोग बहुत ध्यान से देखना बेटा ध्यान से देखना है ना हाँ क्लास में सिखाया मैंने ये पर बच्चे मंजिल है ना सबको सिखाना है यहाँ नेगेटिव चार्ज है जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है पहले काम करते हैं नेगेटिव निगेटिव कहा जाएगा पहले ये बना लेते हैं नेगेटिव ये छोड़ेगा यहाँ आएगा यहां आएगा अल्टरनेट छोड़ रहा हूं मैं ये ये और ये ठीक है बेटा अब आपको बस ये देखना है कि नेगेटिव जब जिस पोजीशन पे है उस समय बाकी स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है मेरी बात समझ रहे हो ये नेगेटिव यहां है तब ये स्ट्रक्चर नेफ्तलीन दिख रहा है नेफ्तलीन के कितने आर एस आए तीन बेंजीन के दो एंथ्रासिन के चार पर अब आप इसको मान लीजिए इसके कितने आ गए तीन क्योंकि नेफ्तलीन के तीन अरेंजमेंट पॉसिबल हैं कौन से वाले वो समझ गए एक्स वाई वाई एक्स एक्स वाई एक्स वाई एक्स और वाई समझ गए आपको अब जब आप यहाँ आए उस केस में नेफ्तलीन टूट गई जैसे देखो ना ये यह यहाँ पे आया तो ये यहां मानस आ गया अब नैफलिन का ये ने पार्ट तो टूट गया अब बचा क्या केवल बेंजीन तो यहाँ जब आया तो केवल क्या, क्या बचा बेंजीन दो जब यहाँ आया तो एक अब बेंजीन भी टूट गया नैफलिन ने तो पहले टूट गया था यहाँ पे अब यहाँ बेंजीन भी टूट गया फिर एक फिर एक सर यहाँ पे बच्चा डाउट करता है कि सर यहाँ पे दो लिखू या एक लिखू तो तू खुद सोच जब तू यहां से तोड़ के आ रहा यहाँ डबल बोनो बचा हुआ है यहाँ डबल आ गया ऐसे ऐसे बना ले रफ बना ले ऐसे ये ले रफ बना ले देख ये बेंजीन नहीं है ये बेंजीन नहीं। और नहीं समझ में आया तो ऐसे ऐसे सोच ले कि जब एक बार आपने बेंजीन बना लिया तो टूटेगा तो फिर टूट ही जाएगा ये एक तो तीन और दो पांच और चार नो इसके नो आर एस पॉसिबल है एग्जाम में आपके साथ इतना समय कभी नहीं होगा कि आप बैठ के आर एस बनाए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जिसको याद हो वो मत लिखना प्लीज यार जो बच्चे बेचारे हाँ इसका आंसर निकालिए ये अल्फा नेफ्थोल है ये वो था बीटा नेफ्थोल या अल्फा नेफ्थोल है Yeah. <Sessly> याद हो तो ऐसे डैड जुगाड़ तो मत करना परफेक्ट आंसर निकालो आज वाला सेशन बहुत अच्छा गया मेरा वो वाला हाइड्रोकार्बन वाला बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आज मज़ा आया चलिए यहाँ नेगेटिव है फिर यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ जब बनाओगे तो आपके बनेंगे तीन यहाँ आओगे तो ये बेंजीन है दो यहाँ आओगे तब भी बेंजीन है दो यहां आओगे तो एक यहाँ आओगे तो एक यहाँ आओगे तो एक तीन और दो पांच सात और तीन दस सारे से। या तो आप बैठ के बनाते रहे या इसको ऐसे कर लें समझ में आया बेटा सर नेफ्तली, बेटा वाला तो बहुत आसान है प्रैक्टिस कर लेना बेटा है ना दो कैसे आया बेटा जब तो यहां आएगा ना

सबसे पहला एप्लीकेशन पार्ट में एक तो तो हो चुका है अब हमारा है ब्रेड रूल चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला है ब्रेड रूल ना रूल ठीक है ब्रेड्स रूल ठीक है ब्रेड रूल क्या बोलते हैं हाँ, नारियल चिल्ला रहा एक लोहडा चिल्ला रहा नारियल <laughs> ब्रेड रूल क्या बोलता है ब्रेड रूल का ये कहना है कि भैया ब्रेड बाबू ने क्या कहा उन्होंने ब्रेड खाते खाते क्या बोला जब रिंग आपकी आठ या आठ से छोटी रिंग हो तो पता है, उस पे ब्रिज वाले एटम पे ब्रिज वाले एटम पे sp2 पॉसिबल नहीं है ब्रिज एटम पे प्लेनरिटी मतलब एसपी मैंने एक बार भी बात नहीं की प्लस की माइनस की डॉट की ऐसी बातें नहीं कि मैंने बोला प्लेनटी एसपी टू पॉसिबल नहीं है इसका मतलब मान लीजिए आपने ये कंपाउंड लिया छह कार्बन तो ये हो गए सात ये आ गया अब ये ब्रिज वाला ये और ये इन दोनों एटम पे ब्रिज वाले एटम्स के ऊपर sp2 पॉसिबल नहीं है अभी sp3 है आप कुछ भी करें sp2 नहीं ला सकते रूल क्यों नहीं ला सकते अगर आप sp2 बनाएंगे तो प्लेनर होना पड़ेगा और ये रिंग ये रिंग कभी भी प्लेन में आ ही नहीं पाएगी टूट जाएगी हमारे आपको ये रिंग आप उसको टूट जाएगी टूट जाएगी रिंग रिंग टूट जाएगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा आप समझिए वो प्लेनरिटी नहीं आ पाएगी अब आप बताइए जल्दी से मुझे बताइए आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन नंबर वन से लेकर नाइन तक कौन कौन से ऐसे हैं जो पॉसिबल नहीं है जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट आपके पास मात्र दो मिनट है कौन कौन से आपको समय दे रहा हूं दो मिनट का जल्दी बताइए कौन कौन से ऐसे हैं जो रियल नहीं है उर्फ ना रियल है ये प्यार तुमसे करता मेरा दिल भी कितना पागल कुछ नहीं करना आपको केवल एस टू निकालना है बस ये देखो आगे याद करने वाले आठ नौ अरे गधो याद कर लो तुमसे बस याद करा लो तुमसे तुम लोगों से केवल याद करा लो बस सा, मेरे सरकार दो एस पी थ्री है एक दो तीन और माइनस चारेंगे एस पी थ्री है ये चलेगा ये एक दो तीन एस पी टू हो गया ये नारियल, ये नारियल है ये नारियल है ये नारियल है ये वाला एक दो तीन हो गया ये भी एस पी टू हो गया ये नारियल है ये वाला एक दो तीन है ये बोरोन आपका खाली होता है ये भी एस पी टू है नारियल है एन वाला एक दो तीन इसका लोन पेयर होता है ये एस पी थ्री है ये आपका रियल है ये क्रॉस मतलब रियल है ये वाला एक दो तीन प्लस ये आपका नारियल है आंसर हो जाएगा एस पी टू पॉसिबल नहीं है समझ आ रहा है किसी को ये वाला एक दो तीन चार चार सिग्मा बोंड हो गई भैया मैं तो हाइब्रिडेशन निकाल रहा हूं और तुम पता नहीं क्या कर रहे थे ये रियल है ये रियल है ये वाला ये मानस ये बोला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं नहीं है क्यों नहीं है ये हो गया sp2 पी टू एक दो तीन एस ये पॉसिबल ही नहीं है अब ये वाला सवाल मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया आठ वाला रियल है या नारियल है एट वाला रियल है

रखना है, ये रियल वाला का जलाना है, जलाना है, राख कर देना है राख 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 करना है राख है ना अब राख जब होगा तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे जितने ज्यादा कोयले होंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इसीलिए हीट ऑफ कंबस देखो इसको जलाया

क्यों सर नंबर ऑफ कार्बन क्यू कार्बन बढ़ेगा तो सीओ टू काउंट बढ़ेगा सीओ टू काउंट बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड की तो कोई ज्यादा स्टेबल होगा तो उसके पास एनर्जी कम होगी एनर्जी कम होगी तो रिलीज भी कम एनर्जी रिलीज करेगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड बी नॉर्ट्रॉइड सेट ये दो हैं बस आपको सारे साल हो जाएंगे हीट ऑफ कंबशन पर कार्बन ये बड़ा अच्छा फैक्टर है पर कार्बन तो नंबर ऑफ कार्बन इज नाउ फिक्स इक्वल्स टू वन वन कार्बन पर कार्बन मतलब एक कार्बन के लिए कितनी आएगी तो अगर ये वाला फैक्टर सेम है तो इस पर डिपेंड करेगा किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी निकालनी है तो एचओसी पर कार्बन निकाल लो आपका आंसर आ जाएगा आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी जल्दी से मेरे को इन, इन पांच का आंसर दीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक्स वाई जल्दी आंसर कीजिए एक्स क्या है सर वही मतलब हीट ऑफ कम्बेशन आप तो हीट ऑफ कम्बन निकालो एक्स वाई मतलब आप तो एच का ऑर्डर निकालो पूछना होगा मैं ऐसे पूछ लूंगा देखो आंसर देख लो आर क्यू पी क्यू आर दो आंसर आते हैं बहुत बहुत बुरा लगता है बहुत बुरा लगता है मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम लोगों पे स्टेबिलिटी uh, का ऑर्डर देखो कार्बन दोनों में तीनों में सेम है कार्बन अगर सेम है तो हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी दो अल्फा है छह छह अल्फा है इसमें रिपल्शन है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा क्यू आर पी स्टेबिल so, ज्यादा है तो रिएक्टिव मतलब एनर्जी कम रिलीज करेंगे तो उल्टा कर दो पी आर इज द करेक्टर फॉर द एचओ सीओ सी पर सी एस टू दोनों काम ही आएगा क्यू आर पी कर रहे हैं स्टेबिलिटी का आंसर निकाल लो ना बस यार स्टेटिलिटी निकाल लो तुम्हारा आंसर आ गया स्टेबिलिटी निकालो उसका उल्टा कर दो खत्म बात हाँ ये करो क्वेश्चन नंबर टू करो न no, एचओसी निकाल एच ओसी क्वेश्चन नंबर टू में एच ओसी निकालो क्वेश्चन नंबर टू में एच निकालो फटाफट से क्वेश्चन नंबर टू में एचओसी निकालो करेक्ट पी क्यू आर नंबर ऑफ कार्बन छह कार्बन पांच कार्बन चार कार्बन खत्म बात बहुत ही बढ़िया इसका बताओ क्वेश्चन नंबर तीन का एचओसी का ऑर्डर बताओ हीट ऑफ कंबेशन का ऑर्डर बताओ हीट ऑफ कंबेशन का ऑर्डर बताओ जल्दी बताओ हीट ऑफ कंबेशन का ऑर्डर बताओ क्वेश्चन नंबर थ्री का हीट ऑफ कंबेशन का ऑर्डर बताओ சார் mm கம்ப் -hmm. mm -hmm. यार यार अलग अलग आंसर ला रहे हो सबसे पहले भाई देख लो मैं ही बता देता हूं, तुमसे तो होगा नहीं नंबर ऑफ कार्बन चेक करता हूँ मैं तो पांच 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 चार तो सबसे कम एस हो गया सबसे बेकार एस हो गया सबसे बेकार एस हो गया ठीक है नंबर ऑफ कार्बन देखा मैं तो देखा देखा तुमने दो चीज बता दी तुम लोगों को दो चीज बता दी और तुम उस पर भी ना कर पाओ तो तुम्हारी इच्छा है मैंने तो तुमको दो चीज बता दी वो तुम्हें देखना है अब इसका देखते हैं स्टेबिलिटी एक अल्फा एच नौ अल्फा एच और पांच अल्फा एच सबसे स्टेबल क्यों है तो सबसे कम ये हो गया इन दोनों में सबसे ज्यादा ये सबसे कम स्टेबल है तो मैक्सिमम हो जाएगी इसकी आर पी क्यू एस जिसका भी आर पी क्यू एस आया है उसको बधाई बाकी सब डेस <laughs> डेस चौथा नंबर तो आसान है पांच है चाहे दो तो उससे हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है छह नंबर बताओ पहले छह नंबर पहले छह नंबर बताओ छह नंबर छह नंबर बताओ मुझे जल्दी से छह नंबर बताओ क्या आंसर आएगा बेटा छह नंबर बताओ छह नंबर एचओ सी srqp नंबर ऑफ कार्बन 3 4 5 6 दैट गिव्स srqp hoc पर ch2 was the data hoc पर ch2 for this question was the data that proved कि भैया जो बेयर्स की थ्योरी थी बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी जो आपने पढ़ी है बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी जो थी कि भैया एंगल के हिसाब से उसने बोला था कि फाइव मेंबर्स सबसे स्टेबल है वो गलत आई क्योंकि hoc पर ch2 का ऑर्डर आया p q r एस इसका मतलब एस की सबसे कमाई मतलब एस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और यही रीजन था कि भैया कंफर्मेशन ऑफ साइक्लो जो था वो यही तो प्रूफ हुआ कि भैया कैसे कैसे क्या हुआ तो 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 बता दो तो, ये पांच नंबर बताओ पांच मान जाऊंगा तुम्हें याद तो होगा तुम्हें आज याद एच ओसी का ऑर्डर बताओ स्टेबिलिटी बताओ स्टेबिलिटी चलो तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ आप तो मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो बस बहुत है मेरे को स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ देखो मैक्सिमम बच्चा बोल रहा है स्टेबिलिटी का QP QP इज अ रॉन्ग आंसर भाई रॉन्ग आंसर PQ स्टेबिलिटी का आंसर है P मोर देन Q क्योंकि इस तीन हाइपर जो है तीन अल्फा एच वो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे इधर की साइड ये तीन बढ़ा रहे होंगे इधर की साइड इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मतलब दो इलेक्ट्रॉनिक वेव एक डायरेक्शन में मूव कर रही है इसको बोलते हैं और, 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 है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस ये इलेक्ट्रॉन दे रहा ऐसे वो दे रहा एस दोनों कैंसिल तो कर रहे हैं ये बेस्ट है इसीलिए पी मोर देन क्यू तो एच का ऑर्डर हो जाएगा क्यू मोर देन पी एच ओ सी आई होप आपको समझ में आ गया हो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होना रेजोनेटिंग एनर्जी इसका मतलब क्या है एनसीआर टी में ये दिया है और ये बात पूछ सकते हैं रेजोनेंसबालाइज रेजोनेंस के कारण निकलने वाली एनर्जी रेजोनेस के कारण जो कंपाउंड स्टेबल होगा उससे जो एनर्जी निकलेगी दैट इज रेजोनेस स्टेबिलाईन एनर्जी दैट इज रेजोनेस स्टेबिलाईन एनर्जी ज ए रेजोनेस एनर्जी तो रेजोनेस स्टेबिलान एनर्जी का क्या देखते हैं मोस्ट स्टेबल आर एस इन सब में ये वाला होगा एनर्जी में और हाइब्रिड के बीच की एनर्जी का डिफरेंस ये है रेजोनेंस एनर्जी चाहे इसके लिए लो चाहे इसके लिए लो चाहे इसके लिए लो चाहे इसके लिए, लो, इसके लिए, लो, इसके लिए, लिए लो, किसी के भी लो डिफरेंस हमेशा यही होगा लेकिन सर क्वेश्चन कैसे करने हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं तुम बताओ तुम बताओ पी और क्यू किसमें रेजोनेंस के कारण ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बताइए क्यू जल्दी बताइए किसमें रेजोनेंस के कारण ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जल्दी बताइए किसमें रेजोनेंस के कारण एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी जल्दी बताइए क्यू इज रॉन्ग आंसर क्यू वाला एंटी एरोमेटिक है क्यू वाला एंटी एरोमेटिक है इसको उल्टा इलेक्ट्रो एनर्जी देनी पड़ेगी भैया तू रेजोनेंस कर बहुत अनस्टेबल है तू तो पैरा मैग्नेटिक बन रहा है तो रुक जा भाई इसको ये वाला फिर भी इसके मुकाबले ज्यादा करेगा तो रेजोनेंस से निकलने वाली एनर्जी पी की ज्यादा होगी क्यू से इसका क्या क्या सोचते हो टू में किससे रेजोनेंस की एनर्जी ज्यादा निकलेगी किस केस में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा निकलेगी क्यू बिल्कुल सही जवाब है क्यू क्योंकि ये एरोमेटिक है यहां तगड़ी एनर्जी रिलीज होगी मैं आपको अभी डाटा बताऊंगा मजा आ जाएगा आपको ये बताइए तीन नंबर तीन बताइए किसमें रेजोनेस एनर्जी ज्यादा होगी तीन नंबर में पी या क्यू क्यू करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है पी नहीं क्यू क्योंकि यहां लोन पे जब जाएंगे तो इधर से लेके इधर तक पूरे जाएंगे इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुकेशन यहां पे लोन पे इधर जाएंगे और इधर जाएंगे जब इधर जाएंगे तो ये पड़े रहेंगे उधर जाएंगे तो ये पड़े रहेंगे क्रॉस हो जाएगा ये है क्रॉस ये है एक्सटेंडेड तो ये वाला जीत गया क्यू मोर देन पी चार नंबर चार नंबर नंबर ट्राई करो ना यार तुम्हारे पास खोने के लिए है क्या पी इज रॉन्ग आंसर क्यू इज द करेक्ट आंसर रेजोनेंस एनर्जी का फंडा ये होता है बेटा कौन अच्छे से रेजोनेस कर रहा है रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअल डिप देखो आप फर्जी फर्जी सवाल कर लो तो भी आप जीत जाओगे कि कि कौन अच्छा अच्छा कि कौन अच्छा 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 कर 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 रहा 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 है, रहा है है, है, है। ज्यादा कम से होता बराबर बना तो जैसे आप खुद देखो यहाँ के तीन आर बनेंगे तीन थ्री आर बनेंगे एक्स वाई चार बनेंगे एक्स एक्स वाई वाई एक्स और वाई 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 एक्स 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 वाई वाई एक्स चार बनेंगे और दो अलग अलग रिंग बेंजीन है यहाँ दो अलग अलग रिंग बेंजीन है यहाँ एक टाइम पे कोई एक ही बेंजीन आएगी और आएगा तो भी वो आएगा इसमें तो हमेशा इसके हर आर एस में दोनों बेंजीन है इसके हर आर एस में दोनों बेंजीन है है ना दैट्स ये बताओ पांच नंबर बताओ पांच भी एक क्लासिक ये पांच अलग अलग क्वेश्चन पांच अलग अलग फंड यूज किए हैं क्रॉस एक्सटेंडेड अलग क्वेश्चन ये भी बहुत अलग क्वेश्चन है बताओ क्यू क्यू आंसर इज पी इक्वल्स टू क्यू क्यू सर कह रहा हूं ना बेटा फंडामेंटली जब तक सही नहीं होंगे तुम्हें मजा भी नहीं आएगा क्रॉस एक्स अग्निक दास बाबू क्रॉस एक्सटेंडेड की बातें कैसे कर रहे हो ये ईथर है ये अल्कोहल है दो तो अलग अलग कंपाउंड है वहां क्रॉस एक्सटेंड होता है ये तो दोनों ही नकली है असली तो ये है ये असली तो ये है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये और ये इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी तो उसकी होगी ये दोनों तो नकली चीजें हैं नकली चीजों की रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर कर ही नहीं सकते रेजोनेंस एनर्जी एक कंपाउंड की होती है आर एस की नहीं होती किसी एक कंपाउंड की होती है कंपाउंड तो ये है ये ये दोनों तो आर एस है इसीलिए पीव क्यू समझ में आया किसी को कि भैया दो नकली चीजों की तुम अच्छे एनर्जी तुम क्या अच्छा एनर्जी तुम तो दो दोनों ही नकली हो ये तो लुलवा हो गया चलो आओ आओ अब एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं और रेजोनेंस निकाल भी लेते हैं एक पाई पाइबोंड पे H2 डालते हो तो माइनस ट्वेंटी एट पॉइंट पॉंट। सिक्स किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती, होती है कितनी होती है बेटा एक तो तुम बताओ दो में कितनी होनी चाहिए थी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर एक पाई पाइबोंड के कारण इतनी निकलती है तो दो से कितनी निकलेगी जल्दी बताइए जब एक से इतनी निकलती है तो दो से कितनी निकलेगी अब मैं आपको यह तो बोलने जा सा रहा सामने देखिए कैमरे की आपका तो प्रैंक हुआ है वेरी गुड माइनस इसका डबल कर दो 57.2 है ना यह है इतनी आनी चाहिए थी आई कितनी 54 फोर है साला. ये कैसे हुआ हटाओ साला लगाओ साला जोड़ो साला ये तोड़ो साला ये क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एनर्जी जो कम आई है वो कहाँ चली गई ये कंपाउंड रेजोनेंस कर रहा था रेजोनेंस के कारण एनर्जी रिलीज हो गई कितनी हुई एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्वड जितनी एक्सपेक्टेड थी उसमें से ऑब्जर्व हटा तो जो कम आई वो आया तो यहां रख दो -6.0 ये आपका आ गया -3.2 सो रेजोनेंस एनर्जी विल बी -3.

36, कैसे का 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 गुना गुना हो जाएगा इक्वल्स माइनस लेकिन आई कितनी 49.8 तो माइनस भाई साहब समझो जितनी एनर्जी आई ना तो रिलीज हो गई है अप्रोक्सीमेट इसीलिए रेजोनेंस एनर्जी बहुत भयानक आती है क्यों आई मान 36 इतनी एनर्जी क्योंकि एरोमेटिसिटी के कारण एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो गई इसीलिए आपको समझना होगा माइनस अट्ठाईस आई एक की वजह से तो तीन की यहां तीन पाई होना है ना तीन कैसे कितनी आएगी कि इतनी आनी चाहिए थी पर आई इतनी तो बची हुई एनर्जी कहां गई रेजोनेंस एनर्जी समझ में आया समझ आया और इसकी बात करें तो दो के कारण कितनी होनी चाहिए इसका डबल माइनस माइनस फिफ्टी आई कितनी पता नहीं लेकिन कुछ दिया हुआ है एंड डेल्टा एच फॉर द साइक्लोहेक्साडाइन ए रेजोनेंस एनर्जी तीन है तीन मतलब तीन किलो किलो एनर्जी रिलीज हो चुकी होगी तो माइनस फिफ्टी तीन खत्म कर दो तो ये आ गया आपका माइनस फिफ्टी किलो कैलोरी पर मोल दैट इज योर डाटा आई होप आप सभी को समझ में आया होगा आई होप सर एसिड बेस होगा बेटा एसिड बेस इसके बाद ही आने वाला है एसिड बेस इसके बाद ही आने वाला है सर पीवाई क्यू बेटा पीवाई क्यू तो आप उससे कर लेना बूस्टर से यहाँ तो थ्योरी सीख लो ना रोते ही रहना बैठ के चलू आगे आगे चलू साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन की खास बात क्या है कि साइक्लोप्रोपेन में एक बढ़िया चीज होती है पता है क्या आपने कभी धनुष बनाया हो तो धनुष में क्या होता है कि धनुष में आप लकड़ी लेते हैं लकड़ी को ऐसे मोड़ के बांधते हैं वैसे ही प्रोपेन को जबरदस्ती बांधा गया और ये एंगल कर दिया गया 60 डिग्री ने 109 से 60 डिग्री 49 डिग्री एंगल कम किया गया 49 डिग्री का एंगल कम किया गया और 49 नाइन कम करने के कारण जब इसको मोड़ रहे होते हो इतना भयानक मोड़ना पड़ता है कि मोड़ते मोड़ते ये ऐसा हो जाता है जो ऐसा होना चाहिए था ये ऐसे वो ऐसे नहीं हो पाता और पता है क्या हो जाता है ऐसे ये ऐसे इसमें भी ऐसे ये और सर सिग्मा बोन टिल्ट हो गई यस yes. सिग्मा में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे वो ऐसे हो गए जस्ट बिहेविंग लाइक पाई पाइबोड और इसी के चलते ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के चलते ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के चलते ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के, के चलते ही इसकी स्टेबिलिटी इसलिए तो मिनिमम होती है हाइडली अनस्टेबल इट सिग्मा बिहेव लाइक पाई बॉन्ड सिग्मा बिहेव लाइक पाई बॉन्ड इसी इसीलिए इसी जैसे ही इसीलिए जैसे ही साइक्लोप्रोपेन के बाजू में प्लस चार्ज आता है साइक्लोप्रोपेन के बाजू में जैसे ही प्लस चार्ज आता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर कर देता है ये अपने जो पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेविंग पाई अब आप देखो आप सब याद करते हो साइक्लोप्रोपेन ब्रोमीन टेस्ट देता है एक्सेप्शन क्या क्या एक्सेप्शन भाई सिग्मा कहा है पाई है तो ऐसे ये 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 भी इलेक्ट्रॉन देगा दिस इज नोन एज डांसिंग रेजोनेस उज नॉन सिग्मा रेजोनेस या डांसिंग रेजोनेस या डांसिंग रेजोनेस सिग्मा या डांसिंग रेजोनेस हुआ क्या होगा देखो बेटा ऐसे ये गया ये ऐसे रह गया ये बोन टूटी यहां बना डबल बोन यहां बना प्लस चार्ज और एक बार क्या हुआ होगा एक बार उल्टा हुआ होगा ऐसे प्लस चार्ज नीचे से सब गया होगा दैट इज नोन एज डांसिंग और रेजोनेंस डांसिंग रेजोनेंस दैट इज नोन एज डांसिंग रेजोनेंस डांसिंग रेजोनेंस और इसी के चलते ध्यान रखना बेटा अब जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को अब आप सोचिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिए बेटा सब लोग क्लास में मौजूद सभी लोग ध्यान से सुनिएगा स्टेबिलिटी के केस में कैटाइन की स्टेबिलिटी के केस में सबसे पहले देखते हैं कैटाइन की स्टेबिलिटी के केस में सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कैटाइन की स्टेबिलिटी में सबसे पहले देखते हैं बैक बॉन्डिंग बीबी बीबी का मिलना बहुत जरूरी है देखो जीवन में हर तरीके की शांति आती है पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं बोल रहा हूं मुझे क्या पता देखो भोला आदमी हूं मैं पहले देखते हैं बीबी, फिर आता है डांसिंग रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी दोनों पैरेलल चलते हैं तो बैक बॉन्डिंग डांसिंग किस पे कोई एक्सेप्शन आना काट देना वहीं पे कि मुझे कोई मतलब नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं एक्सेप्शन नाम की चीज से था कचरा कहीं का आ, बु, 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 बैक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग एरोमेटिसिटी डांसिंग एरोमेटिसिटी इक्विवेलेंट आर सिंपल आर समझ में आया तो सिंपल सबसे पहले बी बी चाहिए बैक बॉन्डिंग समझ में आया सो बैक अच्छा अब एक काम करो ये सवाल बताओ इस सवाल का आंसर दो बताओ कौन फर्स्ट का आंसर क्या होगा कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है अरे बहुत आसान आसान चीजें सब कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है बस तीन एप्लीकेशन और है उसके बाद चालू एसिड बेस एक घंटा तक चलेगा एसिड बेस सर क्लास 12 बजे तक होगी क्या मुझे क्या पता जब तक तो खत्म नहीं होगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं तो छोड़ेगा नहीं थ्री टू वन थ्री टू वन थ्री टू वन थ्री टू वन, वन, वन गलत है ए, सही है डांसिंग 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 एक बार डांसिंग तो आंसर है थ्री टू वन इसमें आप देखिए डांसिंग यहां भी है यहां भी है यहां भी है आपने फील नहीं किया जब आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज यहां पे आया था तो ये मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहां तो थोड़ा था प्लस यहां भी आया था यहां भी आया था अब यहां दोनों लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसीलिए मजा आ जाएगा सबसे शानदार थ्री होगा फिर टू फिर वन क्योंकि अगर यहाँ आप लगाते हैं एनो टू तो गंदा हो जाएगा ये ऐसे ऐसे ऐसा सोचना होता है इसको भैया जब प्लस चार्ज आएगा उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा इन दोनों में ये डांसिंग होगा या डांसिंग नहीं होगा इन दोनों में बताओ चार नंबर का आंसर बताओ सर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कब होगा बेटा तीन एप्लीकेशन और है उसके बाद एसिड बेस आ रहा है तीन और है उसके बाद एसिड बेस आ रहा है टू मोर देन वन बिल्कुल सही बात है यहां डांसिंग हो रहा है ये रेजोनेंस करेगा यहां भी आएगा तो भी डांसिंग होगा यहां आएगा तब भी डांसिंग होगा ओ भाई तीन तीन बार आएगा तीनों बार डांसिंग प्लस एरोमेटिसिटी यहाँ केवल एरोमेटिसिटी है तो ये ज्यादा स्टेबल है ये ज्यादा स्टेबल है समझ आया सबको भाई लोग समझ आया सबको भाई लोग समझ आया सबको ये बताता हूँ ये सवाल जय एडवांस में आया 2021 में बोन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये मैक्सिमम बच्चा गलत करता है मैक्सिमम बच्चा गलत करता है बहुत आसान है डिसोसिएशन एनर्जी, को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी दैट इज योर डिसोसिएशन एनर्जी। आपको एक बात बोलूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में आपको यह चेक करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज ऑलवेज डिपेंड बाय होमोलाइसिस प्री रेडिकल के द्वारा ही चेक की जाती है आप बताइए अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने के बाद डॉट स्टेबल बन रहा है आप मुझे बताइए सब लोग अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने के बाद डॉट स्टेबल बन रहा है तो वो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है या आसान है मान लो आपने ये बॉन्ड है इस बॉन्ड को तोड़ा और डॉट जो बना वो बहुत स्टेबल बन रहा है तो ये बॉन्ड तोड़ना आसान है या मुश्किल होगा तो बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे कृष्णा बाबू रुको तो सही एक मिनट रुक जाओ मैं सब आ रहा हूं इजी होगा इजी होगा इजी मुश्किल नहीं होगा इजी होगा मान लो आपने कोई चीज तोड़ी तोड़ने के बाद जो बन रहा है वो अच्छा है स्टेबल बन रहा है तो आराम से तोड़ लो नहीं समझे मेरी बात समझ आया ये बोन तोड़ी डॉट बना लो डॉट बना ले डॉट बहुत स्टेबल है आराम से तोड़ लो ना फिर ऐसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तो ध्यान से समझिएगा मान लीजिए कोई बच्चा पूछा सर कैसे ये लिया आपने ये बोन तोड़ी चलो एक काम करिए ये वाला करते हैं ताकि वो आप आराम से करना डॉट ये थोड़ा डॉट ये थोड़ा डॉट अब आपको ये देखना है कि डॉट पे स्टेबल है अब इनमें फर्क क्या है सिंगल डबल ट्रिपल सिंगल डबल ट्रिपल एक उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है इसकी थोड़ी कम इसकी और कम इसकी बात समझ में आ रहा है तो अब आप देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है तो मजा आ जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाले तो वन टू थ्री इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डॉट तो हाईली अनस्टेबल है

So, मैं ये बताओ चलो अब बताओ आप एक काम करो पहले डॉट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ मुझे स्टेबिलिटी तो का ऑर्डर बताओ पहले ए बी सी डी ई पांच लोग हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ सबसे पहले मोस्ट स्टेबल फिर 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 कम फिर कम फिर कम, फिर कम, फिर कम ऐसे। बताओ बताओ डिसोसिएशन एनर्जी इसके बाद एक और बचा है एस आई आर फिर आएगा आपका एस के बाद आएगा स्टेबिलिटी बोन लेंथ फिर स्टेबिलिटी एस आई ठीक है हो जाएगा हो जाएगा आराम से जाएगा आज पुराना मौसम लौटा सी ए डी ई बी एक बच्चे का आंसर आया है सी ए डी ई -E बी गुलशन का आया है एक का आया है सी डी ए ई -E बी ये भगवान अलग अलग आंसर आया कृष्णा बाबू बी तो कैसे स्टेबल बेटा बेटा कृष्णा बी तो हाईली अनस्टेबल है बिकॉज वो डबल बोन्ड पे डॉट बन रहा है हाईली अनस्टेबल है हाईली अनस्टेबल स्टेबल नहीं हाईली सी इज मोस्ट स्टेबल दैट इज ओके परिंदम का आया है सी डी बी ये वाला आ गया देखते हैं सबसे स्टेबल डॉट यहां बनेगा सी पे फिर आएगा ए पे क्योंकि रेजोनेंस ये भी रेजोनेंस कर रहा है ये भी कर रहा है पर ये वाले में अल्फा इज ज्यादा है अब बी डी और ई e में डी वाले में अल्फा है चाहेंगे 3 और एक चार अब ई e और बी में डबल बोन पर डॉट हाईली अनस्टेबल सबसे बेकार है फिर ई e, फिर बी ये ऑर्डर आया स्टेबिलिटी का तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा बी ई डी ए सी दैट इज योर बी डी ई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी समझ आया क्या समझ आया क्या चलो आओ लेंथ करते हैं आप मुझे ये बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ये डबल बॉन्ड बहुत ध्यान से बताना बेटा सोच समझ के ये लिया ये लिया और एक बार ये लिया ये पी और ये क्यू कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे कौन सी बॉन्ड ज्यादा डिसोसिएट होगी ये पाई बॉन्ड ज्यादा टूटेगी या ये पाई बॉन्ड ज्यादा टूटेगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना विच बॉन्ड विल ब्रेक मोर मुझे पता है आप भी थक गए होंगे मैं भी बस सब एसिड बेस में एनर्जी आ जाएगी मेरी लोट आएगी एनर्जी पी वाई रीजन बताओ अडेरेन बाबू बोल रहे क्यूरन बाबू गलत है आपका क्यू पी क्यों पी का रीजन बताओ पी इज द करेक्ट आंसर पी ज्यादा डिसोसिएट होगा क्यू से रीजन बताओ ये नीतीश बाबू ये बंद कर रहे स्टेबिलिटी ज्यादा बोन लेंथ कम चप्पलों से मारू और घसीट घसीट के गदा कही स्टेबिली रेजोनेंस वेरी गुड इस लोन पेयर के रेजोनेंस करने के कारण ये बोन्ड के क्या बनेगी डबल से क्या बन जाएगी सिंगल ड्यू टू द बिकम सिंगल डबल विल बिकम सिंगल इसीलिए इसमें टूट के सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना किसकी बॉन्डलेन्थ ज्यादा होती है सिंगल की या डबल की की लेंथ ज्यादा होती है सिंगल की या डबल की सिंगल की इसीलिए एज द परसेंटेज सिंगल बॉन्ड एज द परसेंटेज सिंगल बॉन्ड इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड ट्रेक्टर होगा उतना लेंथ ज्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होगा रोटेशनल बॉन्ड एनर्जी बेरियर मतलब एक बॉन्ड को घुमाने में जो एनर्जी चाहिए वो भी कम हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड को घुमाना आसान है डबल को घुमाना मुश्किल है केवल लेंथ निकाल लो बाकी सब उल्टा कर दो पर ये ऑफिशियल है स्टेबिलिटी का कहीं नाम नहीं लिया जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी विच सीओ बॉन्ड हैज मोर बोन्डलेन्थ जी कौन सी सीओ की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इस पी या क्यू किस केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी किस केस में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा पी का या क्यू का सोच के बताइएगा किस केस में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा कैसे सोच रहे हो यार अलग अलग आंसर तुम्हारे आंसर अलग अलग आ रहे हैं ना इससे थोड़ा बुरा लग रहा है थोड़ा तुम्हारे आंसर अलग आ रहे हैं बुरा लग रहा है बहुत बहुत बुरा लग रहा है बुरा नहीं बहुत बुरा लग रहा है इसमें रेजोनेंस नहीं है इसमें रेजोनेंस है तो रेजोनेंस करने से डबल बॉन्ड ब्रेक होगी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सुन के समझ जाओ रेजोनेंस करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगी ब्रेक होगी तो दिस बॉन्ड विल डेवलप सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर दिस विल डेवलप सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड डबल बॉन्ड विल बिकम सिंगल एंड सिंगल विल बिकम डबल यहां बॉन्ड टूटेगी यहां बॉन्ड नहीं टूटेगी यहां नहीं टूटेगी तो डबल रहेगी यहां थोड़ी सी सिंगल बनेगी इसीलिए पी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी क्यू से इसीलिए पी की बॉन्ड ज्यादा होगी से आओ एक दो सवाल और करते हैं रुको सवाल और करते हैं रुको पहला क्वेश्चन बताओ पी क्यू आर किसकी लेंथ ज्यादा होगी चार सवाल बताओ बिंदास बताओ किसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी बिंदास सोच के बताइए सर इसमें ऐसा होगा इसलिए ऐसा होगा चार ही सवाल पर अच्छे से सॉल्व करो चार ही सवाल पर अच्छे से सॉल्व करो फिर पढ़ेंगे एस RQP is the correct answer. R वाले में ये ज़्यादा रेजोनेंस कर रही है तीन बार कर रही है, यहाँ एक बार दो बार मतलब तीन पाइपोन रेजोनेंस कर रहे हैं यहाँ दो यहाँ कुछ नहीं है जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा डबल टूट के उतना ही सिंगल बनेगा सिंगल बनेगा तो लेंथ बढ़ जाएगी तो आर की लेंथ सबसे ज्यादा होगी फिर क्यों की फिर पी की क्वेश्चन नंबर टू का ऑर्डर सोच समझ के बताना सोच समझ के सोच समझ के बताना सोच समझ के बताना हुँ, 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 हुँ। देखो मैं कैसे करता हूं सिंगल सर किसको नापना है सीओ बोंड सिंगल बोंड डबल 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 सबसे शानदार हो गया पी अब इन तीनों में ये रेजोनेंस कर रहा है तो थोड़ी सी सिंगल बनेगी ये रेजोनेंस ज्यादा कर रहा है तो ज्यादा सिंगल बनेगी ये तो डबल ही पड़ी रहेगी सबसे बढ़िया हो गया आर पी के बाद दो बार रेजोनेंस कर रहा है तो मजा आ जाएगा इसमें थोड़ा कम हो रहा है फिर क्यू फिर एस पी आर क्यू एस पी आर क्यू एस जिन बच्चों का आया उनको बधाई जिन बच्चों का आया उनको बधाई है ना अगला ट्राई करो क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर थ्री ट्राई करो थ्री थ्री ट्राई करो ट्राई करो बे मेरा मेरा ये रहता है कि तुम ट्राई करो मैं मैं बताऊंगा तुम तो एक, एक सेकंड में कर लोगे बेटे बैठे देखते हैं सिंगल सिंगल डबल सबसे गंदा हो गया आर अब बात करते हैं अब बात करते हैं इन दोनों में या, आ, क्या आंसर पी क्यू आर इज अ करेक्ट आंसर रीजन क्या है सर सर रीजन क्या है ये लोन पे रेजोनेंस कर रहा है तो ये वाली बोन सिंगल से थोड़ी सी क्या आएगी इस बोन में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा तो बोन लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी वहां प्योर सिंगल रहेगा पी क्यू आर क्वेश्चन नंबर चार भयानक सवाल है क्वेश्चन नंबर चार एक भयानक सवाल है प्लीज ट्राई प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर चार बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा नीचे नीचे लग रहा है एनो टू लग रहा है एनो टू चलिए देखते हैं सिंगल 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 डबल वाहियात हो गया एस अब बच्चे ये तीन लोग सिंगल रेजोनेंस कर रहा है तो पार्शियल डबल प्योर सिंगल मजा आ जाएगा तगड़ा क्यू इन दोनों में रेजोनेंस दोनों कर रहे हैं फर्क किसका है एनो का एनो खींचता है तो ज्यादा रेजोनेंस होगा इस केस में रेजोनेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा ज्यादा रेजोनेंस होगा तो ये बॉन्ड और ज्यादा डबल बनेगी सिंगल बॉन्ड बिकम्स डबल एंड डबल बिकम्स सिंगल सिंगल बिकम डबल डबल बिकम सिंगल ये खास बात है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा बिकॉज ऑफ मोर रेजोनेंस, तो आपका आ गया क्यू क्यूपीआरएस जिन बच्चों का क्यूपीआरएस आया हो उनको बधाई बहुत फाड़ू सवाल है फाड़ू सवाल लिटरली मेरा खुद का ये one of the question है। चलिए, एक आखिरी कॉन्सेप्टी का फिर आएगा एसिड बेस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेस सबने सुना होगा बेटा आप सबने सुना होगा ऐसा यार। आर पहले क्यों आएगा आर रेजोनेंस ज्यादा कर रहा है तो डबल बोन कैरेक्टर ज्यादा होगा ना कि कम होगा ना कि कम होगा चलिए सबने सुना होगा एक दो तीन अभी देखो पीपाई से देखो बेटा पीपाई से मजा आएगा इसमें तो फीली पीपाई की है बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें ये ये शानदार सा रेजोनेंस चल रहा है इनके बीच में मस्त ऐसा शानदार सा रेजोनेंस चल रहा है बेंजीन और इसके बीच में जबरदस्त रेजोनेंस चल रहा है लेकिन जैसे ही आपने कोई बल्की ग्रुप लगाया जैसे ही आपने कोई बल्की ग्रुप लगाया उसके रिपल्शन के कारण ये अपने आप को प्लेन से बाहर करने की कोशिश करेगा ऐसे है रिपल्शन कर रहा है ऐसे हो जाऊंगा तो भी रिपोर्सन कर रहा है तो ये अपने आप को परपेंडिकुलर कर लेता है वही अपने आप को सुमो सीकड़ी यस अपने आप को परपेंडिकुलर कर लेता है और इस केस में जैसे यहां पर तो ऐसे था ये बेटा ऐसे था ये अब ये वाला ऐसे हो जाता है अपने आप को परपेंडिकुलर कर लेता है तो ये तो अपने में रेजोनेंस कर रहे होते हैं शानदार अपने में लेकिन ये और ये बेंजीन और ये आपस में रेजोनेंस नहीं कर पाते अब आप बताओ P और Q कौन सी बॉन्ड ज्यादा लंबी होगी सोच so, समझ के बताना विच हैज मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सोच समझ के बताना बताओ इज द करेक्ट आंसर क्यू इज द करेक्ट आंसर यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ये प्योर सिंगल बॉन्ड है इसीलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और इसी को बोलते हैं इसी को बोलते है, SIR, और भी बोलते हैं हैं ऑर्थो इफेक्ट भी कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस स्टेरिक ग्रुप का रिपल्शन के कारण रेजोनेंस का रुक जाना बेंजीन और इसका रेजोनेंस का रुक जाना दैट इज योर एस आई आर सर कहां, कहां होगा तो ये जो सेंट्रल एटम है ये सेंट्रल एटम दिस मस्ट बी एसपी टू जब जब ये एसपी टू होगा ये प्लेन से बाहर हो जाएगा चलिए मुझे बताइए जहां एस आई आर नहीं लगेगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कहां कहां ऐसे सर कौन से ग्रुप से होता है स्ट्री सारे एक्सेप्ट दिस वन टू वाले ओ एच ओ आर एस टू एच क्लोरीन इनसे नहीं होता आपको ये सब याद भी नहीं करना है आप तो बस ये देखो किस पे होता है किस पे होता है ये देखो बताओ मुझे वन टू थ्री फोर फाइव जल्दी बनाओ एस पी टू एस पी टू एस पी टू एसपी टू है ये देखो एसपी टू एसओ थ्री एच इतना भयानक इन पांचों में सबसे बल्कि एसओ थ्री एच है पर लेकिन यह एसपी थ्री है तो प्लेन में आ ही जाएगा कुछ ना कुछ करके इसीलिए यहां एस आर नहीं होता बाकी चारों पे एस आई आर होगा अब बताओ वन टू थ्री फोर फाइव बताओ तो ले काम करो सिक्स सेवन एट नाइन टेन सिक्स सेवन एट नाइन टेन बताओ किस पे किस पे ऐसा यार नहीं होगा सिक्स सेवन एट नाइन टेन बताओ बताओ और एस आई का फंडा एसिड बेस में बहुत काम आता है ये SIR वाला फंडा एसिड बेस में बहुत काम आता है बहुत ज्यादा सब में होगा वेरी गुड कैसे एसपी टू टू सर ये तो एसपी थ्री है ये तो एसपी थ्री है भैया ये एसपी थ्री नहीं है ये एसपी टू है क्योंकि ये माइनस चार्ज जो है ये रेजोनेंस कर रहा है तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते क्योंकि ये रेजोनेंस में जा रहा है तो ये पी में होगा प्योर इसीलिए एक दो तीन एस पी टू है यहां भी लग जाएगा यहां भी लग जाएगा यहां थोड़ा कम लगता है पर ठीक है यहां भी लग जाएगा सब जगह लग जाएगा वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर बताइए कहां कहां पे नहीं लगेगा पेराडोक्स आप मंजिल टू पॉइंट देख ले हां ये वाला नहीं कर रहा बिकॉज यहां दोनों एच हैं दोनों हाइड्रोजन के चलते यहां पे नहीं लगेगा ये वाला एस पी है घूम के वही रह जाएगा ये इस पर भी नहीं लगेगा यहां लग जाएगा एसपी टू है यहां भी लग जाएगा एसपी टू है शानदार तो यह आपको याद नहीं करना है जल्दी आंसर करें बॉन्ड लेंथ ये तो अपना हो ही गया कि एसआईआर के कारण घूम जाएगा तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा तो बॉन्ड सिंगल रहेगी तो क्यू मोर देन पी अब बताइए इसका आंसर बताइए टू और थ्री का आंसर बताइए टू का आंसर बताइए रेजोनेंस इफेक्ट कहां ज्यादा होगा वन में या टू में रेजोनेंस इफेक्ट कहां ज्यादा होगा वन टू वन टू वन रेजोनेंस इफेक्ट कहां ज्यादा होगा

वन टू टू वन देखो इन दोनों के रिपल्शन के कारण ये प्लेन से घूम जाएगा इन दोनों के रिपल्शन के कारण सी एन प्लेन से नहीं घूमता इसीलिए अपना शानदार विड्रो करता रहेगा माइनस आर लगता रहेगा यहां पे यह एस आई आर के कारण प्लेन से घूम जाएगा माइनस आर ऑपरेट नहीं होगा इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है ये खींच लेगा मजा आ जाएगा नेगेटिव को दैट्स क्यू मोर देन क्या टू मोर देन वन ईमानदारी से बताना यहां तक किसी को कोई दिक्कत सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं यहां तक किसी को कोई दिक्कत श्रीधर गौतम पीजे फोर्टीन एमबी विद्यापीठ फोर्टीन एमबी तो वही वाला बैच है क्या हुआ बेटा अग्नि का क्या कंफ्यूज हुआ बेटा अब बेटा बस केवल प्रैक्टिस करनी है ईमानदारी से बोल रहा हूँ आप जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर ली खूब सारी उसका काम हो जाएगा और प्रैक्टिस करना यहां पे भी अच्छी खासी कराइए आप अच्छी से गायक कर सकते हो एक और क्वेश्चन ले।, ले एक क्वेश्चन और ले एक क्वेश्चन और चाहिए भाई को सर एक क्वेश्चन और दो मजा आएगा थोड़ा सा ले। ले बेटा बता इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है ये मैं बहुत पूछता हूं और क्यू विच इज मोर स्टेबल बता बस इसके बाद इसके बाद चालू होगा आपका कमासान एसिड बेस क्यू इज द करेक्ट आंसर रीजन क्या है इन दोनों के भगवान गया इन दोनों के रिपल्शन के कारण ये प्लेन से घूम जाएगा तो ये रेजोनेंस ही नहीं कर पाएगा यहां तो शानदार रेजोनेंस होता रहेगा ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एक कम स्टेबल। बा, बा, ये कम स्टेब बाकी बच्चा पता क्या सोचता है हाइपर लगेगा मजा आ जाएगा हाइपर लगेगा ही नहीं पी में एस आई आर होगा ये एप्लीकेशन एस आई आर का तगड़ा सवाल है ये चलो आओ चालू करें चालू करें नहीं नहीं एसिड बेस कल कर नहीं कराऊंगा एसिड बेस में तो एक घंटा लगेगा बस हो जाएगा मेरा काम एसिड बेस तो आज ही पढ़ाऊंगा एसिड बेस तो चलिए आइए एसिड बेस एक घंटा और घमासान चालू एसिड एंड बेस आप देखिए एसिड तीन टाइप के होते हैं आरएनएस ब्रोन्स्टेड लुइस आर ने बोला था कि जो एच प्लस दे दे वो एसिड जो ओ एच मे दे वो बेस ब्रोन्स्टेड ने कहा था जो एच प्लस दे दे वो एसिड और जो एच प्लस ले, ले ले वो बेस और लुइस ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे वो बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले वो एसिड है ना लेकिन सर हमें इन सबसे तो मतलब नहीं है हमें मतलब इस चीज से है हमें इस मतलब इस चीज से है कि जब एच एसिड लिया इसको अगर तोड़ने पर आपका बनेगा ए माइनस और एच प्लस अगर इस के की बात करें के फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं के इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इनटू टू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस अपॉन Of HA. अगर आपने ए माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ा दी, दी तो रिएक्शन इट मीन पूरी एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में एक ही फंडा बताता हूँ पूरी फंडा केवल बस आपको एसिड का एच प्लस निकालो माइनस बनाओ कॉन्जुकेट बेस ये एसिड ये कॉन्जुकेट बेस एसिड से बनता है कॉन्जुकेट बेस और बेस से बनेगा कॉन्जुकेट एसिड तो अब अच्छा एक ये होता है के, एक होता है है के पीके पीके टू टू माइनस माइनस लॉग लॉग ऑफ ऑफ के के पीके ये बना आपका बेटा ये बना एक ये बना ठीक है अब ये बन गया अब आप खुद सोचिए एसिडिक स्ट्रेंथ ये अब आपको कुल मिलाकर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बनानी है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाओगे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाओगे ए माइनस की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाओगे कैसे बढ़ाओगे जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप रेजोनेस मतलब इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग वेरी गुड वेरी गुड माइनस आर लगा लो या माइनस आई लगा लो मतलब इलेक्ट्रोन एटम पे बना लो या कुछ भी बना लो और अगर आपने रेजोन प्लस आर लगा दिया तो इनवर्स हो जाएगा प्लस आर प्लस एच प्लस आई ये तो अनस्टेबल कर देंगे उल्टा और ज्यादा और क्या इससे इन सबसे ऊपर एक फैक्टर और होगा क्या इससे इनसे ऊपर एक फैक्टर और होगा क्या इससे कि इसमें एक फैक्टर और होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन

तीसरा आता है आपका ये वाला रेजोनेंस माइनस आर माइनस आई फिर चौथा इसको एक-एक करके करता हूं, मैंने सार, फिर एच और। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सब लोग कि एसिड में अगर एसिड में एच बॉन्डिंग हुई तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी मुझे बस इतना बता दो कमेंट बॉक्स में मुझे इतना लगा बताओ कि एसिड में अगर एच बॉन्डिंग हुई

क्या देखते हैं और अलोंग द ग्रुप क्या देखते हैं अलोंग द पीरियड क्या डोमिनेट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज अलोंग द पीरियड क्या डोमिनेट करता है ईएन या साइज ईएन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और अलोंग द ग्रुप क्या डोमिनेट करता है अलोंग द ग्रुप क्या डोमिनेट करता है अलोंग द ग्रुप क्या डोमिनेट करता है साइज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साइज अगर आपके पास सवाल आता है ना कभी भी बिना देखे मत कूदना सबसे पहले देखना कि फर्क क्या है बाकी क्या है चलिए एक काम करते हैं सवालों के साथ शुरुआत करेंगे ये ये जो तो पॉइंट है बीटीएस का ये आपको बाद में बताऊंगा पहले बताइए क्वेश्चन नंबर वन और टू सोल्व कीजिए पहले वन बताइए बस क्वेश्चन सोल्व कीजिए मेरे साथ चुपचाप वन का आंसर क्या आएगा वन का आंसर एस आर क्यू पी बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि एफ सी एल बी आर आई में साइज का फर्क है तो साइज सबसे किसकी आई की फिर बी आर की फिर सीएल की फिर एफ की तो आई की साइज सबसे ज्यादा है इसका मतलब उस पर नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है बड़ी साइज होगी तो डिस्पर्जन उतना ही ज्यादा होगा सेकंड सेकेंड देखो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन चारों में डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन पे माइनस सबसे ज्यादा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन फिर कार्बन क्वेश्चन नंबर थ्री बताओ सारे लोग थ्री बताओ आंसर है यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस देखो मैं कैसे कर रहा हूं ऐसे कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहां दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं यहां तीन तीन दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको चाहिए नहीं खींचना है इससे ये तो उल्टा हो गया तो आंसर हो गया पी क्यू आर पी क्यू आर क्वेश्चन नंबर चार का आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर चार का आंसर बताए क्वेश्चन नंबर चार का आंसर बताएं यार ये सब बात करो कि प्राइमरी सेकेंडरी ट्रस्ट चुप रहे फालतू बात माइनस बनाओ माइनस बनाओ माइनस बनाओ ये माइनस रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन है ये रेजोनेंस कर रहा है ये रेजोनेंस नहीं कर रहा ये नहीं कर रहा पर यहां तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेकार हो गया आंसर हो गया आर क्यू पी कोई एक्सेप्शन नहीं कर रहे हैं अपने को बिल, बिल्कुल भी ये मेरा फेवरेट सवाल है माइनस 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 बताओ आर एसओ थ्री माइनस ये होता है बताओ सबसे शानदार कौन होगा पी क्यू आर एस सबसे शानदार क्या होगा पी क्यू आर एस में सबसे शानदार क्या होगा बताओ बताओ बताओ

फिर आर, वही फंडा सेम फंडा सेम लॉजिक मेरी बात समझ रहे हो सेम फंडा सेम लॉजिक है ना बताओ ओ माइनस सीओ माइनस सीओ माइनस बताओ क्या आंसर आएगा ये अच्छा सवाल है, ये बहुत ट्रिकी सवाल है मैक्सिमम बच्चा गलत करता ही है क्वालिटी रेजोनेंस इज़ बेटर देन एनीथिंग एस देखते हैं चलो एक बात तो मन में बैठानी होगी कि ये दोनों अच्छे होंगे बेकार होंगे इन दोनों से क्योंकि यहाँ सीओ माइनस सीओ माइनस है क्योंकि वो और तो कुछ है नहीं तो अब इन दोनों में कौन अच्छा है तो ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा उसको अनस्टेबल कर रहा होगा ये फिर भी स्टेबल है ऐसा अच्छा हो गया आर से पी और क्यू में ये एनओ टू इलेक्ट्रॉन विद्रो कर रहा होगा खींच रहा होगा तो नेगेटिव को मजा आ जाएगा कई सारा बच्चा इन दोनों में इसको आगे रखता है ये गलत है विक्यू का सही आया है देखो मैंने कहा ना बहुत सारा बच्चा ये गलती करता है ये बड़ा इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको चाहिए नहीं है आपको लेना है उससे दे रहे हो ठूस रहे हो आर में बेटा आर वाला अच्छा क्यों है पी से इसमें ऊपर वाला देखो पहले इस पे तो बाद में आना पहले देखो यहाँ पे इक्वन आर एस है यहाँ इक्वनेट आर एस नहीं है सीधी सी बात है ये बताओ सात नंबर अच्छा सवाल है जेई का आया हुआ सवाल है और एन सी आर टी का सवाल है जई का आया हुआ सवाल है और एन सी आर टी का सवाल है जेई का सवाल है और एन सी आर टी का सवाल एन सी आर जेई का आया हुआ सवाल है और एन सी आर टी में दिया हुआ है दुखने लग गए बहुत तकड़े पैर दुख रहे क्या खूब हो रही है करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बात है बहुत बच्चों का यही आया है पी आर क्यू बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है डबल तो बेकार हो गया ट्रिपल अच्छा हो गया अब इन दोनों में ये मिथाइल ठूस रहा है थोड़ा सा अनस्टेबल करेगा वो बढ़िया है पी आर क्यू p r q इज द करेक्ट आंसर ये आसान है इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखनी है 3.25 3.0 3.5 और ये तो साइज है तो सबसे आगे हो गया साइज बड़ी है तो सबसे आगे अब इन तीनों में इसकी एन सबसे ज्यादा है r फिर p का पता है कई सारे बच्चे पता क्या गलती कर देते हैं इसमें मैक्सिमम बच्चे इन दोनों में गलती करते हैं आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख के चेक कर ले मजा आ जाएगा आपको कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा अगले जो सवाल हैं वो बिल्कुल डिसाइडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तुम्हारे जेईई एडवांस के लिए ये सवाल सारे जेईई एडवांस का एक-एक मिला हुआ सवाल है जेईई एडवांस के लायक सवाल है सो so, 3.5 कहाँ से आया गधे हो क्या एक नंबर के या आईओसी के नाम पे क्या पढ़ा है तुमने

माइनस बनाओ माइनस बनाओ ये सी खींच रहा है थोड़ा दूर हो गया और दूर हो गया सबसे बढ़िया हो गया P फिर Q फिर R क्वेश्चन नंबर टेन एक क्लासिक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन के बेसिस पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्वेश्चन नंबर टेन के आधार पे क्वेश्चन एडवांस में या मेंस में आने के आधा बहुत ज़्यादा है इसके चांसेस क्यों सर ये एक तगड़ा कॉन्सेप्ट है कि सी ओ एच के ऑर्थो पे कुछ भी आ जाए इनमें से जो बल्कि होते हैं इनमें से इसके एस आई आर के कारण इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज इसका सॉल्वेशन मैक्सिमम पहुंचता है इसको गिरना आसान होता है कई लोग बताते हैं कि बेंजी इलेक्ट्रॉन देना बंद कर देगा ऐसा नहीं होता इसका रीजन होता है कि सोलवेशन बहुत अच्छा होता है इन दोनों के एस आई आर के कारण ये घूम जाता है और शानदार इसका सोल्यूशन होता है इसीलिए आपको तो अगर सीओ एच के औरतों पर कुछ भी आ जाए जाएच के औरतों पर कुछ भी आ जाए उसकी सबसे ज्यादा होती है पी को अंधो की तरह सबसे आगे रख दो अब इन दोनों में चेक करो माइनस माइनस ये मेटा पे है जस्टिस फॉर मेटा मेटा ओनली इंडक्टिव लगा रहा होगा लेकिन पैरा पे क्या लग रहा होगा हाइपर कॉन्जुकेशन तो अब आप बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है तो ये कम दे रहा है ये ज्यादा ठूस रहा है क्योंकि हाइपर से दे रहा है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा आर से क्या आप लोगों को ये फंडा समझ में आया क्या आप लोगों को ये फंडा समझ में आया ईमानदारी से बताना आप लोगों को ये फंडा समझ में आया क्या आप लोगों को ये फंडा समझ में आया वैसे ही ये सवाल है इनमें ऐसा है सबसे आगे अब इन दोनों में क्या है यहां लग रहा है माइनस आई यहां लग रहा है माइनस आर तो सबसे बढ़िया आर हो जाएगा आपको बस ये चेक करना है कि इफेक्ट कौन सा है इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करना होता है सबसे बड़ी बात ये है आपको ये सबसे बड़ी बात होती है तो इन दोनों में सबसे बढ़िया हो गया आर फिर क्यू सबसे बढ़िया पी एक, एक और बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर चौदह जई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है बताओ मुझे क्या आंसर आएगा सबको याद होगा सोलह सबको याद होगा क्यू आर माइनस बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तगड़ी वाली सर पहले भी तो हो रही थी भाड़ में जाए पहले मैंने आपको क्या सिखाया सबसे पहले देखते हैं एज एज बॉन्डिंग बॉन्डिंग इन बेस तगड़ी यहां, पे भी हो रही है, यहां नहीं हो रही सबसे बढ़िया हो गया पी क्यूरू आर मैं ये बताओ ये अच्छा सवाल है बताओ बताओ सिस्टमेटिक चलोगे तो जीत जाओगे याद है तुम्हें तो अलग बात है याद ही कर रखा है ट्रिकों से तो बात अलग है बाकी इसको तो सोच के बताना यहां पे नेगेटिव बनाओगे यहां नेगेटिव बनाओगे यहां नेगेटिव बनाओगे ये वाले में दो दो एनो टू है भयानक स्टेबल मजा आ जाएगा आर सबसे बढ़िया अब यहां पे एनओ टू माइनस आर यहां भी लग रहा है यहां भी लग रहा है तो सर ने क्या सिखाया था सर ने सिखाया था सबसे पहले एसिड एच एस बॉन्डिंग नहीं हो रही ऐसा रही है माइनस आर लगा लिया एच बॉन्डिंग ऑफ एसिड एच बॉन्डिंग ऑफ एसिड एस h bonding of acid इसका मतलब क्या हुआ अभी मुझे -i से पहले h bonding देखनी पड़ेगी यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं इन दोनों के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये वाला थोड़ा सा h कम देगा ये थोड़ा आराम से दे देगा ज्यादा फर्क नहीं आता पर फिर भी r p q क्योंकि h bonding के कारण इसीलिए पैरा और ऑर्थो वाले में पैरा और ऑर्थो वाले में पैरा ज्यादा आता है ऑर्थो से रीजन समझ में आया सबको हम्म एज बोर्डिंग हो रहा है वेरी गुड चलिए बेसिक स्ट्रेंथ का सिंपल सा फंडा बता देता हूं बेसिक स्ट्रेंथ में इतना सा चेक करना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले चेक करो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी तुम बताओ कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा सामने वाले को लोकलाइज वाला या डीलोकलाइज वाला जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए uh, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा लोकलाइज वाला या डीलोकलाइज वाला लोकलाइज क्योंकि लोकलाइज वाला अवेलेबल है तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा डी लोकलाइज का मतलब तो रेजोनेंस कर रहा है ठीक है उसके बाद अब लोकलाइज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे चेक करें तो प्लस आर जो इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे ग्रुप्स वो उस पर डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे फिर देखेंगे प्लस एच फिर देखेंगे प्लस आई और लास्ट में देखते हैं आपको अभी पेन क्या गिर रहा है लास्ट में देखते हैं ये ये आपका सारे आंसर ले आएगा चलिए चेक करते हैं बहुत ध्यान से सुनना बेटा सभी लोग बेसिक स्ट्रेंड के सवाल सबसे आसान होते हैं लेकिन बच्चों से सबसे कम होते हैं उनको लगता है एसडी तो फिर भी बच्चा कर लेता है बेसिक स्ट्रेंड तो उसको लगता है कि थोड़ा सा आओ सर कैसे आप हमें बताओ यहां देखो सारे लोग एफ सी एल बी आर आई चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है कमेंट लिख के बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है एफ या आई बताइए ये, ये पता है के जस्ट उल्टे सवाल है सारे एफ गलत जवाब है आई इज द मोस्ट स्टेबल साइज अभी बताया था मैंने आपको साइज देखते हैं ये सब ग्रुप के लोग हैं साइज आई माइनस इज द मोस्ट स्टेबल अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे कम देगा इसीलिए आपके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया ये स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन देना उतना ही मुश्किल होता जाएगा दैट सेट ये भी सेम है नेगेटिव आराम से देगा इन दोनों में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एविटी कम है ये ई पे है ये ई पे है साइज पे है ये सारे थी थी ये ने किया था सवाल सेम वही है आपको नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखनी है और इलेक्ट्रॉन देने हैं बस मुझे आप ये बताइए जल्दी से पहले क्वेश्चन नंबर सात बताइए पहले जल्दी बताइए वाले में बताइए अब मैं आपसे सवाल पूछना अब मैं आपसे सवाल पूछना चालू करूंगा बेसिक स्ट्रेंथ पे तगड़े वाले बताइए मुझे सात नंबर में कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा पी क्यू ऑर्डर क्या होगा सनी बोल रहा है एसिड का उल्टा बेस सुबह बेस का उल्टा है, ये मत करना ये सवाल होते ही नहीं है वो भी कॉन्फिडेंस तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जब भी मुझे दिखता है ना मैं चेक करता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम है इसकी ज्यादा है इसकी और ज्यादा है तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद कम करेगा इसकी ई एन ज्यादा है तो ये कम इलेक्ट्रॉन देगा ये आराम से देगा तो पी क्यू आर बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर आठ डीलोकलाइज 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 सारे डीलोकलाइज है लेकिन डेंसिटी चेक करो अब ये ठूस रहा है ये ठूस रहा है ये और मजा आ जाएगा इस वाले एन को तो मजा आ जाएगा डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी क्वेश्चन नंबर नौ सोच समझ के बताना मुझे ये बताओ इन चारों में सबसे वाहियात कौन है पी क्यू आर या एस सबसे वाहियात कौन है इन चारों में जो कभी इलेक्ट्रॉन देना पसंद ही नहीं करेगा एस सबसे वाहियात है एस ये भी डीलोकलाइज है ये लोकलाइज है ये लोकलाइज है ये वाला डीलोकलाइज है अब फर्स्ट और लास्ट में ज्यादा बेकार कौन सा है ये वाला क्यों सर क्योंकि इसके लोन पेयर की वजह से रिंग एरोमेटाइज हो रही है पायरोल तो कभी जन्म में बेस का काम नहीं करता क्योंकि इसकी वजह से उल्टा रिंग एरोमेटाइज हो रही है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कभी देना पसंद करता ही नहीं है बोले सर मैंने अपना लोन पेर दिया तो रिंग एरोमेटाइज टूट जाएगी ये अपना लोन पेर देता ही नहीं है सबसे तो एस सबसे गंदा हो गया फिर हो गया आपका पी अब क्यू और आर में कौन अच्छा है अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक बार में समझ में आ जाएगा बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना कैसे ये वाला लोन पेयर ये वाला लोन पेयर अब मैं अगर आपसे बात करूं ये डबल बॉन्ड पे नाइट्रोजन है ये सिंगल बॉन्ड पे नाइट्रोजन है इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है इसीलिए और ऊपर सी एस दे भी रहा है इसीलिए ये नाइट्रोजन थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन देगा इसकी इलेक्ट्रॉन सर कभी ऐसा सवाल आता है ऐसे ही करना है क्या जय मेंस में काफी सवाल इस पे आते हैं जेई मेंसपे काफी सवाल इस पे आते हैं और वो पूछते हैं सिंगल और डबल में लेकिन हाँ कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ना हो लेकिन हाँ ठीक है ये डबल बॉन्ड है कम देगा सेम यही लॉजिक सेम यही लॉजिक ये सिंगल बॉन्ड है आराम से दे देगा इसीलिए आपका आंसर आएगा क्यू आर पी एस ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ये तो आसान है यहाँ देखना ध्यान से देखना सब लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ट्राई करें क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ट्राई करें क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ट्राई करें जल्दी से चेक करो फोर्टीन में सारे लोकलाइज हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये डबल बॉन्ड पे है कम देगा यह सिंगल है आराम से, ये दोनों आराम से दे देंगे ये दोनों आराम से दे देंगे यह सबसे कम देगा इन दोनों में ऑक्सीजन के खींचने के कारण ये आराम से देगा पी आर क्यू आई होप आप सभी को समझ में आया हो इन में बताओ इन तीनों में बताओ ये भी है सिंगर इसमें पता है इन सवालों में डिफरेंस क्या है किसी बच्चे को अगर समझना हो ये डी है ये लोकलाइज है और ये लोकलाइज अब पता है क्या होता है इन सवालों में कैसे चेक करते हैं इन दोनों में कैसे चेक करें ये लोन पेयर देखे इस पर डेंसिटी बढ़ा रहा है दैट विल बी बहुत सबसे शानदार हो जाएगा ये ये डेंसिटी जो बढ़ते हैं ना उनमें तो सबसे शानदार होता है फिर आर फिर पी ये ये तो सबसे बेकार है डी दोनों लोकलाइज ये डेंसिटी इस पर बढ़ा रहा है ये मजा दे देगा इसको इसीलिए ये सबसे शानदार होता है क्या मैं बोल सकता हूं बारह नंबर के अंदर क्यों सबसे भयानक होगा क्या मैं बोल सकता हूं बारह नंबर में क्यों सबसे भयानक होने वाला है उसका लॉजिक क्या होगा कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कि बारह नंबर में क्यों सबसे भयानक क्यों है मतलब अगर मैं कभी इस पे h+ डाल दूं वन इक्विवेलेंट कि ये किस दो कौन लेगा तो मैं बोल सकता हूं q लेगा क्यों रीजन बताओ रीजन लोकलाइज़ तो है ही है उसके अलावा लोकलाइज तो है ही है इसके अलावा हाँ ये लोन पेयर देखे इस पर डेंसिटी बढ़ा रहा है ये लोन पेयर देखे इस पर डेंसिटी बढ़ा रहा है क्यू पे डेंसिटी बहुत भयानक है दोनों लोग देखे डेंसिटी बढ़ा रहे हैं यही लॉजिक यहां भी अप्लाई होता है ये है ग्वानिडीन यह है ग्वानिडीन इसको सुपर बेस भी बोलते हैं, भी बोलते बोलते हैं हैं इस नाइट्रोजन पे ये बहुत तगड़ा होता है।, इस बेस भी बोलते है इसको एस फिट आर क्योंकि बढ़ा रहा है वहां तो है ही नहीं एस आर टी आई होप थोड़ा समझ में आया हो आप लोगों को ये वाला हाँ अब बताओ मुझे इन दोनों में इसका सबसे बढ़िया तो क्यों हो गया पी और आर में कौन अच्छा होगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए पी और आर में कौन अच्छा होगा पी और आर में कौन अच्छा होगा पी क्योंकि आर वाला तो रिंग को एरोमेटाइज कर रहा है तो पी वाला अच्छा होगा आर से ये तो पायरोल है गंदा देता ही नहीं लोन पेयर ये बताइए इसमें सोच के बताना याद हो तुम तो मत करना लेकिन कम से कम अब तो बता दो पी क्यू आर सबसे बढ़िया कौन सा होगा इसका ऑर्डर क्या आएगा बताओ नहीं क्यू सबसे बढ़िया नहीं है क्योंकि यहां पे कोई डेंसिटी नहीं बढ़ा रहा है यहां भी कार्बन है यहां भी कार्बन है कोई डेंसिटी बढ़ाने वाला नहीं है हां अगर डेंसिटी वाला होता तो बहुत बढ़िया होता डेंसिटी वाला होता तो बहुत बढ़िया होता आर आर सबसे बढ़िया है ये दे रहा है तो डेंसिटी सबसे ज्यादा है उसके बाद पी फिर आएगा क्यू आर पी क्यू लॉजिक क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो कम देगा इन दोनों में ये डेंसिटी बढ़ा रहा है इसलिए अच्छा हो गया Right. आखिरी सवाल पंद्रह नंबर बताइए आखिरी सवाल बताइए पंद्रह नंबर एक टॉपिक बचता है सोल्यूबिलिटी वाला पार्ट दस प्योर क्यू पता है इसका लॉजिक क्या है सर सर इसमें ये लोन पेयर इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा उधर भी जाएगा डेंसिटी यहां भी बढ़ रही है डेंसिटी यहां भी बढ़ रही है लेकिन यहां पे पूरी इसके ऊपर जा रही है इधर थोड़ी सी डेंसिटी इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इस वजह से ये पी वाला तगड़ा होगा समझ तो में सबको तो पी वाला तगड़ा क्यों होगा डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इधर कम है इधर ज्यादा है डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उधर कम जाएगा That's it. और एक चीज और बताना चाहूंगा सबको इफेक्ट जैसे आपको मैंने कहा था कि सीओ के ऑर्थो पे कुछ भी आ जाए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा वैसे ही एन एस के ऑर्थो पे कुछ भी इस पे जई एडवांस पे सवाल आ चुका है और मेंस में काफी सवाल पूछेगा बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम ये ध्यान रख लेना आग मतलब गोल के चल जाना लॉजिक तो सॉल्यूशन मैंने बताया ही है कि भैया एन एस के ऑर्थो पे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना लॉजिक समझना है तो कोशिश करना ये एन एस के ऑर्थो पे कुछ भी लगाया तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम क्यों हुई क्योंकि जैसे ही H लेगा, ये ये प्लस लेगा यहां से करेगा घूमना चाहेगा तो नहीं घूम पाएगा पानी के मॉलिक्यूल सबसे कम गिरेंगे इसी के चलते एस आई पी तो कुछ होता ही नहीं है पर ठीक है सोलवेशन इफेक्ट बोलते हैं इसको इसका सोलवेशन सबसे कम हो पाएगा बिकॉज ऑफ दि रिपल्शन ऑफ दिस ऑर्थो इसीलिए रिएक्शन पूरी की पूरी पीछे आ जाएगी और इसीलिए आए उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम भाई साहब जिसको ये पता है ना तो उसका कोई कभी गलत ही नहीं होगा और अगेन रिपीटिंग एनएस टू बात कर रहा हूं एनएस टू द लास्ट थिंग ये आपके जई मह में दो दो तीन, तीन तीन बार आ चुकी है जय मेस में इस साल भी दो से तीन बार आई है अगली बार भी दो से तीन बार आएगी इस साल भी दो तो से तीन बार आई है अगली बार भी दो से तीन बार आएगी हंड्रेड परसेंट आएगा हंड्रेड परसेंट सर क्या सर इसका डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, तो गैस फेज में तो चेक करते हैं डेंसिटी थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री थ्री टू वन लेकिन पानी में ऑर्डर अलग आता है क्योंकि पानी में इंडक्टिव इफेक्ट बंद नहीं हुआ पानी में इंडक्टिव इफेक्ट बंद नहीं हुआ पानी में बंद हुआ स्टार्ट uh, हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी में एक्स्ट्रा चीज क्या हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि भैया इंडक्टिव इफेक्ट तो लग ही रहा है एच बॉन्डिंग एक्स्ट्रा होगी इसकी एच बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी इसकी एच बॉन्डिंग थोड़ी कम इसकी और कम अब यहाँ लफड़ा फंस गया भैया अगर इंडक्टिव से जाएं तो आ रहा है 3 2 1 और एच बॉन्डिंग से जाएं मतलब सॉल्वेशन से जाएं तो आंसर आ रहा है 1 2 3 इन दोनों को मध्य नजर रखते हुए ऑर्डर निकाला गया सबसे आगे आएगा टू और जिन बच्चों को याद करना है उनके लिए बेस्ट तरीका बता रहा हूं टू को सबसे आगे कर दो 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 टू के बाद आप कर दो अब बच्चे वन डिग्री और थ्री डिग्री वन डिग्री और थ्री डिग्री इनको जमाने के दो तरीके हैं या तो टू वन थ्री जीरो सबसे लास्ट में फिर या फिर थ्री वन

231 छोटा वाला छोटे के साथ बड़ा वाला बड़े के साथ दैट इज ऑर्डर और इस पे सवाल 100% आने का चांसेस बहुत ज्यादा है चांसेस बहुत ज्यादा है मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि वाटर ज्यादा एसिडिक है या फिनॉल वाटर ज्यादा एसिडिक है या फिनॉल कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं वाटर ज्यादा एसिडिक है या फिनोल क्या लगता है तुम्हें बस बेटा 15 से 20 मिनट और बस पंद्रह से बीस मिनट और फिनॉल ना कि वाटर फिनॉल फिनॉल क्योंकि फिनॉल का नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है फिनॉल बेटा वाटर बोल रहे हैं <laughs> कमाल के लोग हैं फिनॉल और वाटर में बोल रहे हैं वाटर ज्यादा एसिडिक है फिनोल ज्यादा एसिडिक है बिकॉज फिनॉल का नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है इसका नेगेटिव रेजोनेंस नहीं करेगा सिंपल सी बात है इसीलिए आपके जेई सिलेबस में दो टेस्ट आते हैं एक्वस एनएच में सोल्यूबिलिटी और एक्वस बस ए सीओ में सोल्यूबिलिटी एन में सॉल्यूबिलिटी और NaOH में सॉल्यूबिलिटी इन दोनों के तगड़े सवाल बनते हैं अब यहां से अगर देखेंगे इसको H+ दोगे तो ये बनाएगा पानी इसको H+ दोगे ये बनाएगा एच टू सी ओ थ्री इसका मतलब दुनिया की हर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड जाती है स्ट्रॉन्ग बेट से वीक बेस जाती है अगर मैं बात करूँ मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा अब तुम्हें समझ में आएगा मान लेते हैं एक कंटेनर में देखो बेटा जिसको समझना है वो एक बार में समझे उसको मजा आ जाएगा समझेगा तो मान लेते हैं एक कंटेनर में बेंजीन भी है और फिनॉल भी है ये रहा वो कंटेनर इसमें बेंजीन भी है और फिनॉल भी है इसको हमने एक इथर की लेयर में इथर डाल दिया है इथर में दोनों सोल्यूबल है ठीक है बेटा इथर में दोनों सोल्यूबल है अब मैंने इसके ऊपर ऐड किया हमें एक ऐसा रिएजेंट ऐड करना है हमें एक ऐसा रिएजेंट ऐड करना है लास्ट लास्ट है हमें एक ऐसा रिएजेंट ऐड करना है डालते ही जैसे ही आपने उसको डाला अब ये इथर है ये इथर हमें एक ऐसा रिएजेंट डालना है डालते ही दो लोग जो पड़े हैं बेंजीन और फिनॉल दो पड़े हैं उन दो में से एक कोई रिएक्ट करे और एक रिएक्ट ना करे तीन होंगे तो कोई एक रिएक्ट करे दो रिएक्ट ना करे क्यों सर ऐसा मान लीजिए आपने डाला एक्वस एन एच एक्वस एन एच प्लस ओ एच अब आप बताइए एन ए कौन रिएक्ट करेगा बेंजीन या फिनॉल हु विल रिएक्ट फिनॉल फिनॉल क्योंकि फिनॉल का एसडी एच है एन ए प्लस ओ एच माइनस ओएच माइनस जाके एच प्लस ले लेगा और यहां पर अब आपके पास दो देरी बात ध्यान सुनना अब आपके पास दो लेयर बन जाएगी एक दो एक में इथर होगा एक आपका पानी होगा क्योंकि एक वर्ष ले रहे हो पानी के साथ तो दो लेयर बन गई अब आप खुद देखिए कि भाई साहब फिनॉल जो है वो रिएक्ट करके कहा चला जाएगा पानी में इट विल कन्वर्ट टू तो पी एच ओ माइनस पी एच ओ माइनस और इथर में क्या चल जाएगा बेंजीन जो था वही रह जाएगा अब आप देखिए अब आप नल खोल दीजिए जब तक ये अलग ना हो जाए फिर इसको अलग कर लीजिए दोनों को अलग अलग कर सकते हैं दिस मेथड इज नॉन एज डिफरेंशियल एक्सट्रेक्शन दिस मेथड इज नॉन एज ये आपके एनसीआर में दिया है और सबसे बड़ी बात पूछता भी, ने पूछा भी बहुत है ये डिफरेंशियल एक्सट्रेक्शन डिफरेंशियल एक्सट्रेक्शन डिफरेंशियल एक्सट्रेक्शन मतलब कोई एक रिएक्ट करे कोई एक रिएक्ट ना करे उसके लिए सबसे शानदार चीज बता रहा हूं एक बार में आपके सारे सवाल बनेंगे वो है ये टेबल ये कोई एसिडिक स्ट्रेंथ की टेबल नहीं है ये सॉल्युबिलिटी की टेबल है मतलब सर सबसे वाहियात गंदे लोग हैं ये दोनों ये दोनों बिल्कुल ही बेकार हैं इनका कोई काम नहीं है ये दोनों बहुत ही गंदे लोग हैं ये दोनों बहुत ही गंदे एसिड्स हैं।, हैं कभी H+ देते ही नहीं है या सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यही है यस सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यही है अब अमाइन 3.0 एल्काइन टर्मिनल वाली 3.25 अल्कोहल 3.5

एक सवाल और कराऊंगा बस इसके बाद एक सवाल और है धट सेट ये बता के एक सवाल और है और उसके बाद खूँ दट सेट पैक करूंगा आई आई एग्री कि नोरा का लेवल अब बहुत कम हो चुका है आप लोगों का मेरा भी बहुत कम हो चुका है मेरा भी गला दुखने लगा है अब तो आखिरी कॉन्सेप्ट चल रहा है बस पाँच सात मिनट का और है बेटा क्वानिडिंग करवा दिया बेटा क्वानिडिंग करवा दिया बेटा आप जब एक जबकि ले रहे थे तब मैंने करा दिया हाँ सर कर लेंगे या सेपरेट कर सकते हैं ये फिनॉल है ये एल्कोहल है ये अल्कोहल है ये फिनॉल है एक रिएक्ट कर जाएगा ये रिएक्ट नहीं करेगा इसीलिए दोनों को सेपरेट कर सकते हैं और फिनॉल से तो अच्छा नाइट्रो हो गया क्योंकि एन ओ टू की वजह से और खींचेगा और सबसे बढ़िया बात आपको सबसे बड़ी बात इन दोनों के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यह अपना एच नहीं देता सबसे बढ़िया बात एच टू सीओ थ्री कार्बोनिक एसिड को कार्बोनिक एसिड को याद करने का बेहतरीन तरीका है कि ऑर्थो और पैरा वाले के बीच में आता है इन सोलबिलिटी टेबल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इसी ज्यादा होती है लेकिन ठीक है ये और ये में आपको याद करने का तरीका याद करने का तरीका यही है याद करने का तरीका यही है कि ऑर्थो और पैरा वाले के बीच में आता है एस टू सीओ थ्री मैंने कहा जब एक एनओ टू अच्छा है तो दो दो तो और अच्छे होंगे तीन हुआ पिक्रिक एसिड तो और अच्छा होगा और दुनिया के किसी भी कंपाउंड में अगर सीओ एच दिख जाए ध्यान रखना बेटा ये एक टेस्ट है ये, ये तो टेस्ट है ये तुम्हारे एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है सीओ एच का एक स्पेसिफिक टेस्ट है एनएस का रिएक्शन ये आराम से करता है और सीओ टू गैस बाहर निकालता है आप बताओ NH, CO3, जब एक्सप्रेस लेगा तो क्या बनाएगा एच टू सी थ्री और वो टूट के क्या बना देगा एच टू और सीओ टू तो सीओ टू गैस रिलीज हो जाएगी तो सीओ टू गैस कौन रिलीज करते हैं सीओ टू गैस कौन रिलीज करते हैं दुनिया के वो सारे कंपाउंड जिनमें सीओ एच प्रेजेंट है अगर आपको किसी कंपाउंड में सीओ दिख जाए तो हंड्रेड परसेंट वो सीओ टू गैस रिलीज करेगा हंड्रेड परसेंट ब्रिस्क एफर प्रोड्यूस करेगा हंड्रेड एंड वन परसेंट बस आपको ये ध्यान रखना है एसकोरबिक तो ठीक है ये आपका स्क्वायरिक एसिड है ये भी ध्यान रखना एसओ थ्री जहां दिख जाए वो भी बहुत अच्छा होगा ये तो ठीक है बहुत शानदार है से। एसकोर भी कैसे जानते हैं। विटामिन सी विटामिन सी तो ये आपको ध्यान रखना है इसके इसको कैसे पता, पता करोगे ऑर्थो और, और पैरा के बीच में ऑर्थो और, और पैरा के बीच में बहुत ध्यान रखना बेटा सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं आज का आखिरी सवाल आज का आखिरी सवाल आज का आखिरी सवाल पढ़िए एक क्वार्टनरी मिक्सर है चार का मिक्सर है बताइए के साथ कौन रिएक्ट करेगा SCL कौन है एसिड है कोई बेस रिएक्ट करेगा बताओ वन टू थ्री फोर कौन रिएक्ट करेगा एस के साथ कौन रिएक्ट करेगा जल्दी बताओ लास्ट एंड फाइनल सवाल एनएस टू वाला बहुत बढ़िया क्योंकि वो बेस है क्योंकि वो बेस है फोर नंबर वो बेस ही एसिड है तो वो क्या बना लेगा सॉल्ट बना लेगा ये बना लेगा एक्सप्रेस लेने के बाद एनएस ये सॉल्ट बना लेगा और सॉल्ट बना लेगा तो ये कहा पहुंच जाएगा पानी में. पानी में कौन सा है बेटा ब्लू वाला ब्लू है पानी पानी ये ये आपका क्यू हो गया आपका एनएसटू एनिलीन क्यू वाला तो ये क्या लिखा है निकाल दिया ये एनिलीन इज क्यू अब आप देखिए अब आपका तीन लोग बचे हैं बेनजीन फिनॉल और सीओएच वाला NaHCO3 वाला किससे रिएक्ट करेगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख कर बताइए NaHCO3 वाला किससे रिएक्ट करेगा NaHCO3 किससे रिएक्ट करेगा बेंजीन फिनॉल या बेंजोइक एसिड बेंजीन सीओएच से बहुत बढ़िया सीओएच से तो वो आ जाएगा आपका पानी में ये पी आपका हो गया बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड अब बचा यहां पे बेंजीन और फिनोल अब बेंजीन और फिनोल Na डाल रहे हो तो कौन रिएक्ट करेगा फिनॉल वो कहाँ पहुँच जाएगा पानी में ये बच गया फिनॉल तो आपने इस प्रकार पी क्यू आर एस निकाल लिए हैं एस आपका बेंजीन है आर आपका फिनॉल है पी आपका बेंजोइक एसिड है और क्यू आपका एनिलीन है क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को ये डिफरेंशियल एक्सट्रक्शन समझ में आया पता है ऐसे सवाल आते हैं मैं आपको कुछ पेड़ दे दूं कि ये बताओ पेर बताओ ऐसा जो दोनों से सेपरेट हो जाएगा कुछ नहीं आपको ये ढूंढना है कि भैया एक एक रिएक्ट रिएक्ट करे करे और एक ना ना जिसको वो टेबल पता है उसका एक भी सवाल गलत नहीं होगा मैं गारंटी दे सकता हूँ उस बंदे का या बंदी का एक सवाल गलत नहीं होगा जिस ब, जिस बच्चे ने इस टेबल को पता है ना वो टेबल का एक भी सवाल गलत नहीं होगा टेबल याद करने को नहीं बोल रहा हूं इस सिंपल सी एसरिक स्ट्रेंथ की टेबल है समझ आ कुछ है ही नहीं चलिए दिल से तय दिल से धन्यवाद दिस वॉज माई लास्ट मंजिल फॉर ऑल ऑफ़ यू ये मेरी आखिरी मंजिल थी आप सभी के साथ और मंजिल नहीं बस यहाँ तक का सफ़र था मेरा मंजिल के अंदर अब हम प्रयास और क्रैश कोर्स और इन सब पे ध्यान रखेंगे वापस से देखते हैं इस साल कौन सा बैच आता है और बस नहीं चलिए दीजिए गुड नाइट टू तो ऑल ऑफ यू आप सभी को वेरी गुड नाइट स्वस्थ रहें मस्त रहे व्यस्त रहे कोरोना से बच कर रहे हैं मास्क लगा कर रहे हैं और जय चैलेंज तो आता रहूंगा जय चैलेंजर्स पे तो आता रहूंगा जय चैलेंजर्स एक बढ़िया सा एक एडवांस का एक तगड़ा प्लेटफॉर्म बना के रहूंगा मैं एक एडवांस का एक इतना तगड़ा प्लेटफॉर्म बना दूंगा कि आप सब के अंदर से आत्मा आभार आ जाएगी और ये क्या है तगड़ा सवाल ठीक है ना बेटा बबाई टेक केयर शुभ रात्रि शुभ खैर गुड नाइट अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू